हेलो, गुड मॉर्निंग। आर यू एबल टू हियर मी क्लियरली? एंड इज माई हैंडसम फेस क्लियरली विजिबल? चलिए, वेरी क्विकली, वी आर लर्निंग आवर सब्जेक्ट सी ए फाइनल डायरेक्ट टैक्स। पहला लेक्चर था ना, तो हमने एक्चुअली बोले तो पढ़ाई के नाम पे ज्यादा कुछ किया ही नहीं। इट वॉज मेजरली इन द नेचर ऑफ इंट्रोडक्शन, जो हर बार होता ही है। ओके, सो नाउ यू ऑल आर वेरी क्लियर अबाउट द फैकल्टी, अबाउट द सब्जेक्ट, अबाउट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपका एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। ओके, बिकॉज उसके हिसाब से पूरा बैच चलेगा और हर एग्जाम्पल उसके हिसाब से बनेगा। कोई भी इनकम अराइज होगी वो प्रीवियस ईयर 23-24 में अराइज होगी, तो ही उसका टैक्स ट्रीटमेंट हम लोग सीखेंगे। एवरीथिंग विल बी स्ट्रिक्टली एज पर दैट, सो वी आर क्लियर अबाउट दैट ऑल्सो। स्टडी मटेरियल के बारे में आई गिव यू आइडिया, क्लासरूम के स्टूडेंट्स को आई थिंक द फर्स्ट टू बुक्स हैव बीन अलॉटेड, एंड बाहर के बच्चों को वो कुरियर होगा, तो हुएवर हैज आई हैव टेकन एड्रेस फ्रॉम यू, तो कुरियर विल बी इनिशिएटेड एंड यू विल बी रिसीविंग द कुरियर ऑफ द टू बुक्स वेरी सून। हाँ, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला है, बाकी के तीन बुक बाद में आएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैनर ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो वेरी क्लियर। वैसे क्लियर तो था, लेकिन मैंने बोला था साथ, मतलब साथ ही होता है मेरे लेक्चर के अंदर, बट आई थिंक आप लोग आ गए हो। कुछ और बच्चे हैं, उनको थोड़ा टाइम लगेगा समझने में दैट मेरे लेक्चर में साथ का मतलब साथ होता है। 7:03 तो नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। ओके, चलिए, लेट देम टेक देयर टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। We then started the last part of our introduction, but which is going to consume today's lecture, tomorrow's lecture, and by the end of tomorrow's lecture, ho jayega ki nahi, that we will have to see. Okay? But today's lecture to definitely will go away. We started learning tax rates applicable for previous year 23-24, assessment year 24-25. The Finance Act applicable for our exam is Finance Act of 2023, जो इस साल अनाउंस हुआ। आपके एग्जाम के पहले कोई भी बजट आए वो आपको एप्लीकेबल नहीं रहने वाला है। एंड टैक्स रेट्स आर गिवन असेसी बाय असेसी। एवरी फाइनेंस एक्ट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू थिंग्स इन अवर सिलेबस। वन, वो अमेंडमेंट्स देगा। अमेंडमेंट हम इंट्रोडक्शन में नहीं कर सकते, जैसे जैसे चैप्टर्स होंगे बोलोगे ये चैप्टर में ये सेक्शन लास्ट ईयर ऐसा था अभी ऐसा हो गया। एंड सेकेंड थिंग विल बी टैक्स रेट, जो हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर कवर करें। टैक्स रेट्स इन इनकम टैक्स आर गिवन असेसी बाय असेसी। सो देर आर 7 कैटेगरीज ऑफ असेसी। उसमें सबसे पहले का भी स्टार्टेड द टैक्स रेट्स ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब नेचुरल पर्सन। बिफोर वी लर्न द रेट्स, वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द 3 कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल। इंडिविजुअल विल बी डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज, ए, बी एंड सी। एवरी वन नोज दैट सीनियर सिटीजन एंड वेरी सीनियर सिटीजन का टैक्स थोड़ा कम होगा, बट डू वी ऑल्सो नो दैट यू विल फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ सीनियर सिटीजन इफ यू क्रॉस 60 नहीं, टच 60। एंड अगेन कैटेगरी सी ऑल्सो, मोर देन 80 नहीं, इफ यू टक क्या इक्वल टू 60 एंड इक्वल टू 80 विल एंटाइटल यू फॉर कैटेगरी बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। पहली बात। दूसरी बात, उन दोनों कैटेगरी के लिए यू हैव टू बी अ रेसिडेंट। मतलब जैसे ही आप नॉन रेसिडेंट बने, आप नॉर्मल वाली में आ जाओगे। फर्स्ट कैटेगरी इज 0 to 59 ईयर्स एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ एनी एज, 100 साल का भी होएगा तो कैटेगरी ए के हिसाब से जाएगा। इज दैट क्लियर? तीसरा, ये 60 और ये 80 हमको कब अचीव करना है? पूरे प्रीवियस ईयर में कोई भी टाइम पे अचीव किया तो चलेगा। 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस ईयर इज ऑल्सो योर 60th बर्थडे, चलेगा? बाढ़ में गया 31 मार्च, सपोजिंगली 1 अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब असेसमेंट ईयर की 1 तारीख को आपका 60th बर्थडे आता है, देन ऑल्सो फॉर द प्रीवियस ईयर विच गॉट ओवर यू विल बी एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ सीनियर। एंड दिस एक्सप्लेनेशन वॉज फॉर बोथ कैटेगरीज बी एंड सी। सीनियर के लिए, वेरी सीनियर के लिए 60 और 80 दोनों के लिए ये एप्लीकेबल रहेगा। तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर वी क्लियर अबाउट द कैटेगरीज ऑफ इंडिविजुअल असेसीज? क्या हम उसके बारे में क्लियर है? नाउ दैट वी आर क्लियर अबाउट द कैटेगरीज, हम लोग जाके सीखेंगे इनका टैक्स रेट वन वन बाय वन। सबसे पहले वी विल गो एंड लर्न द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द फर्स्ट कैटेगरी। देखो, इसका टैक्स इसके नीचे, इसका टैक्स इसके नीचे,
और इसका टैक्स इसके नीचे, आई होप देर विल बी नो प्रॉब्लम फॉर यू टू अंडरस्टैंड एटलीस्ट दिस पार्ट. आप समझा, ए के नीचे, बी के नीचे, सी के नीचे, उनका रिस्पेक्टिव टैक्स रेट्स विल बी टॉट. बट इन द ओल्ड रेजिम, हम सब असेसीज का ओल्ड रेजिम कंप्लीट करके फिर आंटी ने वो जो नई चीज लाई है, वॉट इज एग्जैक्टली दैट, वी विल गो टू दैट आफ्टर वी कंप्लीट द ओल्ड रेजिम. तो लेट अस अंडरस्टैंड वॉट इज द एप्लीकेबल टैक्स रेट इन इंडिया. इंडिविजुअल असेसीज पे टैक्स अकॉर्डिंग टू स्लैब्स. योर टोटल इनकम फ्रॉम फर्स्ट रुपी टिल द एक्चुअल नंबर will be divided into small parts, chote parts, and those small parts will be called slabs. आप समझ रहे हो? And हम लोग जो रेट लगाएंगे वो slab by slab लगाएंगे. Let me see how much you know about the concept of slab rates in our country. We will talk about category A. नॉर्मल इंडिविजुअल मतलब 0 to 59 years, और नॉन रेसिडेंट कोई भी एज का होगा तो इधर आएगा. अगर इस इंडिविजुअल की इनकम 0 से लगाकर 2,50,000 है तो उसको उस इनकम के ऊपर 0% टैक्स लगेगा. यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्स. ऑल्सो वेरी वेरी पॉपुलरली नोन एज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मीन्स इस इनकम तक आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है. वन पर्सन हु इज अर्निंग अप टू ₹2,50,000 इन अ ईयर, पूरे साल का टोटल, इज रफली अर्निंग अ लिटल ओवर ₹20,000 पर मंथ. तो यू ब्लडी भिकारी, भूखा नंगा, तू तेरा घर चला, देश हम लोग चला लेंगे, हमको तेरे पैसे की जरूरत नहीं है, तू रख तेरा पूरा पैसा अपने पास. लॉजिक समझो, वाई नो टैक्स? तो फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर किसी को भी टैक्स नहीं लगेगा. देन वेदर यू आर Tier 2, Tier 3 employee, someone who is very poor, or whether you are the owner of India. Owner of India मालूम है कि नहीं? कौन? मुकेश भाई. मुकेश अंबानी नहीं बोलने का, कौन अपने नाके वाला बनिया नहीं है वो, मुकेश भाई, owner of India. Whether you are a poor person or मुकेश भाई, पहले 2.5 लाख के ऊपर किसी को भी टैक्स नहीं देना. That is also known as the बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट. लेकिन जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा, यू नीड टू स्टार्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नेशन बिल्डिंग. तो वंस यू क्रॉस द इनकम लेवल ऑफ 2,50,000 अप टू योर इनकम ऑफ ₹5 लाख, आपको भरना पड़ेगा वेरी वेरी बेयर मिनिमम रेट ऑफ टैक्स, समथिंग विच इज मैनेजेबल बाय एनीवन. छोटा सा टैक्स लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी एट अ रेट ऑफ 5%. लेट मी सी हाउ मच डू यू नो अबाउट स्लैब्स. सपोजिंगली मेरा इनकम 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपीज, ओके तो मैं 5% की ब्रैकेट में आऊंगा तो सही. तो आप कैलकुलेशन कैसे करोगे 4 लाख का 5%? नहीं नहीं नहीं, फर्स्ट 250 अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस विल बी टैक्स्ड एट 0. अपर साइड पे मेरा इनकम कुछ भी हो, पहले 2.5 लाख के ऊपर इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 0. तो जो भी आपको 5% लगाना है, इट विल अप्लाई ऑन द इनकम आफ्टर द फर्स्ट 2,50,000, जो अपने एग्जाम्पल में 1.5 लाख रुपए. आप समझा क्या? Of course, I know that you know this, but the thing is that if there is any confusion, so this is the last chance to eliminate all confusions. इसके बाद आपको कोई academic classroom में जाके law सीखने का chance नहीं मिलने वाला है. आपको खुद ही हर साल budget पढ़ पढ़ के अपने आप को समझाना पड़ेगा. This is your last chance. So is that clear? चलिए, जब आप 5 लाख का level cross कर लेते हैं, तो अगले 5 लाख, next 5 लाख, that is the income range from 5 लाख to 10 लाख, you have to pay tax at a rate of 20%. मतलब सपोजिंगली मेरा इनकम 8 लाख रुपीज है, तो इज 20% एप्लीकेबल? इज इट एप्लीकेबल? फर्स्ट आंसर इन येस और नो. येस. देन ऑन वॉट अमाउंट? 8 लाख का 20? नहीं, फर्स्ट 250 पे नहीं लगेगा, नेक्स्ट 250 पे, मतलब 250 टू 5 पे 5%, एंड जो रिमेनिंग है हमारा 3 लाख रुपया, that will be only subjected to 8 lakh. This is called slab. Your total income will be divided into small parts known as slabs. और जो part 0% में जाता है उसको हम basic exemption limit बोलते हैं. इतनी income तक किसी से भी tax नहीं लेंगे. Is that understood? Finally, when you cross rupees 10 lakh in a year, अमीर है bro, तो now you should contribute good amount to नेशन बिल्डिंग. आप अग्री करते हो इस बात से?
आपको अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन नेशन बिल्डिंग के लिए करना चाहिए। 10 लाख क्रॉस किया मतलब आप महीने का रफली 80,000 से ज्यादा कमाते हो। यू नो थिंक अबाउट इट, 75 के कैलकुलेशन से चलोगे तो 9 लाख मिलेगा, 80 से भी ज्यादा कमाते हो। तो यू विल हैव टू कैलकुलेट टैक्स, पे टैक्स टू द गवर्नमेंट एट अ रेट ऑफ 30%। दीज आर दी स्लैब्स एप्लीकेबल टू कैटेगरी ए। आई नो यू हैव अंडरस्टूड, बट इवन इफ यू हैव अंडरस्टूड जल्दी बोल देना। तो अगर मेरी इनकम 12 लाख रुपीज है, 12 लाख मोदी जी के प्रॉमिस से 3 लाख कम, अगर मेरा इनकम 12 लाख रुपया है तो 30% लगेगा 12 लाख का 30? नहीं, अवर टोटल विल बी डिवाइडेड इन स्मॉल पार्ट। एक काम करेंगे, आप एग्जाम्पल ले ही लो, नेट टैक्सेबल टोटल इनकम वी हैव कैलकुलेटेड 12 लाख रुपीज, तो वॉट इज गोइंग टू बी माई टैक्स लाइबिलिटी ऑन दिस 12? एटलीस्ट आप ये तो समझ ही गए हो कि एक्सेस ओवर 10 लाख के ऊपर 30% लगेगा। तो कैलकुलेट टैक्स ऑन 12 लाख रुपीज। एक दूसरे को मत सिखाओ, किसी को कुछ नहीं आता है। 1,72,000 सर कैसे आया? पहले 2.5 लाख के ऊपर भी अप्लाइड 0%, तो अमाउंट इज 250, रेट इज 0, तो आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट में अमाउंट कितना है? स्लैब इज स्टिल 5 लाख, लेकिन अमाउंट इज ओनली 250। नो, उस 250 के ऊपर भी अप्लाई, तो 250 का 5%। नेक्स्ट स्लैब में अभी अमाउंट बोला, अमाउंट 5 लाख, उसके ऊपर रेट तो 1 लाख, और जो अपर स्लैब है फाइनल स्लैब, सी दैट विल डिपेंड ऑन अवर एक्चुअल इनकम। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अपने एग्जांपल में 12 लाख है, सो दैट अमाउंट इज 2 लाख। अगर अपने एग्जांपल में इनकम 25 लाख होता तो हम 15 लाख लेते। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सेस ओवर 10 लाख। तो यहां पर 2 लाख का 30%, दैट इज गोइंग टू बी 60,000, गिविंग यू द टोटल ऑफ 172,500। सर हमने राइट आंसर दे दिया, फिर आप वापस क्या नंबर दिखा रहे हो? आपने आज कैसे टैक्स कैलकुलेट किया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। यू गेव मी द राइट आंसर, चलो लेट्स बी हैप्पी अबाउट इट। लेकिन आप आज के बाद ऐसे टैक्स कभी नहीं करोगे लाइफ में। इवन इंटर स्टूडेंट्स नो, आई डोंट लेट देम डू लाइक दिस। फाइनल में तो आपके सजेस्टेड आंसर भी आप अगर देखोगे तो वो ऐसे कभी कैलकुलेट करेंगे नहीं। ये तो आपको किसी को सिखाना है ना, तो आपको ऐसे करना है। अ सीए फाइनल स्टूडेंट विल सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑन टैक्स कैलकुलेशन। हाउ? पिकअप द टोटल इनकम ऑन योर कैलकुलेटर। खाली स्टेप्स में जो बोल रहा हूं वो समझते जाओ। पिकअप द टोटल इनकम ऑन योर कैलकुलेटर। तो फिलहाल आपके कैलकुलेटर में कौन सा नंबर है? 12 लाख। अपने एग्जाम्पल में 12 लाख था। इस टोटल में से 10 लाख माइनस कर दो तो कितना बचा? 2 लाख। इस पे 30% लगाओ, 60,000, और 1,12,500 रुपया ऐड कर दो। आज के बाद ये 172,500 जो आपने कैलकुलेट किया, ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे? नेट टैक्सेबल टोटल इनकम माइनस 10 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट योर टैक्स। The tax amount till income level of 10 lakh remains constant. जो भी चेंज होएगा वो उसके बाद वाले अमाउंट के ऊपर होगा, लेकिन 10 लाख तक ये फिगर्स हमेशा सेम रहने वाले हैं। सजेस्टेड आंसर ऑफ ICAI आपको ऐसा ही मिलेगा। समझ लो 25 लाख का इनकम है, तो 15 लाख इंटू 30% प्लस 1,12,500, दैट इज हाउ दे आर गोइंग टू ऑलवेज गिव इट, एंड दैट इज हाउ यू आर ऑलवेज गोइंग टू डू इट। शायद इंटर के बच्चे होते तो मैं दूसरे या तीसरे लेक्चर में बोलता टैक्स कैलकुलेशन के अंदर, मतलब टैक्स तो उनको बहुत बाद में कराया जाता है, बिकॉज दे डोंट नो इनकम ओनली। उनको आज बोलूंगा ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग करके 20% लगाओ, दूसरे दिन आएगा ही नहीं। सो इंटर का स्टूडेंट्स कैन नॉट बी समर लाइक सर हमको भी नहीं मालूम। इंटर के स्टूडेंट्स को ऐसे ही कराना पड़ता है, लेकिन सेकेंड लेक्चर में उनको भी समझाना पड़ता है कि यू डू 1,12,500 एंड देन अप्लाई 30 ऑन द बैलेंस। डिड यू अंडरस्टैंड दिस कैलकुलेशन? एंड मोर इंपॉर्टेंटली, डिड यू अंडरस्टैंड द स्लैब ऑफ द फर्स्ट कैटेगरी 0, 5, 20 एंड 30? चलिए
बट ढोल पीट पीट के वी सेड दैट इफ यू बिकम सीनियर सिटीजन तो हमारे कंट्री में आपको मिलेगा फुल इज्जत. वंस यू बिकम सीनियर सिटीजन टू थिंग्स, वन ओनली इफ यू आर रेसिडेंट, टू यू हैव टू टच इक्वल टू 60 एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर और फर्स्ट अप्रैल ऑफ द असेसमेंट ईयर. तो आपके लाइफ में या आपके टैक्सेशन के अंदर क्या चेंज आएगा, हमारे कंट्री में सीनियर सिटीजन बनने से इज्जत में क्या चेंज आता है. द चेंज इज इंस्टेड ऑफ 2,50,000 वी विल चेंज योर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट टू फर्स्ट 3 lakh rupees. सीनियर सिटीजन विल नॉट पे टैक्स इन अवर कंट्री ऑन रुपीज. मतलब सीनियर सिटीजन बनने से लाइफ में सिर्फ इतनी इज्जत है कि 50,000 और आपके टैक्सेबल नहीं रहेगा. बिकॉज एक बार उन्होंने आपको ये इज्जत दे दी, दैट इज द मैक्सिमम दैट दे वॉन्ट टू गिव यू. इसके आगे कोई एक्स्ट्रा इज्जत नहीं मिलने वाली है. मतलब क्या, आगे का पूरा स्टोरी सेम रहेगा. 3 lakh to 5 lakh 5% और आगे का तो एकदम ही सेम रहेगा. ये भी 3 lakh इसलिए हुआ क्योंकि पहला 50,000 यहां पे चला गया 250 to 3 lakh के बीच वाला. 5 lakh to 10 lakh 20% एंड बैलेंस एक्सेस ओवर 10 lakh 30%. सी वी कैन ऑलवेज अगेन टेक एग्जाम्पल ऑफ 12 lakh rupees वो हम करने ही वाले हैं एंड फाइंड आउट टैक्स. और यहां पे जो रुपीज में टैक्स आया और यहां पे जो रुपीज में टैक्स आया उसका डिफरेंस हमको ऐसे तो पता चल सकता है, लेकिन लेकिन मैथमेटिकली वो डिफरेंस प्रूव करना है तो विदाउट सॉल्विंग वॉट कैन बी द डिफरेंस. अगर आप समझ रहे हो तो पहला 2.5 lakh ए का और बी का दोनों का जीरो है, करेक्ट और नो? 2.5 से 3 के बीच का जो अमाउंट है दैट इज 50,000, दैट्स द ओनली अमाउंट विच इज हैविंग डिफरेंट रेट. थिंक अबाउट इट, 3 lakh के आगे वाला जो भी अमाउंट है दैट इज अप टू 5 lakh, दोनों का 5% है एंड 5 lakh के बाद तो एवरीथिंग इज सेम. सो द ओनली चेंज इन कैलकुलेशन बिटवीन कैटेगरी ए एंड बी इज गोइंग टू बी ऑन दैट अमाउंट ऑफ 50,000, विच 50,000 द अमाउंट बिटवीन 2 lakh 50 and 3 lakh जो कैटेगरी ए में किस रेट पे गया था 5% और कैटेगरी बी में 0%. तो 50,000 रुपए का 5% कितना होता है 2,500 और 0% कितना होता है 0. इन दोनों के बीच आपको जो डिफरेंस है वो 2,500 का मिल जाएगा. द डिफरेंस बिटवीन कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी विल बी 2,500. सो द वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ अ सीनियर सिटीजन इन अवर कंट्री इज रुपीज 2,500. 2,500 रुपए में सीनियर सिटीजन का इज्जत खरीद रहे हैं लोग. इज दैट अंडरस्टूड? चलिए मैथमेटिकली एक बार हमने कर भी लिया है तो भी इसको प्रॉपरली सॉल्व करके कर ही लेते हैं बाई टेकिंग द सेम एग्जाम्पल. नेट टैक्सेबल टोटल इनकम ऑफ रुपीज 12 lakh. अब आप बोलेगा सर 2,500 हो गया तो हम कैलकुलेट क्यों करें, सीधा 1,70,000 लिख ही देते ना. नहीं नहीं नहीं, आई वॉन्ट टू ऑल्सो मेक यू ऑल अंडरस्टैंड आज के बाद आप सीनियर सिटीजन का टैक्स कैसे करोगे, वो वाली अमाउंट भी हमारे पास होनी चाहिए जैसे ये हमने किया ना ब्रो. तो सीनियर सिटीजन के लिए ऑब्वियसली ये नंबर्स अलग रहेंगे. चलिए देखते हैं. फर्स्ट 3 lakh का 0% मतलब 0. नेक्स्ट अमाउंट कितना 2 lakh रेट तो टैक्स 10,000. नेक्स्ट 5 lakh का 20% 1 lakh एंड बैलेंस बिकॉज द एग्जाम्पल इज सेम दिस अमाउंट इज ऑल्सो सेम. इज दैट अंडरस्टूड? येस ऑफकोर्स. आपका जो टैक्स आया वो 1,70,000 अगर आप तीनों को एग्रीगेट कर दोगे दैट इज नॉट अ बिग डील, दैट वी ऑलरेडी अंडरस्टूड. डिफरेंस ऑफ 2,500 वो भी हमको कैसे आया वो भी समझ में आ गया. 50,000 का 5% वी अंडरस्टूड दैट ऑल्सो. लेकिन आज के बाद अगर हमको किसी भी क्वेश्चन में सीनियर सिटीजन का टैक्स कैलकुलेशन करना है तो हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस. इस बार आप बोलेंगे टेक नेट टैक्सेबल टोटल इनकम माइनस 10 lakh, इस एक्सेस का तो हमेशा 30 रहेगा, प्लस द फिक्स टैक्स लायबिलिटी अप टू 10 lakh rupees विच इज रुपीज 1,10,000. एवरी वन अंडरस्टूड दिस? चलिए एंड दिस देयर फॉर नाउ टेक्स अस टू द स्लैब्स ऑफ द थर्ड कैटेगरी. अब आप थोड़े और बड़े हो गए हो. थोड़े और बड़े मतलब कितने और बड़े? 80 years इक्वल टू और मोर देन 80, एग्जैक्ट 80 भी चलेगा. एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर और फर्स्ट अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर, बट ओनली एंड ओनली इफ यू आर अ रेसिडेंट, करेक्ट और नो? आउट ऑफ फुल इज्जत अप टू इनकम ऑफ रुपीज
5 lakhs आपको कोई टैक्स नहीं भरना है. द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ वेरी सीनियर या सुपर सीनियर सिटीजन इज गोइंग टू बी 5 lakh rupees. 5 लाख तक की इनकम के ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है. नो टैक्स अप टू इनकम ऑफ 5 lakh. सो व्हाट इज बेसिक एग्जेम्पशन ऑफ कैटेगरी ए? 250. कैटेगरी बी? 3 lakh. एंड कैटेगरी सी? समझाइए. इसके आगे इस स्टोरी में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बिकॉज आउट ऑफ हैबिट अगर आप गाना गाने का आदत है, 05 20 30 05 20 30 05 रट्टा मारा हुआ है आपका, तो व्हाट यू विल एंड अप डूइंग दिस. आगे का स्लैब तो 5 से 10 ही मिलेगा. वो 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख के बीच में यू विल अप्लाई 5, क्योंकि 0 के बाद 5 आता है. फिर 10 लाख के बाद आप लगाओगे 20, क्योंकि 5 के बाद 20 आता है. फिर आप सोचेगा ओ उम्र वाले लोग हैं ना, तो इनको शायद 30 होगा ही नहीं. यहां पे आपकी गड़बड़ होगी. एंड दिस इज अ बिग प्रॉब्लम विद डायरेक्ट टैक्स. ओके, डायरेक्ट टैक्स में एवरी टाइम हमको लगता है ना कि इस बार मेरा कोई मिस्टेक नहीं हुआ. कोई ना कोई मिस्टेक तो हो ही जाती है, हमेशा हो जाती है. यू अंडरस्टूड और नो? द न्यूज इज दिस दैट सुपर सीनियर सिटीजन का 5% का ब्रैकेट ही नहीं. सो 0 to 5 lakh 0%, और 5 लाख के बाद जब वो लोग टैक्स भरना चालू करेंगे, दे विल डायरेक्टली पे एट अ रेट ऑफ 20%. एंड ऑफकोर्स आगे का तो हमको पता ही है, आफ्टर 10 लाख 30. सो फॉर सुपर सीनियर इट इज ओनली 0 20 30. हाँ, इतने बुजुर्ग लोग हैं और उनको 5% ब्रैकेट ही नहीं, अन्याय हो गया यार उनके साथ. तो इनको 5% दिया ही नहीं, इनसे डायरेक्ट 20 लिया. यस नो? नहीं मित्रों, एक लाइन बोलता हूं सुनो, अगर समझ में आता है तो. व्हेन अदर पीपल आर पेइंग एट 5, यू आर नॉट पेइंग एनीथिंग एट ऑल. तुम्हारे से उस लेवल पे तो हम कोई टैक्स लिया ही नहीं. इनफैक्ट जो बाकी दोनों का 5% वाला टैक्स था, कैटेगरी ए में 5% का टैक्स कितना था? 12,500. और कैटेगरी बी में वही तो दोनों का 2,500 का डिफरेंस था, वो यहां पे 0 होगा, बाकी पूरा टैक्स सेम रहेगा. द डिफरेंस इन टैक्स अगर मैं रुपीज में बोलू तो इसके कंपैरिजन में आपका टैक्स 12,500 कम होगा, और इसके कंपैरिजन में 10,000. इन दोनों का तो 2,500 हमको मालूम ही है ना पहले से. एंड व्हाट इज दैट 12,500 और 10,000? वही 5% वाला टैक्स, क्योंकि जो वो लोग 5 पे भर रहे हैं, उस 5 लाख तक की इनकम पे तुम्हारे ऊपर कोई टैक्स ही नहीं है. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर? हाँ, तो चलिए, फॉर प्रूविंग व्हाट वी सेड, समझ में तो आ गया है, लेकिन प्रूव भी कर लेते विथ नंबर्स एंड द सेम एग्जाम्पल ऑफ रुपीज 12 लाख. और कोई कोई तो शाना सॉल्व भी नहीं करेगा, वो बोलेगा सर इसमें से 12,500 माइनस कर दो या इसमें से 10 कर दो. नहीं, 1 लाख. चलिए, आई टेक योर आंसर अज्यूमिंग कि आपने सॉल्व किया है, खाली माइनस नहीं किया है. और अगर आपने सॉल्व किया है तो अब आप मुझे ये बताओगे कि आज के बाद इफ यू आर एवर सॉल्विंग टैक्स कैलकुलेशन फॉर सुपर सीनियर सिटीजन, आप कैसे करोगे उसको? एंटिटी आई माइनस 10 लाख इंटू 30% 1 लाख. आज के बाद टैक्स कैलकुलेशन विल ऑलवेज बी डन लाइक दिस. नेट टैक्सेबल टोटल इनकम माइनस 10 लाख इंटू 30% इज द कॉन्स्टेंट स्टेप फॉर ऑल 3 कैटेगरीज. प्लस कैटेगरी ए हुआ तो 1,12,500, कैटेगरी बी हुआ तो 1,10,000, कैटेगरी सी हुआ तो 1 लाख. इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन? चलिए, वेरी गुड. तो दीज आर दी स्लैब रेट्स एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल्स फॉर असेसमेंट ईयर 23-24. सम पीपल आर थिंकिंग सर अब स्लैब्स हो गया, तीनों कैटेगरी का हो गया तो टैक्स रेट्स खत्म हो गए. हाश, नाश. क्यों? ये तो ओल्ड रेजिम है, न्यू तो स्टार्ट ही नहीं हुआ. सुनो सुनो, बैड न्यूज पे बैड न्यूज सुनते जाओ. ओल्ड रेजिम में ये इंडिविजुअल है, अभी दूसरा कोई असेसी तो हमने टच भी नहीं किया. नंबरिंग याद नहीं है तो याद दिलाता हूं, 1 इंडिविजुअल. तीसरा, अंडर ओल्ड रेजिम अंडर इंडिविजुअल ऑल्सो द टैक्स दैट वी हैव कैलकुलेटेड वेदर ईयर
or year or year. These are three different tax figures based on the assessee. इसमें आपको फॉलोइंग बातें याद रखनी पड़ेगी. पहली बात, समटाइम्स सम इनकम्स विल बी टैक्स्ड एट अ स्पेशल रेट. इनकम टैक्स का लॉ इज डिवाइडेड इन सेक्शंस, वी ऑल नो, बट डू वी ऑल्सो नो दैट इनकम टैक्स इज डिवाइडेड इन टू चैप्टर्स? वी प्रोबेबली नो ओनली वन चैप्टर, 6 है. लेकिन क्या हमको यह पता है कि इनकम टैक्स में और भी चैप्टर है? फॉर एग्जाम्पल, चैप्टर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसमें आपके पर्सन प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर डिफाइन किए. चैप्टर 2 इज रेजिडेंशियल स्टेटस. चैप्टर 3 इज इनकम्स नॉट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम, भारी लैंग्वेज बोलता है एग्जेम्प्ट इनकम. चैप्टर 4 मालूम है किसी को? नहीं. 5 हेड्स ऑफ इनकम, हाउस प्रॉपर्टी सैलरी के पहले कैसे आएगा? ऑल 5 हेड्स आर अ पार्ट ऑफ चैप्टर 4. 5 में और 6 में आपको मिल जाएंगे क्लबिंग और सेट ऑफ, और फिर ऑफकोर्स 6A में डिडक्शंस मिलते हैं. यहाँ पे इंटर का सिलेबस तो खत्म हो जाता है, थोड़ा और आगे डीप में जाते हैं. देयर इज चैप्टर्स रिकवरी ऑफ टैक्सेस है, चैप्टर 17A, B, C डिवाइडेड इनटू एडवांस टैक्स, TDS, TCS. देयर इज अ चैप्टर 14 कॉल्ड असेसमेंट प्रोसीजर. ठीक उसी तरह इनकम टैक्स में दिया गया है एक चैप्टर 12. ये अपनी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 12 नहीं है ब्रो, ये इनकम टैक्स एक्ट के अंदर चैप्टर 12 है. अ चैप्टर विच गिव्स अ स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स रेंजिंग फ्रॉम सेक्शन 110. व्हाट इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ स्पेशल रेट्स? 110 एंड गोइंग राइट अप टू सेक्शन 115 BBJ. सुनो, आज से 5 साल पहले 115 BBE was last. F, G, ये दो आंटी थोड़े साल पहले लाई. H और I लास्ट ईयर ही लाई थी. इस साल J लेके आई, टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग्स में जो विनिंग्स होती है ना, ड्रीम 11 पे टीम बनाओ, उसके लिए नया सेक्शन आया 115 BBJ. दैट वे इज एन अमेंडमेंट ऑल्सो, पहली बार आया. जब स्पेशल रेट्स का चैप्टर करेंगे तो वी विल डिस्कस दैट. नाउ दैट एटलीस्ट आपके पास इंडेक्स है, टेक्स्ट बुक है, एंड जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं उनके कन्वीनियंस के लिए मैंने पहले 5 चैप्टर का PDF भेजा है, तो एटलीस्ट आपको इंडेक्स पता है. ऊपर से आपके पास पहले 5 चैप्टर भी है, तो आपको एटलीस्ट आइडिया तो आएगा दैट व्हाट इज द कवरेज ऑफ अवर टेक्स्ट बुक. एंड स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स नाम का एक चैप्टर हम लोग करेंगे, जो हमारे वॉल्यूम 1 का ही 5वां चैप्टर है. अरे जिसको विश्वास नहीं है वो भी क्लास में बुक खोल के देख रहा है. नहीं नहीं कोई बात नहीं, दूसरे लेक्चर में विश्वास नहीं है ऐसा पॉसिबल है, बट विथ टाइम विश्वास हो जाएगा, डोंट वरी. आंटी ने इस चैप्टर को इतना लंबा कर दिया, बीबीई में खत्म होता था, उसमें एफ जी एच आई जे ऐड कर दिया. आंटी अपने टेन्योर में भरोसा नहीं, जेड तक लेके जा सकती. अगर मैं TDS की बात करूं ना, TDS आज से 5 साल पहले 194 IL पे खत्म हो जाता था. LA वॉज लास्ट, IALA साथ में करते थे, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो साथ में करते थे LA IA. आंटी हैज ब्रॉट, एक तो बीच में K डाला, K नहीं था वो डाला, एंड फिर L के बाद में MNOPQRS, और आंटी मेरे को लगता है उसको भी जेड तक लेके चली जाएगी बाय द एंड. साइज ऑफ सिलेबस इज इंक्रीजिंग, हार्ड वर्क इज इंक्रीजिंग, कॉम्प्लिकेशन एवरीथिंग एक्सेप्ट पगार इज इंक्रीजिंग ऑफ टैक्स प्रोफेसर्स. क्या करें अभी, पॉइंट इतना है कि स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स चैप्टर के हर सेक्शन को हम लोग सीए फाइनल में करेंगे. इट्स अ सेपरेट चैप्टर इन अवर बुक. अब आपने इंडेक्स देख ही लिया है तो आप समझ ही गए हो, 5वां चैप्टर है, वॉल्यूम 1 में ही है, और हम लोग ऑर्डर ऑफ द टेक्स्ट बुक ही फॉलो करेंगे. जनरली वी विल नॉट स्किप द ऑर्डर. आउट ऑफ दीज सेक्शंस देयर आर अ फ्यू व्हिच आर टॉट टू स्टूडेंट्स इन सीए इंटर एज वेल, बहुत बेसिक. फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक मार्केट पे अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो वो ये वाले रेट्स पे टैक्स नहीं होगा. उस पर 15% का एक अलग से टैक्स दिया है, विच इज सेक्शन 111 है. और कुछ नहीं मालूम है 111 का, नो प्रॉब्लम. खाली इतना समझ में आता है 111 110 और 115 BBJ के बीच में आएगा, इतना तो समझ में आता है ना, कैलकुलेटर पे चेक कर लो, नहीं समझ में आता तो. यू अंडरस्टैंड दैट मच? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए सेक्शन दिया है 112. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कभी भी ये स्लैब्स में नहीं जाता है, उसके लिए अलग से रेट दिया है, दैट इज 20%.
will be learning all this. Huh? I have assumed that you all don't know anything in DT. You all cleared IDT ke bharose and you all can tell me assumption nahi reality hai ye. उसी के बाजू में आज से कुछ साल पहले एक सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ 112 है, जो स्टॉक मार्केट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो अगर लॉन्ग टर्म हो गया तो उसके लिए अलग से रेट दिया, पहले 1 लाख पे नहीं लगेगा और बाद में 10% लगेगा, वो एक सेक्शन है। और इस स्पेशल रेट का लास्ट सेक्शन प्रोबेबली जो इंटर के बच्चों को कराया जाता है, मैं करवाता हूं, इफ यू हैव अर्न विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम, एनी अदर गेम इन द नेचर ऑफ बैटिंग और गैम्बलिंग, जिसको हम लोग प्यार से कैजुअल विनिंग बोलते हैं, उसके ऊपर यू विल हैव टू पे टैक्स एट 30%, क्योंकि ये वाले सेक्शन कैपिटल गेन चैप्टर का पार्ट है, ये वाला इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, और ये दोनों चैप्टर इंटर के सिलेबस में आते हैं। तो दीज आर दी ओनली सेक्शंस ऑफ स्पेशल रेट्स विच आर टॉट टू सीए इंटर ऑल्सो। आई एम नॉट टीचिंग यू एनी ऑफ दीज सेक्शंस राइट नाउ, वी हैव अ सेपरेट चैप्टर फॉर दैट, बट आई एम एटलीस्ट टीचिंग यू दिस मच दैट जब भी आप आपका टैक्स कैलकुलेशन करोगे ना मित्रों, तो आपका टैक्स डायरेक्टली ये वाले स्लैब लगा के नहीं कर सकते। कैलकुलेट योर टोटल इनकम, टोटल इनकम विल इंक्लूड एवरीथिंग, ऑल दी हेड्स इंक्लूडिंग दीज स्पेशल इनकम्स। इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज नॉर्मल इनकम एंड स्पेशल इनकम। नॉर्मल इनकम विल बी टैक्स्ड एट नॉर्मल रेट्स जो आपके स्लैब्स होते हैं। मैं जानबूझ के कॉन्शियसली स्लैब्स नहीं लिख रहा हूं, जानबूझ के नॉर्मल लिख रहा हूं। यू नो व्हाई? बिकॉज अभी इंडिविजुअल चल रहा है ना, तो ये नॉर्मल है, आगे जाके फर्म और कंपनी होगा ना, तो ये नॉर्मल रेट्स वहां पे लिख सकता हूं, स्लैब्स नहीं लिख सकता, उनका कंपनी का और फर्म का फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है, विच आई नो यू ऑल आर अवेयर, बट वी विल डू इन राइटिंग। ओके, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग स्लैब रेट्स, इफ वी से नॉर्मल रेट्स, तो ये हम लोग सब जगह पे लिख सकते हैं, समझे? और कस्टमाइज करना है तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, स्लैब्स, फिर कंपनी फॉर्म में आप लिखेंगे जो भी उनका नॉर्मल फ्लैट रेट लगता है। एंड जहां तक आपके स्पेशल इनकम्स का सवाल है, दे विल बी सब्जेक्टेड एट द रेट्स विच आर गिवन इन चैप्टर 12। मतलब मैं फिलहाल आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं दैट यू विल अप्लाई दीज स्लैब्स ओनली ऑन नॉर्मल इनकम, स्पेशल इनकम को अलग करके साइड में रख के यू विल बी अप्लाइंग दीज स्लैब्स, आप समझा? और अब बात निकली है तो बात कर ही लेते हैं। ये जो आपकी नॉर्मल इनकम है ना, इस पे आप क्या रेट लगा रहे हो? नॉर्मल रेट्स, स्लैब और फ्लैट, डिपेंडिंग अपॉन एसएससी। दिस यू कैन टेक इन द ओल्ड रेजिम और द न्यू रेजिम, दिस यू कैन टेक इन द ओल्ड और न्यू। बताता है, एक लाइन बोलता है, सुनो अगर समझ में आता है तो, आना तो चाहिए। फॉर एनी असेसी हु इज टेकिंग न्यू टैक्सेशन रेजिम, द इनकम्स विच आर टैक्सेबल एट स्पेशल रेट विल कंटिन्यू टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द टोटल एंड सब्जेक्टेड टू स्पेशल रेट। आपकी टोटल इनकम को हम हमेशा स्पेशल रेट अलग करेंगे, और नॉर्मल में आप बोलो मेरे को ओल्ड लेने का न्यू लेने का, दैट इज एन ऑप्शन, बट स्पेशल रेट विल अप्लाई इवन इन न्यू टैक्सेशन रेजिम। खाली ये लाइन समझा, स्पेशल रेट विल अप्लाई इवन इन न्यू रेजिम, समझ लो मेरा सैलरी 5 लाख है और लॉटरी 3 लाख है, तो 5 लाख पे ओल्ड या न्यू का ऑप्शन है, लॉटरी का 3 लाख तो 30% में ही जाने वाला है। स्पेशल रेट विल अप्लाई इवन इन न्यू रेजिम, बात निकली है इसलिए कि नहीं तो न्यू रेजिम में एनीवेज जो मैं अभी ओरली बोला वो लिखवाने तो वाला ही हूं, स्पेशल रेट विल अप्लाई देयर ऑल्सो। So is that understood? That whatever slabs you study 0, 5, 20, 30 will apply only on your normal incomes. Special income will be subjected at special rates. ये पहली बात समझे? मतलब हम हमारे total को अलग अलग part में divide करेंगे, बाकी किस में क्या rate लगता है। जैसे आपको अगर rough knowledge है ना, stock market का 111A का 15%, hello, 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 stock market का 111A का 15%, या long term हुआ तो let those chapters come, let those provisions come, I will make it a point that you are convinced that जो आपको पता है उसमें कुछ ना कुछ तो wrong है, at least you need to be convinced with respect to that, okay? अभी मैं आपको सिर्फ इतना करा रहा हूं कि special rate will apply even in new regime. अब मैं आपको दूंगा दूसरा bad news. समझ लीजिए कि कोई भी special rate नहीं है,
तब तो यू विल अप्लाई दी स्लैब्स ओनली डायरेक्टली, इनकम ही नहीं है मेरे पास, खाली सैलरी हाउस प्रॉपर्टी है। लेकिन ये स्लैब्स लगा के भी जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया है, वेदर दिस दिस और दिस, ये आपका फाइनल टैक्स नहीं है। वॉट एवर यू हैव कैलकुलेटेड योर इज गोइंग टू बी कॉल्ड योर बेसिक टैक्स लायबिलिटी। ये वो टैक्स नहीं है जो आप गवर्नमेंट को जाके पे करोगे, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ये तो पूरा कौन बनेगा करोड़पति का सीन हो रहा है। आपने अपना टैक्स लायबिलिटी का चेक बनाया 1,72,500 और वैसा चेक दिया, लेकिन ये मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि ये चेंज, ये अमिताभ बच्चन सर टीआरपी के लिए ऐसा करते हैं ना कि ये अमाउंट चेंज होएगा, ये मैं नहीं दूंगा, तू आगे और खेल, वो अच्छा लगता है। तुम असेसिंग ऑफिसर के साथ में ऐसा नहीं कर सकते हो, और फॉरगेट अबाउट यू एंड योर असेसिंग ऑफिसर, इमेजिन चार्टर्ड अकाउंटेंट कैलकुलेटिंग टैक्स ऑफ हिज क्लाइंट। ओके, समझ लो कि मैं सीए हूं और आप ये कैटेगरी ए के असेसी हो, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तब तक कैटेगरी ए ही होगा ना। फॉर कैटेगरी बी एंड सी क्वेश्चन हैज टू स्पेसिफाई एज, करेक्ट। आपने बोला मेरा इनकम 12 लाख, मैंने मेरे को टैक्स कैलकुलेट करके दे, मैंने टैक्स किया, क्या किया मैंने 1,72,500 और आपको अमाउंट बताया, फिर बोलता लेकिन ये फाइनल नहीं है ये बेसिक है, तुम गाली देगा बोलेगा फाइनल करके देना, बेसिक का अमाउंट का मैं करूं क्या। द टैक्स दैट यू हैव कैलकुलेटेड इज गोइंग टू अंडरगो चेंजेस एंड ओनली आफ्टर दोज चेंजेस यू कैन से दैट यू हैव कंप्यूटेड द फाइनल टैक्स पेएबल, फाइनल टैक्स लायबिलिटी ऑफ द असेसी। एंड फॉर दैट यू नीड टू लर्न 3 concepts इन टैक्स कैलकुलेशन। आप इनको हेडिंग, ये जो मैंने सब हेडिंग बनाया ना, आप कॉन्सेप्ट बोलो, आप पॉइंट्स टू बी नोटेड बोल के लिखो, या सिर्फ पॉइंट्स लिखो, या कोई हेडिंग मत दो, खाली वो 3 चीज सीख लो। हेडिंग क्या देते हो डजंट मैटर हियर, 3 चीज आपको सिखानी है। ये 3 चीज आप सीखोगे तब आप जाके बोल सकते हो ब्रो अब हमने टैक्स रेट्स इन ओल्ड रेजिम कंप्लीट किया इंडिविजुअल। 3 concepts, किसी जमाने में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, ये इतनी जगह है ना जो टैब में खाली जगह दिख रही है, इतने में तीनों हो जाते थे। बट आंटी आंटी मुझे लगता है कम से कम आधा पौना घंटा खाली सरचार्ज सिखाने में जाएगा, अज्यूमिंग आप रिबेट जल्दी सीखो। ओके, लेट अस सी कैसे हम लोग एक एक करके कॉन्सेप्ट सीखते हैं। भले कितना भी बड़ा लॉ बना दे, हमको सीखना पड़ेगा, वी कांट गेट बोर्ड, नहीं यार इतना सारा डेटा आ गया, अभी नहीं पढ़ना है। यू कांट, यू कैन नेवर डेवलप दैट टेंडेंसी। आई होप आई एम वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस। भले तुमको ये नहीं जमता है ना, तो तुम सीए बनने के बाद में तुम फाइनेंस लो, तुम ऑडिट लो, तुमको जो लेना है लो, दैट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, बट फॉर एग्जाम यू विल हैव टू स्टडी। एंड विथ नाउ कॉस्टिंग नॉट बीइंग देयर, डीटी हैज टू बी अ स्कोरिंग एरिया, अगर इसमें मार्क्स नहीं आया तो नहीं चलेगा। ओके, तो वी आर गोइंग टू लर्न हाउ मेनी कॉन्सेप्ट इन टैक्स कैलकुलेशन, 3 concepts इन टैक्स कैलकुलेशन एक एक करके। सबसे पहले वी हैव बीन गिवन अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिबेट, विच इज गिवन अंडर सेक्शन 87A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इटसेल्फ। मतलब ये रिबेट फाइनेंस एक्ट में नहीं दिया है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक सेक्शन है क्या 87A जिसमें एक रिबेट दिया है। जब भी ऐसे गरीब भिखारी वर्ड्स लाइक रिबेट, रिलीफ, रिडक्शन, क्रेडिट, ऐसा गरीब गरीब वर्ड यूज होता है ना, इसका मतलब कम होगा क्या? ये बहुत जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड, द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स गो रॉन्ग हियर। कोई कोई पागल लोग रिबेट कैलकुलेट करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, अपने एग्जांपल जो थे ना उसमें 12 लाख में से, अपने एग्जांपल में 12 लाख क्या था, नेट टैक्सेबल टोटल इनकम। मित्रों ये स्पेसिफाई कर रहा हूं दैट दिस विल नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर इनकम, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम योर टैक्स। मतलब अपने एग्जाम्पल में जो 1,72,500 था या 170 था या 160 था, अगर सप्रैक्ट होगा तो उसमें से होगा, इनकम में से नहीं। इनकम में से जो माइनस होता है वो होता है डिडक्शन, या ऐसा भी हो सकता है कि एग्जेम्पशन है, उन दोनों में ऐसा डिफरेंस है, एग्जेम्पशन आता ही नहीं है, सीधा 0 लिखते हैं, एंड डिडक्शन वी फर्स्ट राइट देन वी सप्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है तो हम सीधा अमाउंट कॉलम में 0 लिखते हैं,
और एटीसी का डिडक्शन मिलता है तो हम इनकम पहले लिखते हैं देन एट द बॉटम वी गिव डिडक्शन, दैट्स द डिफरेंस. ये दोनों कहां पे एडजस्ट हो रहा है? इन द अमाउंट ऑफ इनकम. लेकिन रिबेट, रिलीफ, रिडक्शन, ये सब कहां पे एडजस्ट होगा? ये बहुत जरूरी है. ओवर एक्साइटमेंट में पागल के जैसा डू नॉट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम योर इनकम, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम योर. तो सुनो, मैं सीए, आप मेरा क्लाइंट, मैं सीए, आप मेरा क्लाइंट. हाई क्लाइंट बोलने का, हाई सीए, हाई क्लाइंट, मैंने आपका टैक्स कैलकुलेट किया है 170 to 500, 170, 160 एज द केस में भी, लेकिन ये कम होगा बिकॉज देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रिबेट. तो जब भी टैक्स कम होगा, अपन तो मारवाड़ी, टैक्स कम है, नाचना चालू किया है, नाचो रे नाचो, नाचते नाचते एज अ टैक्स पेयर टू क्वेश्चंस शुड हिट यू. सीए बोलता है आप क्लाइंट बन के सोचो, आप टैक्स पेयर बन के सोचो, तुम्हारा जो भी टैक्स है वो कम होगा. तो आपके दिमाग में दो क्वेश्चन आना चाहिए, आस्क दोज क्वेश्चंस. कितना, व्हाट विल बी द क्वांटम, दैट इज द सेकंड क्वेश्चन. उसके पहले कैसे कम, कैसे तो माइनस करके कम होगा, मतलब व्हेन यू से कैसे, व्हाट डू यू मीन, आई अंडरस्टूड, बट हाउ इज नॉट द करेक्ट वर्ड. हाउ तो माइनस करके, कब, क्यों, बोल दो, व्हाट, वेयर, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ. नहीं नहीं नहीं, आई विल फ्रेम द क्वेश्चन फॉर यू. मैं क्या करूं तो कम होगा? सर सबका कम होता है तो इधर ही माइनस कर दो ना, अलग से कॉन्सेप्ट क्यों बना रहे हो? सबका तो नहीं होगा. फॉर गेटिंग दिस यू हैव टू डू समथिंग स्पेशल, एंड थस दैट बिकम्स अवर फर्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर द, हेलो हेलो, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी एलिजिबल टू गेट रिबेट. मित्रों, व्हाट आर द conditions, rebate will be given only to someone who is complying with this condition. अगर आपने ये condition fulfill किया तो ही आपको rebate मिलेगा, अगर आपने ये condition fulfill नहीं किया तो आपको rebate नहीं मिलेगा. Is that understood? मतलब अगर सबको मिलता तो हम slabs में ही adjust कर देते. First comply with the conditions, once the conditions are complied then you can go and answer the second question. What was that? कितना, कितना मतलब क्वांटम ऑफ रिबेट. डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड. कंडीशन वन, यू हैव टू बी अ रेजिडेंट. रिबेट अंडर सेक्शन 87A विल बी गिवन ओनली 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 एंड ओनली टू रेजिडेंट. रिबेट विल बी गिवन ओनली एंड ओनली टू अ रेजिडेंट. प्लस, प्लस मतलब एंड मतलब क्यूम्यूलेटिव कंडीशन, यस और नो? यू हैव टू बी एन इंडिविजुअल. वैसे हम अभी इंडिविजुअल का ही टैक्स कर रहे हैं और इंडिविजुअल को ही रिबेट मिलेगा. रिबेट विल बी गिवन ओनली इफ यू आर अ रेसिडेंट. रिबेट विल बी गिवन ओनली इफ यू आर इंडिविजुअल. प्लस, प्लस मतलब एंड मतलब एक बार और क्यूम्युलेटिव कंडीशन. थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन ऑफ गेटिंग रिबेट, थर्ड एंड द लास्ट कंडीशन टू बी एलिजिबल टू गेट रिबेट. आपका जो नेट टैक्सेबल टोटल इनकम है, रिबेट माइनस किस में से होगा? टैक्स में. लेकिन कंडीशन किस पे लगाया? इनकम. योर नेट टैक्सेबल टोटल इनकम शुड बी अगर आज आपने ये आदत डाली बोलने की लेस देन 5 लाख, तो आप जिंदगी भर गलत चीज सीख के जाओगे. लेस देन 5 लाख इज रॉन्ग, क्योंकि जो लेस देन 5 लाख सीख के जाता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, 4 लाख पे मिलेगा, 6 पे नहीं मिलेगा, क्वेश्चन 5 पे आएगा और 5 पे रिबेट मिलेगा. 5 लाख और लेस. तो द करेक्ट टर्म इज टू से इनकम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख. यू अंडरस्टैंड? नॉट एक्सीडिंग मतलब नॉट ग्रेटर, नॉट ग्रेटर मतलब लेस देन इक्वल टू. दोनों, इफ आपको वो नहीं जमता है, वो थोड़ा ज्यादा भारी बैरेक्ट का लैंग्वेज हो गया, यू कैन से अप टू 5 लाख.
और अगर एकदम ही सिंपल बनाना है मेरे पास वो भी रास्ता है, लेस देन और इक्वल टू 5 लाख, इनकम ऑफ अप टू 5 लाख, आप समझा क्या, तो आपको रिबेट मिलेगा। ओनली समवन हु फुलफिल्स दीस कंडीशंस आपको रिबेट मिलेगा। क्वांटम बाद में, क्वांटम इज अ सेकेंडरी मैटर, पहले कंडीशन तो फुलफिल करो। कंडीशंस क्या है रिबेट का, रेसिडेंट इंडिविजुअल इनकम अप टू रुपीज 5 लाख, पहला क्वेश्चन। हमने 3 लोगों का टैक्स कैलकुलेट किया है, अज्यूम दे आर रेसिडेंट इंडिविजुअल, वैसे भी जो बी और सी है वो तो रेसिडेंट ही होंगे ना, और इंडिविजुअल तो है ही, सो इज कंडीशन 1 फुलफिल, कंडीशन 2 फुलफिल, करेक्ट। और 5 लाख से कम ही है ना, ये देखो ना 170 to 500, 170, 160, तीनों 5 लाख से कम ही है ना, तो इनको रिबेट नहीं मिलेगा। Why? Because we don't have to see the tax, we have to see the, आप समझा क्या, if the income is up to 5 lakh तो rebate मिलेगा। All 3 of them are ineligible for rebate because their income is rupees 12 lakh, and for rebate your income has to be up to 5 lakh। ये जितना आपको easy आज लग रहा है ना, उतना आपको exam में ध्यान रखना पड़ेगा। What happens is income हो गया, जैसे इनकम हो गया ओवर एक्साइटमेंट में बच्चे कैलकुलेट करते टैक्स, टैक्स 170 to 500 आया पहले वाले का, और लेस देन 5 लाख या, एंड एंड अप सबट्रैक्टिंग रिबेट, खत्म, टाटा, बाय बाय, गया। एनी राहुल गांधी फैन हियर? नहीं पूछ रहा, हो सकता है, पॉसिबल है। तो खाली थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। हेलो हेलो, हाँ, तो आप ये समझ गए दैट द 3 assessees फॉर whom वी हैव डन टैक्स कैलकुलेशन, ऑल 3 ऑफ देम आर इनएलिजिबल। सर लेकिन उन्होंने ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल किया था ना, 3 में से 2 तो हुआ था ना, 67% कंडीशन तो हुआ था ना, 100% कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, 67 से नहीं चलेगा, इज दैट क्लियर? सो व्हाट आर द 3 conditions टू गेट रिबेट, बोलना पड़ेगा आपको, रेसिडेंट इंडिविजुअल इनकम अप टू 5 लाख, समझा, व्हाट आर द 3 conditions, तो आपको मिलेगा रिबेट। चलिए और थोड़ा सा एग्जांपल करते हैं, उन तीनों को तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, सपोजिंगली देयर इज समवन जिसका इनकम 4 लाख है, ओके, और वो इंडिविजुअल भी है लेकिन वो नॉन रेजिडेंट है, तो उसको रिबेट नहीं मिलेगा। वेरी गुड, सपोजिंगली देयर इज समवन हु इज रेसिडेंट, उसका इनकम 4 लाख है लेकिन वो HUF है, तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिकॉज द कंडीशंस आर क्यूम्युलेटिव। ओके, नाउ लेट्स टेक वन लास्ट एग्जांपल। सपोजिंगली मैं इंडिविजुअल इंसान है, आई एम अ मैरिड मैन, लेकिन इनकम टैक्स के आईज में मैं इंसान है, मेरी शक्ल देख के लगता है कभी अब्रॉड गया है। नो, कोई लोग मुंह पे बोलते हैं, नो ब्रो तू गरीब, अनलेस योर फादर इन लॉ स्पॉन्सर्स, वो अलग बात है। हाँ देखो, वैसे कोई अब्रॉड अगर चला भी गया 10-15 दिन पिकनिक के लिए, तो भी इनकम टैक्स में अगर आप साल में 6 महीना मतलब 182 डेज हो जाता है, तो भी टैक्स पर्पज में तो आप रेसिडेंट बनी जाओगे, तो मैं रेसिडेंट, मैं इंडिविजुअल। और अगर आपने शक्ल अभी ध्यान से देखा तो इनकम का आइडिया तो लग ही गया होगा, आई एम बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, लेकिन अज्यूम करो कि माय इनकम इज 4 लाख रुपीज। देखो मैं बिलो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हूं, एक्चुअल एग्जांपल लेंगे तो 0 टैक्स निकलेगा, वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ रिबेट, तो 4 लाख अज्यूम करते हैं, एम आई एलिजिबल फॉर रिबेट? यस, क्योंकि रेसिडेंट इंडिविजुअल इनकम अप टू, अच्छा 4 लाख नहीं, इनकम मेरी 5 लाख हो गई तो, अरे 5 हो गई, यस इक्वल टू में यू विल बी एलिजिबल फॉर रिबेट। तो फर्स्ट आर वी क्लियर अबाउट किसको रिबेट मिलेगा, देन वी कैन गो टू द सेकेंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, कितना मिलेगा? नाउ दैट आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम एलिजिबल फॉर रिबेट, हाउ मच रिबेट विल आई गेट? आप समझा क्या, सबसे पहले फाइंड आउट योर एक्चुअल टैक्स, तेरी जो भी इनकम है विच इज अप टू 5 लाख, उसके ऊपर टैक्स फाइंड आउट कर, दैट और रुपीज 12,500 विच एवर इज लोअर, आपका रिबेट बनेगा। आप ऐसा भी बोल सकते हो मैक्सिमम 12,500, एक्चुअल टैक्स
नॉट एक्सीडिंग रुपीज 12,500 आपका रिबेट होएगा। मतलब सुनो, अगर कोई एसएससी रिबेट के लिए एलिजिबल भी था, जैसे मेरा 4 लाख वाला एग्जांपल था, आप पहले रिबेट नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, आपको पहले टैक्स करना पड़ेगा। बेसिक टैक्स इज गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप। वंस यू आर डन विद दैट, देन यू कैन गो एंड कैलकुलेट। क्या मित्रों? रिबेट। आप समझा क्या? वो टैक्स या 12,500, विच एवर इज लोअर। टू मेक यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन, सपोजिंगली एक्स, मिस्टर एक्स इंडिविजुअल हो गया, रेसिडेंट हो गया, नेट टैक्सेबल टोटल इनकम 4 लाख रुपए। आपका पहला स्टेप क्या होएगा? रिबेट नहीं चेक करोगे, पहले टैक्स करो। ओके, अनलेस स्पेसिफाइड एज इज लेस देन 60 ऑब्वियसली। तो बोलो बेसिक टैक्स कितना है? कितना? फर्स्ट 250 नो टैक्स, फिर 1.5 लाख का 5%, दैट इज 7,500। नाउ इज ही एलिजिबल फॉर रिबेट? रेसिडेंट इंडिविजुअल इनकम अप टू 5 लाख, तो कितना रिबेट मिलेगा? थिंक अबाउट इट। इसको है ना, एक काम करो, 12,500 का रिबेट दो और वो गवर्नमेंट को बोलो तू मेरे को 5,000 दे। नहीं नहीं ना, तो ऑब्वियसली रिबेट इज गोइंग टू बी 7,500 और 12,500, विच एवर इज लोअर, वो यहां पे माइनस हो जाएगा और आपका फाइनली पेएबल 0 हो जाएगा। अंडरस्टूड? चलिए और एग्जांपल करेंगे, चीजें थोड़ी क्लियर होएगी। अगर इसी एग्जांपल में एनटीटीआई को हम 5 लाख बना दें, एवरीथिंग एल्स बीइंग सेम, पहला स्टेप क्या होगा? कैलकुलेट कर, 12,500 इजी एलिजिबल फॉर रिबेट बिकॉज ऑल थ्री कंडीशंस आर फुलफिल। काय का फुलफिल? 5 लाख हो गया ना, 5 लाख चलेगा? चलेगा। आई नेवर टॉक टू स्टूडेंट्स लाइक दैट। अभी क्या, पहला एक दो लेक्चर है ना, तो थोड़ा मैं मेरी नौटंकी, मेरा ड्रामा बाजी में एक्टर बनने का कीड़ा था तो वो इधर निकाल देता हूँ। ओके, इफ यू नो एनी प्रोड्यूसर तो लेट हिम नो, अवेलेबल एट गुड प्राइस। और मेहनत करने में, डिसिप्लिन में कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। तो ये जो भी करूंगा वो एक्टिंग वाला रहेगा, पहले ही बता देता हूँ। नहीं तो कोई कोई लोग, एक तो ऑफिस में आपके दिमाग में गोबर भरने वाले इतने लोग बैठे हैं, उसमें पहले दूसरे लेक्चर में तुम ऑफिस में जाके बोल देगा कि वो तो ऐसा बोलता था, ये 5 लाख हो गया, कि कैसे बात करता है यार, कैसा टीचर। छोड़ छोड़ जाने दे, तो एक्टिंग था, एक्टिंग मतलब बता रहा हूँ। 5 लाख हो गया, जस्ट टू चेक वेदर यू आर कॉन्फिडेंट इन योर आंसर और एलिजिबल है। हाँ है, क्योंकि एग्जैक्ट 5 लाख पे भी एलिजिबल है। आप समझा क्या बेटा? अनिरुद्ध, एक्टिंग था, तू हमेशा इतना गुस्सा से मत देखा कर यार, खाली एक्टिंग कर रहा था। मैं सच में कभी भी ऐसे बात नहीं करूंगा, और तू तो छोटा है सबसे, तेरे से तो कभी नहीं करूंगा। बुरा लगा? नहीं ना, तू स्माइल भी गुस्से में कर रहा है इसके। चल, तो हाउ मच रिबेट विल द एसएससी गेट? एक्चुअल टैक्स विच इज 12,500, ऑब्वियसली अभी विच एवर इज लोअर, क्या 12,500 ही है ना, तो यू विल सबट्रैक्ट 0। यू अंडरस्टूड नो? समझ लीजिए कि इनकम का एग्जांपल, अगर आप 5 लाख 1 रुपया लेते हैं ना, तो रॉन्ग एग्जांपल है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ में इनकम 5 लाख ही काउंट होने वाला। ओके, और यहां पे आता है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। आई नो ऑल स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टूड क्वांटम एंड कंडीशंस बोथ, पहले कंडीशन देन क्वांटम, सब समझ गए? रेसिडेंट इंडिविजुअल इनकम अप टू 5 लाख, एक्चुअल टैक्स और 12,500 विच एवर इज लोअर। और जब पीयूष गोयल सर ने यह अनाउंस किया, दिस वॉज अनाउंस बाय पीयूष गोयल सर एज अ लॉलीपॉप जस्ट बिफोर 2019 इलेक्शन, 2014 में मोदी जी जीते। जिसको जिसको ये क्रोनोलॉजी नहीं पता है, आप क्रोनोलॉजी सुन लीजिए। 2014 में मोदी जी जीते, पहले जेटली जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, जेटली जी ने इकोनॉमी की बैंड बजाई, मतलब बिलीव हो गया पूरा के वर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एवर एड जेटली जी उतने ही अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे जितने अच्छे मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब वर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर एवर। बाद में ऑफकोर्स आंटी बोली नहीं, ये अवार्ड तो मेरा ही है, ये तो मैं ही लूंगी कुछ भी हो जाए। तो इफ यू नो, बाकी सब चीज मोदी जी की एक्सेप्टेबल है, लेकिन इकोनॉमी की उन्होंने बैंड बजा दी। बैंड मतलब बैंड बजा दिया, लोगों के पास पैसा किधर चला गया बाजार से वही पता नहीं, वेर इज द मनी, वेर इज इट हिडन पता ही नहीं। 2-3 बार उन्होंने ट्राई भी किया निकलवाने का, कहीं से आया ही नहीं पैसा बाहर।
तो जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर 2018 आते आते थोड़े बीमार हो गए थे, तो 2019 में आउटगोइंग गवर्नमेंट को एक बजट देना था, मोदी जी को वापस जीतना भी था, जेटली जी बीमार थे, तो टेम्पररीली फाइनेंस मिनिस्टर बनाया पीयूष गोयल सर, चार्टेड अकाउंटेंट ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 2 or 3, आई एम नॉट 100% श्योर, ऑल इंडिया रैंक 2 इन सीए फाइनल एग्जाम्स, एंड आई थिंक ऑल 3 लेवल्स ही वाज अ रैंक होल्डर इन सिंगल डिजिट, द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन टू बिकम फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर मी ऑफकोर्स. तो पीयूष गोयल सर को मोदी जी ने सिर्फ इतना, एक्चुअली है ना आफ्टर इलेक्शंस यही सबको होप था दैट पीयूष गोयल सर विल बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन जेटली जी के मन में जहर था चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए, जहर भरा हुआ था, क्योंकि जो भी उनकी प्लानिंग होती थी सब सीए लोग फेल करवा देते थे. वो जीएसटी लेके आए, सीए लोगों ने डमी रजिस्ट्रेशन ले लेके इनपुट टैक्स क्रेडिट में, जहां पे भी देखो कितना भी करोड़ का स्कैम होता है कोई ना कोई सीए तो मिल ही जाता है. वो नोटबंदी लेके आए, सीए लोगों ने 5 लाख इसकी मेड के अकाउंट में, 5 लाख उसके ड्राइवर के अकाउंट में, ऐसे करके नोटबंदी के सब पैसे एडजस्ट कर लिए. तो जेटली जी के मन, और प्लस जेटली जी को एक और बात की जेलसी थी कि वो लॉयर थे, वो सीए की एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो उन्होंने मोदी जी को ब्रेन में भर दिया कि सीए लोग ही आपके सब प्लान फेल कर रहे हैं, आपके सब इंटेंशन फेल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सीए. अब मोदी जी बेचारे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको ऐसा रहता है ना कि भाई एक राइट हैंड एक लेफ्ट हैंड, पढ़े लिखे में राइट हैंड में जेटली जी थे, लेफ्ट हैंड में मोटा भाई, वो बांबू का काम, जिधर भी बांबू जरूरत है मोटा भाई लेके पहुंच जाते, तो दोनों को रखा था साथ में मोदी जी ने. तो ज्ञान की बात है जेटली जी के लिए, और जेटली जी ने जहर भर दिया, बोला सीए को तो लाने का ही, अदरवाइज पीयूष गोयल सर वॉज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्सन टू बी अपॉइंटेड फाइनेंस मिनिस्टर. उन्होंने खाली 3-4 महीना जो टेम्पररी फाइनेंस मिनिस्टर का रोल निभाया ना, उसमें बहुत लोग खुश हो गए थे, इकोनॉमी अपने आप 4 महीने में इकोनॉमी इंप्रूव होने लग गई थी. लेकिन व्हेन ही वाज प्रेजेंटिंग दैट इंटरिम बजट, जो आउटगोइंग गवर्नमेंट का टेम्पररी बजट होता है, क्योंकि एक्चुअल बजट नई गवर्नमेंट आके प्रेजेंट करती है, तो पीयूष गोयल सर ने कुछ 10 अमेंडमेंट लाए, ऑल वर इन द नेचर ऑफ लॉलीपॉप. फॉर एग्जाम्पल, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में एक हाउस का नेट एनुअल वैल्यू 0 होता था, पीयूष गोयल सर ने 2 घर कर दिए थे, वो उस बजट में लाया था, क्योंकि मोदी जी ने क्या बोला, पीयूष भाई वापस जीतने का है, बस वो सोच के बजट बनाना, फिर एक बार मैं जीत गया उसके बाद में तो क्या करने का वो मेरे को मालूम है ना, वो सोच के बजट बनाना. वही वो बजट था जिसमें वो घर बेच के घर लेते हैं ना, तो नए घर में एक घर की जगह 2 घर अलाउड किया सेक्शन 54 में, उसी बजट में, और उसी बजट में पीयूष गोयल सर ने एक अनाउंसमेंट, यू विल हैव 0 tax लायबिलिटी अप टू इनकम ऑफ 5 lakhs. मार्क द स्टेटमेंट, आप फाइनल के बच्चों आपको समझना चाहिए, यू विल हैव 0 tax अप टू इनकम ऑफ 5 lakh. बस उनका इतना बोलना था, पार्लियामेंट में तो गणपति बाप्पा मोरिया, थाड़ 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 थाड़, सब टेबल पटकने लग गए, चिल्लम चिल्ली चालू हो गया, ये वो मीम आता है ना, ओ हाँ, तो वो पार्लियामेंट में वो चालू हो गया, हिंदी न्यूज चैनल पागल हो गए, पागल मतलब एकदम, वैसे भी पागल ही है और पागल हो गए. तो अब 5 लाख तक की आय पर आपको कोई कर नहीं देना होगा, इसके अलग से ट्रांसलेशन करवाने पड़ते हैं, 5 लाख तक की आय पे आपको कोई कर नहीं देना होगा, एंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चालू हो गया, बेसिक एग्जेम्पशन 5 लाख 5 लाख 5 लाख. उन सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को बोलो, गधो अगर तुम्हारा इनकम अप टू 5 लाख है तो तुम्हारा जो भी टैक्स है वो 12,500 से कम आएगा, ये रहा, और अगर 12,500 से कम है तो एक्चुअल टैक्स पूरा का पूरा आपका आंसर बन जाएगा, करेक्ट और नो. 5 लाख 1 रुपया मत लेना क्योंकि वो तो राउंडिंग ऑफ में 5 बनेगा, लेकिन अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख और 10 रुपया है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, 5 लाख और 10 रुपया, फर्स्ट वी विल कैलकुलेट बेसिक टैक्स. जो 5 लाख तक 12,500 आ रहा था, अब 10 रुपया किस रेट पे टैक्स होगा, 20. डू यू अंडरस्टैंड बेसिक टैक्स विल बी 12,502 रुपीज, यस, माइनस, ये राउंड ऑफ नहीं होगा, ये कब राउंड ऑफ होता है पता है, इसमें आपका टीडीएस माइनस करो, आपका टीसीएस, एडवांस टैक्स, हो सकता है रिफंड है, वो जो फाइनल अमाउंट होती है ना
वो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 जाता है, लायबिलिटी नहीं जाता है, पेएबल अमाउंट जाता है. ओके तो नो रिबेट एंड अकॉर्डिंगली 12,502 भरना पड़ेगा. तो 5,00,000 तक नो टैक्स, इतना बोल के मामा बनाया, पागल बनाया, पागल. 5,10,000 पे क्या होएगा उसका अनाउंसमेंट ही नहीं किया. बेसिक एग्जेम्पशन इज नॉट 5,00,000. अर्लियर, नाउ एंड फ्यूचर में ओल्ड रेजिम को तो वो लोग छेड़ने वाले भी नहीं, ओल्ड रेजिम उनको पसंद ही नहीं अभी गवर्नमेंट को. बस खाली अंडर द प्रेशर ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज दे आर नॉट मेकिंग न्यू रेजिम कंपलसरी. कर दे तो मैं तो आंटी के पैर में गिर के माफी मांगूंगा. बेसिक एग्जेम्पशन कल भी आज भी 2,50,000 रुपीज. इज दैट क्लियर? चलिए, वन डाउट दैट यू शुड आस्क, आया होएगा शायद, आप पूछने का वेट कर रहे होंगे, मैं आपके डाउट आने के पहले आंसर कर दूं. 13 years ब्रो, बाल काला से सफेद हो गया अभी. सर ये लोग ने इतना ड्रामा क्यों किया एक्चुअल टैक्स और 12,500? सर एक्चुअल टैक्स तो 12,500 से ज्यादा होएगा ही नहीं ना, जो एलिजिबिलिटी फिगर है दैट इज 5,00,000 और उस तक हाईएस्ट टैक्स. ये तो अपन ने कैटेगरी ये अज्यूम किया, बी और सी होता तो 12,500 भी नहीं होता, तो दे कुड हैव डायरेक्टली रिटर्न इतना ही बस, ये 12,500 से तो कम ही रहने वाला है. हेलो, रॉन्ग, रॉन्ग ब्रो. सपोजिंगली आप बाकी सब डिटेल सेम, रेसिडेंट इंडिविजुअल, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 2,00,000 रुपए का और आपका अदर इनकम है 3,00,000 रुपए का, मेकिंग योर एंटिटी आई 5,00,000. आर यू एलिजिबल फॉर रिबेट? यस, एग्जैक्ट 5,00,000 पे भी यू आर एलिजिबल. व्हाट्स योर बेसिक टैक्स? 2,00,000 के ऊपर 20% लगेगा ब्रो, और प्लस 3,00,000 के ऊपर स्लैब्स लगेगा, तो 2,00,000 का 20% इज 40,000 और 3,00,000 में स्लैब्स में क्या आंसर आता है? 2,500. तो कहना इसे 42,500 ब्रो. इनकम 5,00,000 का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है बट टैक्स लायबिलिटी 12,500 से ज्यादा है एंड दस यहां पे जो रिबेट होगा ना वो 12,500. एक्चुअल टैक्स और 12,500 सिर्फ उसके लिए लिखा है. इफ इट इज नॉट द केस, इफ देर इज नो स्पेशल रेट, तो एक्चुअल टैक्स ही रिबेट बन जाएगा क्योंकि वो 12,500 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, रिबेट की क्राइटेरिया ही वैसी. आप समझा क्या? तो बेसिक एग्जेम्पशन चेंज नहीं हुआ. तो देवियों एंड सज्जनों, जिसको जिसको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है, 15-15 मिनट से रिफ्रेश करना पड़ता है, याद दिलाता हूं. इंडिविजुअल की 3 कैटेगरी का स्लैब्स भी कंप्लीटेड इन द ओल्ड रेजिम, बट समटाइम्स फ्लैट रेट विल अप्लाई, स्पेशल रेट विल अप्लाई, इनफैक्ट दैट अप्लाइज इन न्यू रेजिम ऑल्सो. और जो भी आपने स्लैब्स से किया भी है वो भी आपका बेसिक टैक्स है, इट इज नॉट योर फाइनल टैक्स लायबिलिटी. इट इज गोइंग टू अंडरगो चेंज. वी हैव स्टडीड द फर्स्ट चेंज. व्हाट इज द फर्स्ट चेंज? रिबेट. रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए. क्या आप बिना देखे बोल सकते हो what are the conditions that you have to fulfill in order to be eligible for rebate? Resident, individual, income up to 5,00,000 will include equal to 5,00,000. And what will be the quantum of rebate? Actual tax or 12,500, whichever is lower. Garib ko rebate deke uska tax kam karne ka. Correct hai? Understood? Ab second concept. The concept of surcharge. As the name indicates, this is going to be increase in your tax. आपका जो भी टैक्स आया 170 to 500, 170, 160, वो बेसिक टैक्स था. इफ यू आर एलिजिबल फॉर रिबेट वो कम होता है, लेकिन वो लोग तीनों तो नहीं थे. कोई कोई लोगों का टैक्स कम नहीं होता है, इंक्रीज होता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है दैट गरीब का टैक्स कम करो, अमीर का टैक्स ज्यादा करो. तो जो लोग 5,00,000 तक की इनकम के लेवल पे है, कैन आई से वी आर रिड्यूसिंग देयर टैक्स बाय गिविंग देम रिबेट. लेकिन जो लोग बास मारते हुए अमीर, दैट इज स्टिंकिंग रिच, स्टिंकिंग रिच, अमीर लोगों का टैक्स लायबिलिटी हैज टू बी इंक्रीज्ड. जो भी टैक्स कैलकुलेट हुआ है गरीब का वो कम होता है, अमीर का इंक्रीज होगा. गरीब का डेफिनेशन 5,00,000, रेसिडेंट इंडिविजुअल 5,00,000. सर देख लेते हैं अमीर का डेफिनेशन कितना है. एनी पर्सन विथ नेट टैक्सेबल टोटल इनकम एक्सीडिंग ₹50,00,000, आपको लगेगा 10% का सरचार्ज.
अगर आपका नेट टैक्सेबल टोटल इनकम एक्सीड हो रहा है ₹50 लाख तो यू विल बी लायबल फॉर रिबेट. में हम एलिजिबल वर्ड यूज करते हैं क्योंकि वहां पे माइनस होता है ना, यर वी से लायबल क्योंकि इंक्रीज होता है. समझ में आता है वर्डिंग्स? यू विल बी एलिजिबल फॉर और यू विल बी लायबल फॉर 10%. लेकिन अगर आपका इनकम 1 करोड़ रुपया क्रॉस किया तो आपका सरचार्ज 15% हो जाएगा. ये स्लैब्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10 और 1 करोड़ के बाद 15. हमको एग्जैक्ट इनकम का फिगर देखना है. वेयर इज दैट इनकम फिगर लाइंग? इज इट लाइंग इन मोर देन 50 लाख का रेंज के मोर देन 1 करोड़ का रेंज? मोर देन 50 है तो 10 ही लगेगा, दूसरा कुछ नहीं लगेगा. मोर देन 1 हो गया तो सीधा 15 लगेगा, फिर 10 भी नहीं लगेगा. इज दैट अंडरस्टूड? बस इतने में सरचार्ज खत्म हो जाता था बिफोर द आंटी इरा इन टैक्सेशन. फिर आंटी बोले नहीं नहीं ऐसा कैसे, इतना सिंपल कैसे हो सकता है. रेज्यूमे में लिखा है ना हॉबीज में मेकिंग इनकम टैक्स कॉम्प्लिकेटेड, आंटी के रेज्यूमे में. आंटी बोली अगर आपका इनकम 2 करोड़ क्रॉस किया तो मैं 25% सरचार्ज लूंगी, और अगर आपका इनकम 5 करोड़ क्रॉस किया तो आई विल टेक 37%. 37%. वो 42.744 कैसे आता है वो बाद में प्रूफ करेंगे, वो बाद में प्रूफ करेंगे. पहले सरचार्ज सरचार्ज सीख लो. ओके, सो इफ योर इनकम एक्सीड्स रुपीज 50 लाख 10%, एक्सीड्स रुपीज 1 करोड़ तो 15, एक्सीड्स रुपीज 2 करोड़ तो 25, एंड 5 करोड़ क्रॉस कर लिया तो 37%. मतलब एक लॉजिक खाली हम समझ गए कि जो गरीब लोग होते हैं 5 लाख तक के, उनका तो जो भी टैक्स है वी फर्दर रिड्यूस इट. देखो पहले से वो कम ही रहता है और कम करेंगे. अमीर लोग टाटा बिरला अंबानी देवी प्रसाद, अमीर लोग ऑलरेडी हायर रेट के अंदर, बेसिक टैक्स में ऑलरेडी हायर रेट के अंदर है, प्लस और इंक्रीज करेंगे बाय अप्लाइंग सरचार्ज. दैट लॉजिक इज क्लियर. लेकिन अब हमको करना पड़ेगा रीड बिटवीन द लाइंस. जो सामने लिखा है वो तो समझना ही है, वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड जो सामने नहीं लिखा है. वॉट आर द 3 conditions टू गेट रिबेट? टंग टंग टंग, रेसिडेंट, इंडिविजुअल, इनकम अप टू, पता है ना? अब ध्यान से देखोगे तो सरचार्ज में सिर्फ इतना लिखा है इनकम एक्सीडिंग 50 लाख. तो क्या हमने ये ऑब्जर्व किया कि सरचार्ज सबको आएगा, चाहे आप रेसिडेंट है कि नॉन रेसिडेंट? रिबेट विल बी गिवन ओनली टू रेसिडेंट, बट सरचार्ज विल कम फॉर एवरीवन. पहला कंडीशन रिबेट का यहां पे लिखा ही नहीं. व्हाट वाज सेकंड कंडीशन? इंडिविजुअल. देखो वैसे हम अभी इंडिविजुअल कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअल का सरचार्ज है, बट एट द आउटसेट लेट मी क्लियर ओरली, क्योंकि बाकी का जब ये 1 है ना, 1 ये 1 करके हम लोग जब 2 पे जाएंगे 3 पे जाएंगे तो जितने असेसिस है सब में सरचार्ज है. सरचार्ज इज एप्लीकेबल टू ऑल असेसिस. सबके रेट्स अलग है. इंडिविजुअल का 50 लाख के बाद ही चालू हो गया. किस रेट पे? 10%. कंपनी फर्म का 1 करोड़ के बाद में स्टार्ट होता है. बट वॉट एवर इट इज दैट, देयर इज सरचार्ज. तो रिबेट ओनली फॉर रेसिडेंट, सरचार्ज फॉर एवरीवन. रिबेट ओनली फॉर इंडिविजुअल, सरचार्ज फॉर ऑल अदर असेसिस का हम लिखेंगे जब हम लोग उन पे जाएंगे. तीसरा कंडीशन क्या था रिबेट का? अप टू 5. चलो वेरी वेल वी अंडरस्टैंड कि वो लोअर लेवल था, ये हायर लेवल है, तो 5 लाख 50 लाख का मिस्टेक तो कोई नहीं करेगा. लेकिन देयर इज अ हिडन मिस्टेक हियर. एग्जैक्ट 5 लाख पे रिबेट, कम ऑन, यस, एग्जैक्ट 50 लाख पे सरचार्ज नहीं, सरचार्ज में ग्रेटर देन. एंड इन द फर्स्ट लेक्चर इटसेल्फ आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली कि इक्वल टू हमारे पूरे स्टडीज का बहुत बड़ा टारगेट रहने वाला है. तो एग्जैक्ट 50 लाख पे सरचार्ज, जोर से सुनना है मेरे को, एग्जैक्ट 5 लाख पे रिबेट, यस और नो? एग्जैक्ट 50 लाख सरचार्ज, नो. एग्जैक्ट 1 करोड़ सरचार्ज, पोपट, यस. बताओ कैसे? हाँ आएगा, समझे? लेकिन एनहेंस नहीं होएगा, एनहेंस होने के लिए इट हैज टू बी, चलिए आई होप यू डोंट मेक द मिस्टेक नाउ. एग्जैक्ट 2 करोड़ पे सरचार्ज लगेगा, विच वन?
एग्जैक्ट 5 करोड़ पे सर चार्ज लगेगा 25। समझा? तो इफ योर इनकम इज जीरो टू एग्जैक्ट 5 लैक्स रिबेट, मोर देन 5 लैक टू एग्जैक्ट 50 लैक्स नथिंग, खाली बेसिक टैक्स। थिंक अबाउट इट, 12 लाख वाला जो असेसी था ना जिसका तीनों काम ने किया, रिबेट भी नहीं सरचार्ज भी नहीं, 5 और 50 के बीच में एग्जैक्ट 50 भी नथिंग, मोर देन 50 अप टू एग्जैक्ट 1 करोड़ 10% सरचार्ज, एग्जैक्ट 1 करोड़ पे 10 ही आएगा, मोर देन 1 करोड़ अप टू एग्जैक्ट 2 करोड़ 15, मोर देन 2 करोड़ अप टू एग्जैक्ट 5 करोड़ 25, मोर देन 5 करोड़ 47। इज दैट अंडरस्टूड एवरीवन? तो आर फॉलोइंग थिंग्स क्लियर? रिबेट फॉर रेसिडेंट, सरचार्ज फॉर ऑल, रिबेट फॉर इंडिविजुअल, सरचार्ज फॉर ऑल, रिबेट में इक्वल टू इज कवर्ड, सरचार्ज में नो, इट इज ग्रेटर देन, और ग्रेटर ग्रेटर पे बढ़ते जाएगा, इक्वल टू पे बढ़ेगा नहीं, सेम रहेगा। इज दैट क्लियर? वन लास्ट क्वेश्चन, रिबेट वॉज गिवन इन रूपीज, 12,500 का लिमिट, तो अमाउंट आपको लर्न करना है, एक्चुअल टैक्स 12,500, एक्चुअल टैक्स 12,500, एक्चुअल टैक्स 12,500, बोलो येस और नो, सरचार्ज परसेंटेज में दिया, और अगर परसेंटेज में दिया है ना तो ये परसेंटेज किसी ना किसी के ऊपर लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नेट टैक्सेबल टोटल इनकम 1.5 करोड़ रुपया है, यू विल नॉट थिंक अबाउट रिबेट सरचार्ज फर्स्ट। सबसे पहला टास्क कभी भी क्या होगा, कैलकुलेट बेसिक टैक्स। चलिए आप बेसिक टैक्स कैलकुलेट कीजिए, फिर कुछ सवाल जवाब करेंगे, अनलेस स्पेसिफाइड इट इज कैटेगरी ए। और दूसरी बात, अब मुझे वो बच्चे वाला कैलकुलेशन नहीं, ग्रोन अप वाला कैलकुलेशन करके दिखाओ। ए मेंटल मैथ्स, तेरे एग्जाम में 8+2 10 होता है कि 12 होता है ना, तो वो भी कैलकुलेटर पे चेक करेगा एक बार, वो भी अपन है ना सीए वाले, 2+10 इज 12 के 10, वो हम कैलकुलेटर पे एग्जाम में चेक करते हैं, तो तू माइंड में कैलकुलेट मत कर, कैलकुलेटर पे कर। सीए के एग्जाम में पता है क्या कैलकुलेटर अलाउड नहीं है? कंपल्सरी है। हाँ तो करो करो बेटा, $43,12,500। समझा क्या? कैसे 150 में से 10 लाख माइनस किया, 140 का 30, 42 लाख एंड 1,12,500। इस स्टेज पे वी डिसाइड दैट, अपने आप से एक सवाल पूछेंगे, देखो पहले हमने टैक्स किया बेसिक टैक्स, तब तक वी डिड नॉट थिंक अबाउट दी अदर कॉन्सेप्ट्स, अब हम अपने आप को एक सवाल पूछेंगे। मैं यहां पे सिर्फ आपको सम सॉल्व करवाने नहीं आया हूं, सिर्फ थियरी करवाने नहीं आया हूं, हमारे ब्रेन का एक प्रोसेस, एक क्रोनोलॉजी होना चाहिए। माय ब्रेन शुड थिंक दिस 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 इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। मेरे ब्रेन ने सबसे पहले क्या सोचा? बेसिक टैक्स। अब मेरे ब्रेन में अगला स्टेप है एक क्वेश्चन, आफ्टर बेसिक टैक्स, रिबेट, सरचार्ज और नन ऑफ देम आर द 3 ऑप्शंस यू गिव योरसेल्फ, रिबेट, सरचार्ज या नन ऑफ। मित्रों बोथ ऑफ देम मत दे देना, बोथ ऑफ देम नहीं हो सकता है। क्यों? There is no number which is up to 5 lakh and greater than 50 lakh at the same time. जो statistics में probability आपने option में छोड़ा था ना, उसमें एक concept था mutually exclusive events, साथ में नहीं हो सकता। Class bunk मारना and exemption लाना और mutually exclusive events, नहीं, बहुत deep था, बहुत deep था, time लगेगा, we'll keep a lecture on that. सुनो, answer the question. Question पूछा अपने आपको, तुमको ऐसा लगा किसी को कि सर अपने आप को क्वेश्चन पूछना है, रिबेट सरचार्ज नन ऑफ देम, फिर आंसर कौन देगा सर? नहीं, वो तुमको ही देना है, रिबेट सरचार्ज नन ऑफ देम, और उसका आंसर निकाल के दो अभी। चलो सरचार्ज, बिकॉज इनकम इज मोर देन 50, मोर देन 50 होने के बाद में अपर साइड पे इट विल ऑलवेज बी सरचार्ज। अच्छा, अमाउंट को देख के हम इसमें भी क्लियर हो गए दैट सरचार्ज 15 है, क्योंकि ये फिगर 1 और 2 के बीच का फिगर है, मोर देन 1 अप टू 2 इक्वल टू 2 15%। अब इस क्वेश्चन का आंसर देना, ऑन व्हाट, आई विल टेल यू व्हाट पीपल डू। कोई कोई बच्चा सोचता है सर टैक्स तो इनकम पे ही होता है ना, तो 1.5 करोड़ की इनकम तो उस पे 15। सुनो सुनो, बच्चों के दिमाग की बात बता रहा हूं मैं आंसर तो नहीं दे रहा हूं। कोई कोई बच्चा बोलता है सर देखो अगर ये 50 लाख नहीं होता, एग्जैक्ट 1 करोड़ होता, तो 15% नहीं लगता, कितना लगता? 10। तो 15% ट्रिगर हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा 50 लाख, तो उस पे 15। आपने आज तक जो भी सीखा है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर नॉलेज, इट विल नॉट बी
on the excess or on the income. Surcharge will always be a percentage of your basic tax. ये जो भी 15% लगेगा ये इस पे लगेगा. Surcharge is always going to be a percentage of your basic tax. अरे मित्रों, आपका यहाँ पे अब जो अमाउंट आ रहा है ना, इसका 15%, वो 5,19,000 जो भी वो आ रहा है, ओके, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट अमाउंट. आप समझ नहीं रहे हो कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है. वो इस पे 15% अगर आपने बटन बराबर दबाना आता है ना आपको कैलकुलेटर का, अगर तो इसका 15% आपका कैलकुलेटर आपको करके देगा, समझे. एंड अ सीए स्टूडेंट एंड हिज कैलकुलेटर इज द मोस्ट रोमांटिक स्टोरी. आई डोंट नो अभी तक करण जौहर का, यशराज का उस पर नजर क्यों नहीं पड़ा. आई डोंट नो जब सोशल मीडिया पे वो चल रहा था हैशटैग कपल चैलेंज, किसी ने अपने कैलकुलेटर से सेल्फी क्यों नहीं अपलोड किया, क्योंकि वो इस प्लेनेट का सबसे रोमांटिक स्टोरी है. हैशटैग फॉरएवर सिंगल वालों सीए स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर के साथ ही रोमांस कर सकते हो आप समझा मैं क्या बोला. जो काम आपका कैलकुलेटर करेगा वो काम मेरा नहीं है. मेरा काम आपको क्या समझाना है, रिबेट विल बी गिवन टू रेजिडेंट, सरचार्ज सबको आएगा. रिबेट इंडिविजुअल, सरचार्ज सबको आएगा. रिबेट में इक्वल टू 5,00,000 आएगा, सरचार्ज में ग्रेटर देन 50,00,000 दिया है. रिबेट में रुपीज में अमाउंट दिया है, सरचार्ज परसेंटेज ऑन बेसिक टैक्स होगा. एंड ऑफकोर्स चार रेट है, 10, 15, 25, 37. आप ये भी समझ गए, सरचार्ज कोई स्लैब्स नहीं है. आपकी इनकम कौन सी रेंज में, अपने एग्जाम्पल में ये वाला रेंज था ना, तो भी डायरेक्टली अप्लाई 15. हमने ये नहीं किया कि पहले इतने पे 10 बाद में 15. वी डायरेक्टली अप्लाई एज पर योर इनकम रेंज. इज दैट क्लियर. बस एक टाइम पे यहां पे सरचार्ज कंप्लीट हो जाता था, लेकिन अभी सरचार्ज बहुत लंबा है, बहुत लंबा है. इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम. ओके, बिफोर देयर आर टू थिंग्स दैट आई हैव टू टीच यू अंडर सरचार्ज. देखो सबसे पहले तो हम टैक्स कर रहे हैं. टैक्स में हमने बेसिक किया, फिर हमने बोला तीन कॉन्सेप्ट करेंगे. पहला कॉन्सेप्ट ये था ए रिबेट कंडीशंस एंड क्वांटम. फिर हम बी पे आए, सरचार्ज. मेन पार्ट ऑफ सरचार्ज इज डन, 10, 15, 25, 37. अब इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट है, सब कॉन्सेप्ट्स ऑफ सरचार्ज. एक इजी, एक डिफिकल्ट. और तुमको क्या करना है पहला, आई लाइक दैट, लेट अस डू द डिफिकल्ट वाला पार्ट. अटेंशन एकदम हाई लेवल का चाहिएगा ब्रो. फिर अगर आपको डिफिकल्ट वाला पार्ट आपने पहले बोला है करने के लिए, तो यू कैन नॉट लेट योर फोकस गेट डिस्टर्ब्ड विथ एनीथिंग. ओके, जब आंटी ने ये 25 and 37% सरचार्ज लाया, तो देर वॉज अ ह्यूज अप्रोर, देर वॉज अ ह्यूज प्रोटेस्ट बाय HNIs, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, people who have made huge investments here and there. Think about it, investment income is a very big source of income for a lot of people. फिर एक जमाने में dividend जो मिलता था stock market से, उस पर companies DDT भरती थी, तो shareholder को tax भी नहीं लगता था. DDT निकालने की वजह से shareholder का dividend भी taxable हो गया, and which can be in crores of rupees for some people at least. And once you cross 2 crore rupees, auntie will apply surcharge of 25 and 37. एक जमाने में सरचार्ज इतना ही था, इतना ही था. अचानक से एक दिन आंटी ने ये इंट्रोड्यूस किया, और जो लोग भी इस रेंज में पहुंचते हैं, देखो आज 2 crore क्रॉस करना इज अ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग. अगर तुमने अपनी आर्टिकलशिप ढंग से की है और फाइनल में अच्छा रिजल्ट लेके आए हो, इन अ फ्यू ईयर्स यू विल बी एबल टू क्रॉस दिस, इन अ फ्यू ईयर्स. And that can be single digit number of years. You can change the future of your generations with the CA course. You may disagree with me, क्योंकि आपके life के current days जो है वो बहुत difficult है. I accept that. ये सबसे difficult वाला period of a CA student है. But it's a matter of time, and in the next few years you will agree with what I say. In single digit number of years, you can change the future of a few generations after you. तो 2 crore आप भी क्रॉस करोगे, तो आप समझ रहे हो 25%, और 5 crore तो क्रॉस कर लिया, 37. तो लोगों ने बोला आंटी ये क्या, इतना कितना टैक्स लोगे यार. फिर तो एक काम करो, हम तो गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के बोलते हैं, सुनो गवर्नमेंट एक काम करो, मैं जो भी कमाता हूं तुम पूरा रख लो, टैक्स जितना खाली दे देना मुझे.
इनकम तुम रख लो, मुझे टैक्स दे देना। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। अगर सोलोमन भॉय, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बॉलीवुड एक्टर सोलोमन भॉय, हाइपोथेटिकल कैरेक्टर सोलोमन भॉय, अ बॉलीवुड एक्टर डांसिस एट द वेडिंग ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट, और उसको 10 करोड़ लमसम पेमेंट आया ऑल इंक्लूसिव। तो सबसे पहले तो 10 करोड़ को बैक वर्किंग से उसको जीएसटी करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 118 × 18 करके, ओके? तो उतना कुछ 1.5 करोड़ के आसपास रफली चला जाएगा इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी। अब बचा 8.5, उसमें 30% बेसिक, 37% सरचार्ज, और बाद में एक सेस भी आता है, ऑल मिला के कुछ 42.744% टैक्स लगता है। मतलब इनकम टैक्स 42% एंड जीएसटी 18%। जब आप बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकते हो ना जीएसटी का, तो फिर आपको बैक कैलकुलेशन से खुद को ही भरना पड़ेगा। इफ द कंज्यूमर इज नॉट विलिंग टू बेयर इट, तो 42 + 18 60% टैक्स तो हम बोलेगा ही ना गवर्नमेंट को, पैसा आप रख लो मुझे टैक्स दे दो खाली। अ पोर्शन ऑफ इनकम शुड गो एज टैक्स, यहां पे उल्टा हो रहा है, पोर्शन इज रिमेनिंग बिहाइंड। आप समझे क्या? तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, तो आंटी समझ गई कि ये 25 और 37 ऐसे रखा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आंटी ब्रॉट अ चेंज इन इनकम टैक्स, बट बिफोर यू अंडरस्टैंड एनीथिंग, आप सबसे पहले अपने आप को ये क्लियरली समझा दो कि अब वो जो डिफिकल्ट वाला आपने पहले करने का बोला ना, वो जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं ना, दैट इज एप्लीकेबल ओनली टू दोज हु आर कवर्ड इन 25 and 37। इसके आगे जितना भी डिस्कशन होगा, बिफोर आई गो टू दैट सेकंड कॉन्सेप्ट, इजी वाला, अभी डिफिकल्ट वाला स्टार्ट किया ना हमने, जो भी डिस्कशन होगा आप अपने माइंड में एक ऐसे असेसी को इमेजिन करो जो 25 में आ रहा है, एंड दैट मींस उसका नेट टैक्सेबल टोटल इनकम को कंपल्सरीली 2 करोड़ क्रॉस करना पड़ेगा। इस डिस्कशन के लिए आप किसी और के बारे में नहीं सोच सकते। Who was protesting about these increase in surcharge? Whoever will be covered in that surcharge. And therefore she partially removed it. देखो तो पूरा ही निकाल दिया होता तो हम लोग 10 और 15 करके surcharge खत्म कर देते हैं। निकाला तो उसको marginally निकाला। तो कितना निकाला, 25 और 37 कितना निकाला और कितना छोड़ा, वो discuss करना है। But इस discussion में कहीं ना कहीं वो 10 और 15 चुपचाप बैठा है वहां पे। That is not going to even be touched in the discussion that we are now going to do. Everything that I discuss now will be applicable to those who are covered in 25 or 37. Matlab your NTTI has to exit. नहीं तो आप इस discussion में नहीं आएंगे। अरे कितना भी समझाते हैं ना बच्चे को, discussion लंबा है, 15-20 मिनट बाद हम लोग उसको example लेके, पहले theory होता है, फिर numerical example, फिर बच्चा बोलता है सर लेकिन अगर income 40 लाख रुपया हुआ तो पागल, उसमें surcharge ही नहीं आएगा। जिसको surcharge ही नहीं है उसको ये वाला point applicable ही नहीं है। भाई 5, 10 या 15% वाला सरचार्ज होता ना उसको भी एप्लीकेबल नहीं। ये डिस्कशन सिर्फ किसको एप्लीकेबल है? Whoever is falling in 25 and 37। आंटी ने बोला देखो मैंने सोच लिया है ना कि आई विल ब्रिंग इट, तो आई विल ब्रिंग इट, देर इज नो गोइंग बैक ऑन माई डिसीजन। 25 and 37% सरचार्ज इज हियर टू स्टे, बट if your net taxable total income has exceeded rupees 2 crore, then only you are covered here, no? We are talking about these people only, no? Due to the presence of 5 special incomes, आपका NTTI 2 crore क्रॉस हुआ है क्योंकि आपके टोटल इनकम में ये इनकम्स है। कौन सी इनकम्स? 1, आपकी इनकम में देर इज इनकम विच इज टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111 है, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑन स्टॉक मार्केट, जिसका एक स्पेशल रेट इनकम टैक्स में दिया हुआ है 15%। आपकी इनकम क्रॉस हुई है 2 crore बिकॉज ऑफ 112 है, वही जब मार्केट में लॉन्ग टर्म हो जाता है स्टॉक मार्केट में तो 112 ए लगता है, पहले 1 lakh पे 0% लगता है, बाद में 10% लगता है। वी विल टॉक अबाउट ऑल दिस सेक्शन जब हम स्पेशल रेट्स। लास्ट ईयर आंटी ने अमेंडमेंट लाया, पहले ये 4 ही इनकम होती थी, लास्ट ईयर ऐड किया, आंटी ने बोला फॉरगेट अबाउट स्टॉक मार्केट, किसी भी टाइप का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लैंड बेचा, घर बेचा, गोल्ड बेचा, ज्वेलरी बेचा,
कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 20% में आता है 112, देखो 112 इज ओनली फॉर स्टॉक मार्केट, सो एनीथिंग अदर देन स्टॉक मार्केट 112 है। फिर उसके पहले वाले साल जब डीडीटी निकाला था और डिविडेंड टैक्सेबल हुआ था, तब आंटी ने यह भी ऐड किया, योर इनकम इज क्रॉसिंग 2 करोड़ बिकॉज ऑफ डिविडेंड इनकम, मतलब डिविडेंड नहीं होता तो आपकी इनकम 2 करोड़ क्रॉस नहीं करती, या योर इनकम इज क्रॉसिंग 2 करोड़ बिकॉज ऑफ सेक्शन 115AD, आउट ऑफ ऑल द 5 दिस इज प्रोबेबली द ओनली अबाउट विच यू हैव नो आइडिया, बाकी 4 के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया एटलीस्ट है। 115AD इज कैपिटल गेन ऑन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन अवर कंट्री, है वो स्टॉक मार्केट ही और स्पेशल रेट्स की रेंज में आएगा और कुछ नहीं, तो इतना समझते हो 110 से लगाकर 115 बीबीजे के रेंज में आता है कि नहीं स्पेशल रेट का रेंज। सो अगर मैं 115AD बोलू तो वो इस रेंज में आता है। तो वन डे व्हेन वी विल डू दैट 5th chapter ऑफ अवर टेक्स बुक FIIs वाला ये सेक्शन भी हो जाएगा, वो इंडिया में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो उनके कैपिटल गेन्स की वजह से 2 करोड़ क्रॉस किया है। आर यू विथ मी? If your income has exceeded 2 crore rupees, but it has exceeded 2 crore because of the presence of these 5 incomes, then in that case, आपको जो 25 या 37 लगने वाला था ना, वो नहीं लगेगा, not applicable, and accordingly, कोई कोई बच्चे को ये लग रहा है ना, सर मतलब इसका सरचार्ज चला गया, उड़ गया, नहीं, 15% will be applied on your entire tax. तुम गलती से अपने मुंह से ये मत बोल देना सर मतलब पूरी इनकम पे 15% ही लगेगा, दैट वे समझने के लिए यू मे बी राइट कि हाँ 25 और 37 नॉट एप्लीकेबल मतलब 15 लगेगा, बट द स्टेटमेंट विच यू मेड वॉज रॉन्ग बिकॉज इनकम पे नहीं लगता है, सरचार्ज कम्स ऑन टैक्स। रॉन्ग बोलने की आदत पड़ेगी तो लॉन्ग सीखने की भी आदत पड़ेगी, तो 15% लगेगा ऑन एंटायर इनकम नहीं ऑन एंटायर टैक्स। तो फर्स्ट देयर विल बी इनकम, उस इनकम पे देयर विल बी टैक्स, उसमें से कोई कोई स्पेशल रेट भी होंगे, और फिर टैक्स होने के बाद में उस टैक्स के ऊपर हम लोग ऐड करेंगे सरचार्ज, वो पूरे पे 15 ही लगेगा। इफ योर इनकम हैज क्रॉस 2 करोड़ इनकी वजह से, मतलब अगर ये नहीं होता तो आपका इनकम 2 करोड़ क्रॉस नहीं करता, इन दैट केस 25-37 नॉट एप्लीकेबल, मतलब कहना इसे पार्शियली विड्रॉ कर दिया, करेक्ट और नो, पूरा भी पूरा का पूरा रोल बैक नहीं किया, 25-37 इज रिटेन्ड फॉर अदर पीपल, लेकिन जिनका इन इनकम्स की वजह से क्रॉस हो रहा है, विच आर दी 5 स्पेशल इनकम्स, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म, ऑल लॉन्ग टर्म, डिविडेंड, FII कैपिटल गेन, क्या बोला, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म, ऑल लॉन्ग टर्म, डिविडेंड एंड FII कैपिटल गेन, तो फिर 25-37 नॉट एप्लीकेबल। ये वाला पॉइंट तो ईजी है, समझ गया, मतलब हमको टोटल इनकम में से ये 5 इनकम उड़ा के देखने का, तो 2 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ तो फिर 15% लगेगा ऑन एंटायर टैक्स। लेकिन साथ में आंटी ने दूसरा कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दिया, इफ योर इनकम इज ग्रेटर देन 2 करोड़ विदाउट द 5 स्पेशल इनकम्स, पहली बात तो ये 5 स्पेशल इनकम्स कौन सी है, सेम 5, दैट इज स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म, डिविडेंड एंड FIIs, मतलब कैन आई से वी आर टॉकिंग अबाउट समवन जिसका सैलरी 8 करोड़ रुपया, जिसका बिजनेस का प्रॉफिट ही 12 करोड़ रुपया, तो इन इनकम्स के बिना भी इनकम हैज एक्सीडेड 2 करोड़ रुपीज, इन दैट केस इतना तो आप मानोगे कि 25% या 37% लगना चाहिए, समझो, ये 5 इनकम है ही नहीं तो लगेगा ही, ऑफ कोर्स 25 and 37 नॉट ऑन इनकम, ऑन टैक्स ऑन योर अदर इनकम, करेक्ट, बट 10 करोड़ की सैलरी के साथ क्या 1 करोड़ का स्टॉक मार्केट कैपिटल गेन हो सकता है, NTTI कितना, 11 करोड़, 10 करोड़ सैलरी, 1 करोड़ स्टॉक मार्केट, तो टोटल इज 11, करेक्ट और नो, जो 10 करोड़ की सैलरी है उस पर तो 37% सरचार्ज लगाना ही पड़ेगा ना, मतलब उसके टैक्स पे, लेकिन जो 1 करोड़ का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसका वैसे टैक्स भी अलग से ही होने वाला है, इट्स अ स्पेशल रेट,
टैक्स करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा उसका सरचार्ज ऑन द टैक्स ऑफ दीज फाइव इनकम्स द मैक्सिमम सरचार्ज विल बी 15%. आपको जो भी 25-37 लगाना है वो दूसरे पे लगाओ, इन पे नहीं लगेगा. तो अनाउंसमेंट इज प्योर एंड सिंपल दिस मच कि ये पांच इनकम का जो भी टैक्स है उसके ऊपर 25-37 नॉट एप्लीकेबल. ये पांच इनकम का जो भी टैक्स है उसके ऊपर 25 and 37 नॉट एप्लीकेबल. और अगर इनकी वजह से 2 करोड़ क्रॉस हुआ तो दूसरे पे भी नॉट एप्लीकेबल. इनके ऊपर तो नॉट एप्लीकेबल और इनकी वजह से क्रॉस हुआ तो दूसरे के ऊपर भी नॉट एप्लीकेबल. बस ये 2 ही पॉइंट लाया. देखने को आंटी बोलती है मैंने 2 ही तो लाइन लिखा है, लेकिन ये 2 लाइन को समझने के लिए यू विल नीड अ फ्यू न्यूमेरिकल एग्जांपल्स. विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स थिंग्स विल बिकम वेरी वेरी क्लियर. ओके, फर्स्ट फॉर दैट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट थिंग्स दैट हैपेंड बिफोर दिस. सरचार्ज में कोई कंडीशन नहीं है, खाली इनकम एक्सीड होना चाहिए. देन वेदर यू आर रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, इंडिविजुअल और एनीवन, सरचार्ज विल कम फॉर एवरीवन 10, 15, 25, 37 ऑन बेसिक टैक्स ग्रेटर देन है सब जगह के ऊपर. इज दैट ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अब जब 25 और 37 आया तो पीपल प्रोटेस्टेड एंड आंटी हैज विथड्रॉन इट पार्शियली. क्या बोला? पांच इनकम को मैं स्पेशल डिक्लेयर कर दूं. विच फाइव? स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म, स्टॉक मार्केट लॉन्ग टर्म, अदर लॉन्ग टर्म, डिविडेंड एंड कैपिटल गेन ऑन एफआईआईज. इन पांच की वजह से 2 करोड़ क्रॉस हुआ है. ये नहीं होते तो 2 करोड़ क्रॉस ही नहीं करना. तुम्हारा सैलरी 10 लाख की है, तुमको कैपिटल गेन हुआ है 8 करोड़ का, सैलरी 10 लाख की है, तो आपके पूरे पे 15% ही लगेगा. मतलब 25-37 नॉट एप्लीकेबल एट ऑल. और अगर सैलरी बिजनेस जो अदर इनकम है वही 2 करोड़ क्रॉस हुआ तब तो 25-37 आएगा, बिकॉज इम्यूनिटी इज ग्रांटेड ओनली टू स्पेशल इनकम्स. लेकिन इनके ऊपर तो हमेशा 15% ही रहेगा. एंड फॉर दोज नॉट अंडरस्टैंडिंग इवन नाउ लेट दीज न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स टेक प्लेस, एवरीथिंग विल बी एब्सोल्युटली क्लियर टू यू. वी आर गोइंग टू इन अवर एग्जाम्पल टेक अपनी जो 5 स्पेशल इनकम्स है, यू ऑल नो विच 5 नो. और कैन आई से ये 5 स्पेशल इनकम में जब हम हमारी अदर इनकम को एड करेंगे तो दैट विल गिव अस अवर नेट टैक्सेबल टोटल इनकम. 5 स्पेशल प्लस अदर विल गिव अस एनटीटीआई, यस और नो? कम ऑन. 2 पॉइंट मैंने लिखे है, 2 पॉइंट मेरे को आपको समझाने. ओके, सपोजिंगली मेरी ये जो 5 स्पेशल इनकम है, कौन सी 5? शॉर्ट टर्म स्टॉक मार्केट, लॉन्ग टर्म स्टॉक मार्केट, अदर लॉन्ग टर्म, डिविडेंड एंड एफआईआई. ये 6 करोड़ रुपीज है एंड माई सैलरी इज तोतला तिवारी तालितला. तोतला तिवारी तालितला. तो व्हाट इज योर नेट टैक्सेबल टोटल इनकम? ऑर्डिनरीली जब हम टैक्स कैलकुलेशन करते सबसे पहले तो हम टैक्स करेंगे ना यार. वी विल कैलकुलेट टैक्स ऑन दिस, वी विल कैलकुलेट टैक्स ऑन दिस, क्योंकि स्पेशल रेट होती है तो एनीवेज हमको अलग करके करना पड़ता है. और जब हमारा टैक्स हो जाता है इस टैक्स के ऊपर हम डिसाइड करते हैं रिबेट, सरचार्ज और नन ऑफ देम. वो इस अमाउंट को देख के डिसाइड होएगा. आप आंसर करो ये वाला क्वेश्चन, रिबेट, सरचार्ज के नन ऑफ देम. सरचार्ज और सरचार्ज क्या रेट पे लगेगा दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस अमाउंट. गोइंग बाय दिस अमाउंट, एक बार के लिए ये वाला पूरा पोर्शन इग्नोर कर, तुम काटना मत इसे बुक में क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी यूज करता हूं, मेरा वापस आ जाएगा. एक बार के लिए ये वाली साइड को इग्नोर करो, लुक एट दिस अमाउंट. तो आपके हिसाब से सरचार्ज के जो 4 रेट दिए उसमें से विच वन शुड अप्लाई? 37% करेक्ट. अगर आंसर 25 या 37 आ रहा है देन दिस एडिशनल डिस्कशन इज एप्लीकेबल. मान लो ये 65 लाख आया होता एंड योर आंसर वॉज कमिंग एट 10%, योर कैलकुलेशन इज ओवर, देर इज नो फर्दर डिस्कशन, ये पॉइंट्स ही नॉट एप्लीकेबल. समझा क्या? मान लो ये 1.5 करोड़ आया होता तो देर इज नो डिस्कशन. ये फिगर 2 करोड़ के ऊपर का कोई फिगर है तो आप और मैं बात कर रहे, नहीं तो नहीं कर रहे. आई होप आर वी क्लियर ऑन दिस. चलिए, अगर आपका आंसर 25 या 37 आ रहा है तो एक चीज आपको और चेक करनी है, व्हाट आंटी गेव यू. एक बार अपनी टोटल में से ये 5 इनकम उड़ा के देखो,
विदाउट दीज इनकम्स, मित्रों विदाउट दीज इनकम्स हैव आई क्रॉस द 2 crores. अग्री, एवरी वन अग्रीज? अगर ये नहीं होता तो 2 crore क्रॉस ही नहीं करता. अब जाके स्टेटमेंट पढ़ो. If your entity has exceeded 2 crore due to these 5 special incomes, has my entity exceeded 2 crore due to these incomes? अगर ये नहीं होती तो मेरी entity 2 crore cross नहीं करता, then in that case हमारा 25 और 37 not applicable. ये वाला tax या ये वाला tax, दोनों के ऊपर 15% surcharge लगेगा. भले ये 2 crore cross हो गया, but 25-37 will not apply. Even if this has crossed 2 crore, 25-37 will not apply. ये समझा? पहला वाला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन, पूरे पे 15% एवरीवन. चलो ओके, लेट मी डू माई सेकेंड एग्जाम्पल, आई विल कम बैक टू यू. ओके, क्या मेरी तरफ से मेरा एक्सप्लेनेशन पूरा हो जाएगा ना, फिर मैं आपसे और एडिशनल एग्जांपल्स लेके करूंगा, नॉट जस्ट दिस बट इवन मोर. ठीक है, अब अपने अंदर के अक्षय कुमार को जगाते हुए, अक्षय कुमार बगितले, टोटल रिमेन सेम, हमको इस पे भी टैक्स करना है, इस पे भी टैक्स करना है. फर्स्ट हम लोग सरचार्ज कौन से फिगर को देख के डिसाइड करते हैं, इसको देख के. इसको देख के क्या आंसर आ रहा है, 37. इसे 25 और 37, जब भी 25 और 37 होता है तो एक और एनालिसिस होती है, इसको निकाल के देखो. इसको निकाल के देखा तो क्या आंसर आया, 6 crore. मतलब हैव वी एग्जिटेड 2 crore. Once the other income exceeds 2 crore, तो 25-37 लगेगा लगेगा लगेगा, and this exceeding 5 crore मतलब, but इसके ऊपर तो 15 ही लगेगा. ये हमारा सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दीज 2 points इन फ्रंट ऑफ यू. पहला पॉइंट इज ऑन द फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड पॉइंट इज एक्सप्लेन इन द सेकेंड एग्जाम्पल. आई होप उतना तो आप समझ ही गए हो, लेकिन हम थियरी पढ़ के एग्जाम्पल पे आते हैं. इफ योर एंटिटी हैज एक्सीडेड 2 करोड़ ड्यू टू 5 स्पेशल इनकम्स, ये एंटिटी आई 2 करोड़ क्रॉस हुआ है, क्या इनकी वजह से क्रॉस हुआ, ये नहीं होता तो नहीं करता, तो फिर 25-37 नॉट एप्लीकेबल. और सुनो ओ मैडम, 15% ऑन द एंटायर टैक्स. नाउ योर क्वेश्चन वॉज, एंड आई नो अदर पीपल ऑल्सो थॉट अबाउट इट, लेकिन पूछा नहीं, सर ये तो 40 ही है, सर ये तो 50 से कम है, और 50 से कम वाले पे तो सरचार्ज भी नहीं आता है, करेक्ट और नो? अब सुनो, जस्ट मेरे एक क्वेश्चन का आंसर देना, सरचार्ज आएगा कि नहीं आएगा, ये आप कौन सी इनकम को डिसाइड करके करते हो, कौन सी इनकम को देखते हैं, नेट टैक्सेबल टोटल इनकम. ये वाली इनकम अगर 1 crore क्रॉस की है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर फॉलिंग इन 25-37, मतलब इसको तो 2 भी क्रॉस करना पड़ेगा, और 2 क्रॉस किया मतलब 1 तो क्रॉस किया ये, तो आपके लाइफ में 15% तो चिपक गया है. नाउ द डिस्कशन इज वेदर 25-37 विल कम और विल नॉट कम. इट मे कम, इट मे नॉट कम, लाइक हियर इट डिड नॉट कम. क्यों नहीं आया, क्योंकि उन स्पेशल इनकम की वजह से क्रॉस किया. 25-37 मे कम मे नॉट कम, मे कम मे नॉट कम, लेकिन 15 तो आएगा. मित्रों छोड़ दीजिए, एक काम कीजिए, एक बार पहले इधर ही आ जाइए, ये 6 crore रुपया, ये 1 रुपया, 15% सरचार्ज आएगा. ऑफ कोर्स बहुत हाइपोथेटिकल है, क्योंकि 1 रुपया तो राउंडिंग ऑफ में 0 बनेगा. आप 10 रुपया ले लो, 10 रुपया ही ले लो, चलो ये 10 है, इस पे सरचार्ज नहीं लगता है, इसके टैक्स पे लगता है. कितना लगेगा, 15 तो लगेगा. क्यों लगेगा, बिकॉज टोटल हैज एक्सीडेड 1 crore. द होल डिस्कशन इज, अगर आप ये समझे, मैंने स्टार्ट किया था इसी के साथ, द होल डिस्कशन इज ऑन पीपल हु हैव ऑलरेडी अट्रैक्टेड 25-37.
दैट मीन्स वी कैन हैव ऑल द डिस्कशन ऑफ 2537. इट मे अप्लाई मे नॉट अप्लाई. मे अप्लाई तब तो मामला ही खत्म हो गया. और अगर मे नॉट अप्लाई वाला भी केस है तो वॉट इज नॉट अप्लाइंग 2537? विच डज नॉट मीन दैट सरचार्ज नहीं आएगा. 15 तो आपके जिंदगी में चिपक गया है. आज मान लीजिए कि ये 2537 वाला स्टोरी ही नहीं होता. एक बार सुन लीजिए कि समझ लीजिए ये सरचार्ज में से मैं 2537 उड़ा देता हूं. मतलब दो ही रेट रखा मैंने, 10 और 15. और अगर 10 और 15 रखा और मैं आपको ये वाले नंबर्स में लेके आ गया, वैसे भी आपका टोटल इनकम जो भी होगा यू हैव टू डिवाइड इन टू पार्ट्स फॉर लिविंग बेसिक टैक्स. अगर स्पेशल रेट है तो दोनों का बेसिक टैक्स मिला, फिर आपको सरचार्ज डिसाइड करना है. तो सरचार्ज आपकी टोटल इनकम को देख के डिसाइड करोगे, करेक्ट और नो? इंडिविजुअली वो इनकम कुछ भी हो लेकिन टोटल एज एक्सीडेड 1 करोड़ तो 15 तो लगाना है. 25 ना लगे लेकिन 15 तो लगाना ही पड़ेगा. इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर टू एवरीवन? चलिए, तो व्हाट हैव वी अंडरस्टूड? अगर मेरा टोटल इनकम 2 करोड़ क्रॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज इनकम्स, ये नहीं होता तो 2 करोड़ क्रॉस नहीं होता तो 2537 कंप्लीटली रिमूव. पूरे पे क्या लगेगा? 15. लेकिन अगर इसको निकाल के भी मैं 2 करोड़ क्रॉस कर रहा हूं, क्वेश्चन 1, विल 2537 कम? ऑफ कोर्स, ये 2 करोड़ क्रॉस किया तो 25 और 5 करोड़ क्रॉस किया तो 37. लेकिन इसके ऊपर तो फिर भी 15 ही लगेगा. आर वी क्लियर ऑन द 2 points दैट वी हैव रिटन? वापस एक बार जाके थियरी में हमने क्या लिखा है वो देख लो. इफ वी क्रॉस 2 करोड़ ड्यू टू स्पेशल इनकम्स तब तो आएगा ही नहीं, एंड इफ अदर इनकम हैज क्रॉस तो सिर्फ उसी के ऊपर आएगा, इन 5 के ऊपर नहीं आएगा. व्हेन वी से इन 5 मतलब इनके टैक्स के ऊपर, क्योंकि इनकम पे सरचार्ज नहीं लगता है, टैक्स पे लगता है. नाउ इट इज एन ओपन हाउस. एनी स्टूडेंट इज इन्वाइटेड ओपनली लेफ्ट साइड राइट साइड एनी अमाउंट एंड हैव अ डिस्कशन विथ मी अबाउट किस पे क्या सरचार्ज होगा. मेरी तरफ से 2 points एक्सप्लेन करना था, ए का ए और बी का बी, 2 एग्जाम्पल देना था. When will 2537 come? When it will not come? And if it will come, on what it will come? But now it is an open house. You are free to give me any amount of other income, any amount of special income, and we together decide कितना सरचार्ज लगेगा, किस पे लगेगा, कैसे लगेगा. We are ready to do that. Discussion में हमारे लिए कभी कोई problem नहीं है अगर थोड़ा time consume हो जाए. Anybody, most welcome. आपको सिर्फ numbers लेने हैं. आप अदर बोले, मैं ये राइट साइड में अदर है और लेफ्ट साइड पे स्पेशल है. हाँ जी बोलिए आगे. 3 करोड़. चलिए तो व्हाट इज द टोटल? 3.55 करोड़. एवरीबडी इज विथ मी? स्टेप नंबर 1, इसको देख के सरचार्ज डिसाइड करने का. इसको देख के क्या आंसर आता है? 25 और 37 में से अगर कोई एक आंसर आता है तो एक्स्ट्रा स्टेप करने का. कौन सा? इसको उड़ा के चेक करने का. इसको उड़ा के चेक किया तो क्या पता चला? तो 2 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है. मतलब नाउ आंसर दिस, इज माय इनकम क्रॉसिंग 2 करोड़ ओनली बिकॉज ऑफ स्पेशल इनकम्स? यस. अगर स्पेशल इनकम नहीं होती तो मैं 2 करोड़ क्रॉस नहीं करता. तो इसका टैक्स, अच्छा सरचार्ज टैक्स पे लगेगा तो पहले टैक्स करना पड़ेगा दोनों ही के ऊपर 15%. दिस इज सेम एज फर्स्ट एग्जाम्पल. जी, एनीवन एल्स, एनीथिंग, इंक्लूडिंग दोज ऑनलाइन? ओके, एवरी स्टूडेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट. हाँ जी बोलिए. एनीवन, दिस इज द राइट टाइम. आपको कोई भी नंबर्स अगर चाहिए तो आई एम योर. अदर इनकम 2 करोड़, 3 करोड़. Is this your, ये ही आपका क्वेश्चन है, करेक्ट? दिस इज सेम एज ए और सी. दैट वे इफ यू थिंक अबाउट इट, आपका 25 आंसर आ रहा है, 37 नहीं आएगा. क्यों? इक्वल है ना? फिर इसको उड़ा के देखने का तो भी इक्वल है ना? ग्रेटर नहीं है और ग्रेटर नहीं है, मतलब सेम आंसर है. इफ यू अंडरस्टैंड, डू यू? चलिए नेक्स्ट. 1.99 करोड़ इन अदर, एक ऑनलाइन क्वेश्चन फ्रॉम ईशा. 1.99 करोड़ इन अदर इनकम,
एंड 2 लाख इन स्पेशल इनकम. दिस इज योर क्वेश्चन ईशा. यस टोटल बोलो. सबसे पहले टोटल देखने का रहता है. टोटल बोलो 2.01 करो. इसको देख के क्या क्लिक होता है? 25% 25 होता है तो एक बार हमको स्पेशल इनकम उड़ा के देखने का. स्पेशल इनकम उड़ाया तो क्या पता चला कि 2 करोड़ क्रॉस नहीं हुआ है. फिर एक बार वही एग्जांपल हो गया. टोटल पे 15 सेम हो गया. समझे क्या? नहीं इतना ही करना है. 25-37 आना है तो एक बार इसको उड़ा के देखना. ओके और उड़ाने के बाद अगर ये वाली फिगर, एक्चुअली यू ऑल आर नॉट फोकसिंग ऑन दिस फिगर. आपका पूरा ध्यान ना इस पे घूम रहा है. ये वाला फिगर अगर 2 करोड़ क्रॉस होगा ना तो बस यहां पे 25-37 लगेगा. यहां पे तो कभी नहीं लगेगा. यहां पे तो 50 नहीं रहने वाला है. और अगर इसने क्रॉस नहीं किया तो पूरे पे 15 रहेगा. बस दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके बट आई स्टिल अंडरस्टैंड दैट यू वॉन्ट टू गेट योर डाउट्स क्लियर. तो ये तो अच्छा ही आप पार्टिसिपेट कर रहे हो. आई वॉन्ट दैट ओनली. आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा है कि टेररिस्ट अटैक आएगा तो मैं कैसे सबको बचाएगा. मेरे को तो पार्टिसिपेशन ही चाहिए वैसे भी. यस प्लीज एनीबडी एल्स एनीथिंग. अगर समझ लीजिए कि आप जो ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो, अगर आप में से किसी को कोई टाइपिंग या कुछ कर रहे हो ना तो पहले ऐसे हैंड रेज या ऐसा कुछ करके बता दो. तो मेरे को पता है कि आई हैव टू वेट फॉर यू टू टाइप. या आप लोग ऑडियो पे बोल भी दोगे ना फटाफट बाद में वापस म्यूट हो जाओगे तो भी चलेगा. अगर डिस्टर्बेंस 1 सेकंड के लिए आया जब तक आप बोल रहे हो तो, ताकि आई नो दैट आई हैव टू वेट. नहीं तो मेरे को लगेगा कि सबका हो गया, मैं आगे जाऊंगा, बाद में आपका मैसेज आएगा वापस आई हैव टू गो बैक. तो आगे जाके वापस वो फ्लो डिस्टर्ब होएगा. तो जस्ट रेज योर हैंड. किसी का कुछ बाकी है? नहीं बाकी है तो बोल दो, हो गया. ओके तो हैव यू ऑल अंडरस्टूड व्हेन विल 25 अप्लाई, व्हेन विल 37 अप्लाई? तो सेम लो, नंबर लो. सेम तो एक एक रुपया भी हो सकता है. 0 सरचार्ज. 3 करोड़ 3 करोड़ दोनों सेम. एक का डबल हो गया, अनुराधा हो गया. इसको देख के 25 का आंसर आ रहा है तो इसको उड़ा के देखो. 37 आ रहा है तो इसको उड़ा के देखो. इज दिस क्रॉसिंग 2 करोड़? इट इज बिटवीन 2 एंड तो इसके टैक्स के ऊपर 25 आएगा और इसके ऊपर हमेशा 50. सी दिस हैज टू क्रॉस 3 करोड़ और 5 करोड़. 37 भी अप्लाई करने के लिए इसको 5 करोड़ क्रॉस करना पड़ेगा. आप समझे? मतलब इसको टोटल इनकम बना के आपको सरचार्ज डिसाइड करना है. इसका तो हमेशा 15 ही रहेगा. और अगर ये 2 करोड़ से नीचे है तो टोटल का 15 ही रहेगा. आप समझे क्या? दैट्स योर कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज. इसमें जो डिफिकल्ट वाला पार्ट था ना, ये वो वाला पार्ट है. मतलब आंटी फर्स्ट इंट्रोड्यूस 25-37 देन विथड्रू इट बट मार्जिनली. सबके लिए कंप्लीटली डिलीट नहीं किया, लेकिन हाई इनकम अर्निंग पीपल जो स्टॉक मार्केट्स में या इन्वेस्टमेंट से कमाते हैं उनका थोड़ा विड्रॉल कर दिया. एवरीवन इज क्लियर? एंड नाउ दैट द डिफिकल्ट पार्ट इज क्लियर, तब तो इजी वाला पार्ट में तो कोई टेंशन ही नहीं है. अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सरचार्ज देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ. किसी के घर में चार्टर्ड अकाउंटेंट है? फैमिली मेंबर, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, इमीडिएट फैमिली मेंबर, एनीवन? किसी के घर में सीए नहीं है? यू आर द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ योर फैमिली. उसका एक अलग स्वैग रहता है. और सबसे ज्यादा ट्रबल भी इनके लाइफ में ही होता है, क्योंकि जब अपने घर में कोई होता है ना सीनियर, अभी मेरे घर में आज इतने सारे बच्चे सीए कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ भी टेंशन होएगा तो ये है बैठा है. लेकिन जिसके घर में कोई नहीं होता है ना, वो हमेशा टेंशन में रहता है क्या करने का क्या नहीं करने का. हमारे जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स हमारे टाइम भी होता है. इंस्टीट्यूट तो हर 5-7 साल में, पहले 10-10 साल में करता था, अभी 5-5 साल में कोर्स तो चेंज करने वाला है. तो ओल्ड न्यू वॉज अ परपेचुअल थिंग. एंड उस टाइम पे देर वॉज नो वन टू टेल अस कि वो बेटर था, बेटर देन फॉलोइंग यूट्यूबर्स जो क्या खुद बोलते हैं समझ में नहीं आता है, तो खुद कंफ्यूज दूसरे को भी कंफ्यूज करते हैं. बट कंफ्यूजन था अभी किसको अप्रोच करने का. दूर दूर तक कोई सीए है ही नहीं. ओके
तो फिर वो हम मारवाड़ी लोग है ना, बड़ी बड़ी फैमिलीज का, वो मामा के साले के बेटे की सासू का फोफा का, ऐसा करके कोई एक निकलता था जिसने सीए किया है, उसको जाके पूछना पड़ता क्या करने का, क्योंकि अर्लियर दे यूज टू हैव पैरेलल अटेम्प्ट, ओल्ड न्यू साथ में चलाते थे कि जिसको ओल्ड में रहना है वो ओल्ड में कंप्लीट करो, जिसको न्यू में जाना है न्यू में। उन्होंने अभी वो सिस्टम खत्म कर दिया, एवरीवन हैज टू कंपलसरी ट्रांसफर, करेक्ट है कि नहीं? तो अगर आपके घर में कोई सीए नहीं है तो ये अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी, अगर होता तो अपॉर्चुनिटी मिलता, जाके आज पूछना ना मार्जिनल रिलीफ कैसे। देखो आई कुड हैव वेरी वेल सेड के ऑफिस में जाके पूछना, क्योंकि भले घर में नहीं है ऑफिस में तो है सीए, ऑफिस में जाके आज पूछना ना मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, लेकिन फिर क्या है कि तुम्हारा फॉर्म 108 अटक जाएगा, तो इतना होशियारी मार के कोई मतलब नहीं है कि उसको जाके। हाँ, इन ऑल योर इनोसेंस यू कैन, सर सर आपको पता है क्या वो मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, मुझे आज क्लास में उसने कुछ बोला था लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आया सर, आप प्लीज एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? चांसेस आर दैट 99 out of 100 क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मे नो दैट देर इज समथिंग कॉल्ड मार्जिनल रिलीफ बट नॉट नो द कैलकुलेशन, और लॉ में इसके बारे में जो वर्ड्स लिखे हैं ना वो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड, कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड, 25 बार समझोगे तो ऐसा लगेगा कि वो पजल होता है ना, वो सब कलर के ब्लॉक्स एक साथ, उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स इन्होंने यहाँ पे यूज किया। अपन इसको सिंपल भाषा में बात करता है बिकॉज एक्चुअली इट इज वेरी इजी अगर आपके पास लिटल कॉमन सेंस है, ऑल यू आर रिक्वायर्ड टू हैव इज लिटल कॉमन सेंस, आजकल वो भी कॉमन नहीं है, अनकॉमन हो गया है, थोड़ा भी होएगा ना तो आपका काम हो जाएगा। आप खाली एक एग्जाम्पल समझो, मैं आपको दो लोगों के बारे में बोल रहा हूं, एक असेसी ए है एक बी है। हाँ, ए ने कमाया एग्जैक्ट 1 करोड़ रुपए, व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ ए, और बी ने ना ए से 5,000 रुपया ज्यादा कमाया, 1 करोड़ और 5,000 रुपया कमाया। पहले 1 करोड़ और 5,000 लिख के दिखाओ तो बुक में, हाँ कैलकुलेटर में नहीं, बुक में विदाउट कैलकुलेट विदाउट कैंसलेशन। एक तो अपन गरीब, अपन ने इतना पैसा ही कभी नहीं देखा, और इतने पैसे में भी इतना ऑड फिगर तो कभी ही नहीं देखा। समर लाइक सर या तो 1 करोड़ बोलो या 2 करोड़ बोलो, ये 5,000-5,000 के लिए क्या यार, तुम मेरे से ले लेना। नहीं चलिए कोई बात नहीं, 1,000,000, 5,000,000। देखो इनकम ना कोई भी अमाउंट किसी की भी हो सकती है, कैन ए ऑन दिस एंड बी ऑन दिस, क्या ये इम्पॉसिबल है? नथिंग इज इम्पॉसिबल एक्सेप्ट पुटिंग द टूथपेस्ट बैक, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक क्वेश्चन में अभी आपसे पूछ रहा हूं, बहुत इजी आंसर देना पड़ेगा, हाउ मच हैज बी अर्नड मोर देन ए? अगर ये सेम क्वेश्चन में वर्ड्स बदल के भी पूछूं तो भी आपको आंसर देना पड़ेगा, व्हाट इज द डिफरेंस इन इनकम? 5,000। मतलब बी ने ए से कितना ज्यादा कमाया है? अरे मैं बोला वर्ड्स बदल के पूछा तो भी बोलने का है, बी हैज अर्नड हाउ मच मोर देन ए? 5,000। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस इन इनकम, दिस हैज टू बी स्टोर्ड समवेयर इन योर ब्रेन। अगर आप बी हो तो आपकी लाइफ में एडिशनल इनकम इज ओनली ₹5,000। चलिए ये तो समझ गए, अब दोनों का टैक्स कैलकुलेट करेंगे। स्टेप वन इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेसिक टैक्स, दोनों का करोगे। एंड जब तक बोला नहीं मतलब एज क्या लेना है आपको, अभी मैंने बता दिया, प्लीज कैलकुलेट फॉर बोथ ऑफ देम। आज ही करना है, बोलो। नहीं नहीं बेसिक टैक्स, बेसिक ही तो मांग रहा हूं, सरचार्ज तो एक्सप्लेन करना है ना, सरचार्ज का एक्सप्लेनेशन इज ओनली द थिंग दैट आई हैव टू टीच यू, आई एम आस्किंग यू टू डू बेसिक ओनली। 1 करोड़ पे लेट मी सी हाउ यू मस्ट हैव कैलकुलेटेड, पहले वाले का 90 लाख का 30%, 27 + 1 लाख 12,500 करेक्ट, सेकेंड वाले का 90 लाख एंड 5,000 का 30 होएगा +1 लाख 12,000। नाउ समवन विल पॉइंट आउट द डिफरेंस इन टैक्स फॉर्म, इनकम में डिफरेंस कितना था?
5. B has earned how much more than A? 5. अब आपको मुझे टैक्स का डिफरेंस देना है. What is the difference in टैक्स? 1500. अभी मैं आपको जादू दिखाएगा, जादू. आबड़ा कडाबड़ा गिली गिली कबूतर नहीं निकलने वाला मेरे हाथ में से, जादू खाली दिखा रहा हूं. बी ने जो 5000 एक्स्ट्रा कमाया है, वो स्लैब जो लगेगा 10 लाख के ऊपर वाला स्लैब है, तो व्हाट इज द रेट? 30. 5000 का 30%, वही आपका डिफरेंस इन टैक्स. द डिफरेंस इन टैक्स इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड एट 5000 का 30%, बिकॉज दैट इनकम इज टैक्सेबल एट 30. सो डिफरेंस इन इनकम 5000, डिफरेंस इन टैक्स 1500. Everyone is clearly understanding these numbers. At this stage, you ask yourself a question. देखो मैं सरचार्ज करा रहा हूं, एग्जाम्पल भी सरचार्ज का है, और मैं एड सरचार्ज करके नंबर्स लिख दू तो कोई महान काम नहीं है. मैं इधर स्टेप्स करवाने नहीं, दिमाग की प्रोसेस सेट करवाने आया हूं कि हर बार जब मैं बेसिक टैक्स करूं, अपने आप से एक सवाल मैं पूछेगा, क्या रिबेट सरचार्ज के नन होते? आई विल डू दिस एवरी टाइम. When you do it every time, you automatically develop the habit के exam में किसी भी sum में tax calculation आता है, मैं बिना rebate check किए आगे नहीं जाएगा, मैं बिना surcharge किए आगे नहीं जाएगा. Sum कुछ भी हो सकता है, process नहीं बदल सकता है. We are here for that. Rebate surcharge के none of them. Both will never be an option. Surcharge, चलिए, very good. ये भी हम समझ गए कि पहले वाले में सरचार्ज लगेगा 10. क्यों? ए, 1 करोड़ हो गया, 15 ना. ग्रेटर होता है तो 15, तो इधर 10 और इधर 15. देखो मेरा मैच कितना मस्त है, कितना फास्ट सॉल्व करता हूं मैं. समझ, पहले वाले का हो गया मेरा. ए, हंसने का नहीं, सच में मेरा मैच फास्ट है. लाओ दूसरे वाले का भी हो गया. एक बात बोलो, ये करते करते ही तो बाल काले से सफेद हुए. ये 25000 बार यही नंबर्स कर चुका हूं, मतलब 25000 लोगों के साथ में. यू हैव दिस नंबर्स. अब आएगा एक्सप्लेनेशन, व्हाट इज द डिफरेंस इन इनकम. फाइव. हाउ मच हैज बी अर्नड मोर देन ए? लेकिन उस 5000 की वजह से बी का जो टैक्स का डिफरेंस आ रहा था, ये तो बेसिक टैक्स का डिफरेंस था ना, अल्टीमेटली डिफरेंस कितना आ रहा है? 40 to 350. यस, बस कहीं ना कहीं यहीं पे कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है. कॉन्सेप्ट आ गया है, खाली समझने जितनी देर है. थिंक दैट यू आर बी. आपने ए से कितना ज्यादा कमाया? 5000. और आप ए से कितना ज्यादा टैक्स भर रहे हो विद सरचार्ज? ऑफ कोर्स 142 350. मतलब मार्जिनल इंक्रीज अगर हम देखेंगे कंपेयर टू दैट गाय, मैंने 5000 ज्यादा कमाया और मेरा 140 और मेरा अगर टैक्स बढ़ेगा, तो इससे बेटर है तो मैं 5000 रुपया कंसील नहीं कर दूं. मैं अगर 5000 रुपया छुपा देता हूं, नहीं डिक्लेयर करता हूं, तो मेरा टैक्स सेविंग 142000. और शैल आई पुट इट दिस वे, that for extra 5000 my tax liability is extra 142. मतलब अगर हम लोग परसेंटेज निकाले, परसेंटेज कैसे होता है, अगर टैक्स की रेट हम फाइंड आउट करने की बोले तो कहना इसे टैक्स अपॉन इनकम इनटू 100 को परसेंटेज बोलते हैं. मेरा टैक्स कितना बढ़ रहा है, कितने इनकम की वजह से? तुम अगर इसका परसेंटेज निकालेगा चक्कर आएगा तुमको, 2800% टैक्स. 5000 की इनकम पे 1.5 लाख का टैक्स. पता नहीं जी कौन सा नशा. असेसी बी बोला, साहब नशा करके माफ बात मत करो, मैंने ए से कितना एक्स्ट्रा अर्न किया है? 5000. चाहिए तो आप वो पूरा 5 ले लो. मेरा जो भी एक्स्ट्रा इनकम है वो पूरा आप रख लो. This is not funny. We took it seriously. He offered. क्या देखो सर, 5000 की वजह से 142 का tax is illogical. I have earned extra how much? 5. You keep that 5. Government बोली ठीक है दे दे. चल
गवर्नमेंट बोली तू 5 पूरा देने के लिए रेडी है, चल पूरा दे दे। ए का जो भी टैक्स था, बी का टैक्स, उससे मैक्सिमम 5,000 ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ए की इनकम और बी की इनकम में डिफरेंस कितना है, तो दिस डिफरेंस इन टैक्स कैन बी मैक्सिमम 5,000। आप बी से मैक्सिमम इतना ले सकते हो, सॉरी दिस इज 715, आप बी से मैक्सिमम 5,000 ज्यादा ले सकते हो। तो ए का तो ये टैक्स एज इट इज आ गया, बी का ये टैक्स जो आ रहा था इसको हमने कम कर दिया बिकॉज वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द डिफरेंस। अगर इनकम, बी ने यही ऑफर किया ना पूरा 5 आप ही ले लो, तो ठीक है तेरा जो भी अदरवाइज टैक्स आ रहा है, समझ ले तेरी इनकम 1 करोड़ होती तो तेरा क्या टैक्स आता, जो ए का आ रहा है वही प्लस तेरा एक्स्ट्रा इनकम कितना है वो पूरा तू दे दे, उसको पूरा टैक्स बना दे। दैट मीन्स वी वर इनिशियली गेटिंग दिस टैक्स बट वी हैव नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू दिस अमाउंट। तो क्या हमने यहां पर कुछ माइनस किया तभी तो यह रेस्ट्रिक्ट हुआ है? रुपीज में वो अमाउंट कितना है, रुपीज में माइनस किया वो अमाउंट 137। देवियों एंड सज्जनों, ये है आपका मार्जिनल रेट। किसी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर चाहू तो 2 घंटे का भाषण भी दे सकता हूं, एंड देन देर आर स्टिल चांसेस दैट यू डू नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल अल्फाबेट, और कभी कभी तो एक लाइन ही काफी होती है बनी। तो एक लाइन में छुपा हुआ कॉन्सेप्ट है, यू वॉन्ट टू राइट इट यर, यू वॉन्ट टू राइट इट यर, वेर एवर यू वॉन्ट टू राइट इट, द कॉन्सेप्ट इज दिस वन लाइन। आई विल रिपीट इट मल्टीपल टाइम्स इफ यू वॉन्ट। कॉन्सेप्ट एक लाइन का है, पहले पहली बार में दिमाग में बिठा लो, दूसरी बार में नोटबुक में बिठाना है तो खुद के वर्ड्स में भी बिठा सकते हो। द डिफरेंस इन टैक्स कैनॉट एक्सीड द डिफरेंस इन इनकम। और मैं कितना ही लंबा भाषण दे दू, इस लाइन से ज्यादा कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। मैं बोला ना कभी कभी तो एक लाइन ही काफी होती है। तुमको बनी जमता है कि सेनो रिटर्न, तुमको जो जमे वो ले लो। कभी कभी एक लाइन ही काफी होती है, एंड द लाइन इज द डिफरेंस इन टैक्स कैनॉट एक्सीड द डिफरेंस इन इनकम। द डिफरेंस इन टैक्स कैनॉट एक्सीड द डिफरेंस इन इनकम। इनकम कितना बड़ा तो टैक्स का डिफरेंस 5,000 से ज्यादा नहीं। वो लोग एक्ट में कुछ ऐसा लिखते, द एडिशनल टैक्स कैनॉट एक्सीड द अमाउंट बाय विच द इनकम हैज एक्सीडेड द अमाउंट विच इज अट्रैक्टिंग सरचार्ज। क्या वो लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। वन डे व्हेन आई बिकम द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वेरी सून, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, टॉक्स आर गोइंग ऑन, यू कैन हैव द अनाउंसमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इट इज पॉसिबल दैट इन योर ऑन गोइंग बैच द अनाउंसमेंट कम्स, आई अश्योर यू दैट आई विल स्टिल कंप्लीट द बैच। एंड ऐसा कोई लॉ नहीं है दैट एनी पर्सन हु इज वर्किंग इन पब्लिक लाइफ इज नॉट अलाउड टू परस्यू हिज और हर प्रोफेशन, तो आई विल कंटिन्यू टू टीच टैक्स इवन आफ्टर बिकमिंग फाइनेंस मिनिस्टर, इनफैक्ट देन द होल कंट्री विल लर्न फ्रॉम। यानी अभी भी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कंट्री वाइड आर लर्निंग फ्रॉम मी ओनली, बट देन फिर वो 100% हो जाएगा जब फाइनेंस मिनिस्टर खुद टैक्स सिखा रहा है तो किसी और से। मैं तो क्या बोलता, मैंने किसी दिन जाके रॉन्ग सेक्शन पढ़ा दिया, कुछ नहीं अगले दिन चेंज कर दूंगा। मैं शिवगामी देवी, मेरा ही वचन शासन है ना, मैं कुछ भी कर सकता हूं, समझा ना। तो आई विल सिंप्लीफाई द इनकम टैक्स लॉ। आज क्वेश्चन ये है, आपको क्या लगता है इनकम टैक्स क्या होना चाहिए, इजी के डिफिकल्ट? ऑफ कोर्स डिफिकल्ट, नहीं तो तुमको इजी काम करने का पैसा कौन देगा ब्रो। दैट पॉसिबली द ओनली गुड थिंग दैट आंटी इंटेंड्स टू डू, दैट मेक इनकम टैक्स लॉ इतना डिफिकल्ट दैट शी हरसेल्फ डज नॉट अंडरस्टैंड। हर वो पूरा जो IAS ऑफिसर्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री है दे डोंट अंडरस्टैंड, दैट मींस पब्लिक और प्रोफेशनल्स विल नेवर अंडरस्टैंड, देयर विल ऑलवेज बी स्कोप ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन, ए विल टेक ओपिनियन ए, बी विल टेक ओपिनियन बी, देयर विल बी लिटिगेशन, एंड दिस इज गोइंग टू गिव इमेंस बूस्ट टू CA प्रैक्टिस। CA प्रैक्टिस
आज लोग प्रीफर नहीं करते आज के बच्चे, बट उससे बेटर तो कोई फील्ड ही नहीं है परस्यू करने का। एक तो सारी जिंदगी आप सेट, जो क्लाइंट के लिए आप काम करते हो वो आपसे हाथ जोड़ के बात करेगा, बस स्टार्टिंग का जेस्टेशन बहुत कम है। वो अश्नीर ग्रोवर बोलता है ना कि वो एक तारीख को पगार आने का नशा एक अलग लेवल का ही नशा है। उस नशे में अगर आप पड़ गए तो आप कभी एंटरप्रेन्योरशिप में जा ही नहीं पाओगे। स्टार्टिंग के कुछ साल अगर आप नुकसान करके सीए की फॉर्म चला लेते हो तो आपके लिए लाइफ टाइम इनकम प्लस आप लाइफ टाइम बॉस। और प्रैक्टिस दो टाइप का होता है, कंप्लायंस एंड लिटिगेशन। कंप्लायंस प्रैक्टिस करने के लिए तो आजकल इतनी वेबसाइट्स और वो आ गई है, डॉक्टर का काम कंपाउंडर करने वाली, क्या क्या क्लियर टैक्स ने वो सब आते हैं। वो लोग आपका एड भी आता है, यूट्यूब एड्स में आता है, मैं तुम्हारा रिटर्न फाइल करके देगा ब्ला 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 ब्ला। नोटिस आएगा ना, उसके बाद लिटिगेशन प्रैक्टिस हम करेंगे, केस जाके हम लड़ेंगे। और पहले तो हमको जाना पड़ता था, वी हैड टू बी गुड ओरेटर्स। यू नो यू मे ऑलवेज बी थिंकिंग आई एम नॉट अ गुड ओरेटर। कंप्लायंस प्रैक्टिस में उतना पैसा नहीं है, कोई भी रिटर्न फाइल करने का ऑडिट करने का ज्यादा पैसा नहीं देता। पैसा किसका मिलता है, जब आप जबरदस्त केस लड़के आए, अपने क्लाइंट को जीता के आए, तो क्लाइंट दूसरों को बोलेगा यार मेरा केस इसने जीता है, तेरा केस भी लेके जा। दैट माउथ रेफरल एंड दैट पब्लिसिटी इज ऑसम। और पहले लोग नहीं करते थे क्योंकि लोगों को लगता था कि यार आई एम वेरी इंटेलिजेंट लेकिन मेरे को इतना अच्छा बोलना नहीं आता। एवरी प्रोफेशनल इज नॉट अ गुड ओरेटर। तो यार आर्ग्यूमेंट करने के टाइम पे सम आर नॉट गुड इन आर्ग्यूइंग, सम आर एक्सीलेंट बट सम आर नॉट गुड। तो इसलिए आई थिंक कंप्लायंस प्रैक्टिस में पैसा नहीं मिलेगा, लिटिगेशन में मेरा क्वालिटी नहीं है तो मेरे लिए प्रैक्टिस नहीं है। नाउ यू डोंट हैव टू बी अ गुड ओरेटर, यू हैव टू बी अ गुड राइटर। और उसमें भी अगर आप बॉस है, आप फर्म चला रहे हैं ना, तो यू विल ऑलवेज गेट एम्प्लॉइज आर्टिकल। जो आपके नीचे जो लोग अच्छा लिखते हैं वो आप उनको टेस्ट लेके ही उनको आप आर्टिकलशिप में यार जॉब में रखो ना, उनसे लिखवाना, आपको खाली चेक करना है। और आजकल तो इतना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस लेवल पे पहुंच गया, आप स्पेल चेक, ग्रामर चेक सब कुछ आप करके उसके बाद में आप उसको रिप्लाई को फर्निश करो ना, कहीं जाना थोड़ी ऑफिस में बैठ के करना है। इट इज एन एक्सीलेंट एरिया आई एम टेलिंग यू इफ यू चूज टू डू सीए प्रैक्टिस। और आपके उस कंप्लायंस नहीं उस लिटिगेशन वाली प्रैक्टिस को बूस्ट मिल रहा है बाय आंटी, जो आंटी का बेसिकली लाइफ का एक ही फिलोसॉफी है, लॉ ऐसा बनाओ कि चार लोग पूछे क्या लिखा है। ये मस्त है, इसका रील बनाऊंगा अभी। मैं कभी भी ऐसे नेचुरली कोई बात निकल जाती है तो उसका रील ही बना देता हूं। क्या बोला आंटी ने, लॉ ऐसा बनाओ कि चार लोग पूछे क्या लिखा है। लॉ ऐसा बनाओ कि चार क्या, 400 लोग को समझ में नहीं आए। अगर आप ऑब्जर्व करोगे रिसेंट पास्ट में, बिकॉज यू आर फाइनल स्टूडेंट्स, आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस विद यू, आप ऑफिस में जाके काम कर रहे हो, टैक्सेस हैव बिकम IFOS फॉर अवर गवर्नमेंट। पेनल्टी एंड लेट फीस इज PGBP। बहुत डीप है, बहुत गहरा स्टेटमेंट है, बहुत मंथन करना पड़ेगा इसके बारे में। टैक्सेस आर नाउ IFOS, पेनल्टी और फीस हमारी गवर्नमेंट का PGBP हो गया। मालूम है ना, पोर्टल ऐसे बनाओ कि किसी का चक्कर, चार पोर्टल ऐसे बनाओ कि चले ही नहीं। GST पोर्टल बना उस दिन से नहीं चला, सो इज दी MCA का पोर्टल, लेकिन इनकम टैक्स efiling.india.gov.in करके जो वेबसाइट थी क्या चलती थी, उसके जैसा कोई वेबसाइट ही नहीं था। तो सबने बोला गवर्नमेंट को कि GST का पोर्टल और MCA का पोर्टल इनकम टैक्स जैसा बनाओ, कितना मस्त चलता है। गवर्नमेंट ने बनाया, सेम किया, इनकम टैक्स वाले को वैसा बनाया। इन्फोसिस की जय हो, वी ऑल नो दिस, बिकॉज ये ऑल दिस डिस्कशन ना ये फाइनल वालों के साथ करने में मजा आता है। इंटर वालों को बोलता हूँ, सुनो तुम दिमाग मत चलाओ, तुम्हारे पास है भी नहीं, तुम इधर क्लास में जो मैं बोलता हूँ चुपचाप आओ, चार सम करो, तुम तुम्हारे घर में मेरे घर, ओके। एंड इंटर इज मोर अबाउट एंटरटेनमेंट, फाइनल में भी एंटरटेनमेंट का कोई कमी नहीं रहने वाला इन द नेक्स्ट 2.5-3 मंथ्स में, मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन इंटर इज मेजरली अबाउट मेकिंग देम हैप्पी एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर एग्जाम, नॉलेज इज अ सेकेंडरी मैटर, जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे दे देते हैं। फाइनल में इट इज अबाउट लाइफ को फेस करने के लिए हमारे हमारे ब्रेन में वो वाले लेसन हमारे साथ है क्या नहीं। बुक नॉलेज तो कहीं से भी मिल जाएगी, आप फाइनल वाले हो इतने इंटेलिजेंट हो, पढ़ के भी देख लोगे, समझ लोगे, इंग्लिश ही तो लिखा है। और आजकल तो इंटरनेट इतना एडवांस हो गया है कि मान लो जो इंग्लिश में लिखा है उसमें भी तुमको कुछ दिक्कत आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं, गूगल ट्रांसलेट में मोबाइल में हो जाता है एंड इन एनी लैंग्वेज। तो एक लाइन लिखा है बुक में समझ में नहीं आया, तुम उसको मराठी में, गुजराती में, किसी में भी ट्रांसलेट कर सकता है, तुम खुद से पढ़ के समझ सकते हो। सो देर आर सम lessons विच द बुक कैन नॉट गिव यू, एंड दैट इज द रीजन क्लास में आना बहुत बहुत जरूरी है। तो आंटी ऐसा कॉम्प्लिकेशन डाल रही है ना लॉ में, सीए की प्रैक्टिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी ल्यूक्रेटिव एरिया इन द फ्यूचर।
ओके तो आंटी कितना भी गंदा वर्ड्स डाल के लॉ बनाए, हम सरल भाषा में समझे, एक ही लाइन का कॉन्सेप्ट है, द डिफरेंस इन टैक्स कैनॉट एक्सीड द डिफरेंस इन इनकम. अगर इनकम का डिफरेंस 5,000 है तो टैक्स का डिफरेंस मैक्सिमम उतना ही हो सकता है, ज्यादा है तो निकाल दो, और जो आपने निकाला वो अमाउंट को बोलेंगे मार्जिनल रिलीफ. दैट्स योर देवियों एंड सज्जनों कॉन्सेप्ट. सेकंड कॉन्सेप्ट इन टैक्स कैलकुलेशन कॉल्ड सरचार्ज. पहला कॉन्सेप्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस रिबेट. तीन कंडीशन, रेसिडेंट इंडिविजुअल इनकम अप टू 5 लाख, एक्चुअल टैक्स और 12,500 पीछे वरीज. सेकंड कॉन्सेप्ट सरचार्ज, सब पे लगेगा, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल और अदर्स. अदर्स की रेट्स बाद में करेंगे, अभी इंडिविजुअल का रेट चल रहा है 10, 15, 25, 37, सब जगह में ग्रेटर देन है, इक्वल टू में प्रीवियस लेवल वाला लगेगा. ऑन बेसिक टैक्स अगर 5 स्पेशल इनकम की वजह से 2 करोड़ क्रॉस कर रहे हो तो 15 ही लगेगा, 25, 37 नॉट एप्लीकेबल. और अगर अदर इनकम ने क्रॉस किया तो उस पर लगेगा 25, 37 उसके टैक्स पे, लेकिन 5 इनकम्स के टैक्स पे नहीं लगेगा. Is that understood? 5 special incomes are short term stock market, long term stock market, other long term dividend and FII capital. Correct hai mitro? Chaliye. Thereafter, what do we have? Marginal relief ka concept. Ek hi line ka difference in tax will not exceed the difference in income. Is that clear? Isi ke saath hum aate hai on the third and the last concept after basic tax. So, hum basic tax slab se karenge subject to special rates. जो भी हमको बेसिक टैक्स मिला उसमें या तो रिबेट होगा या सरचार्ज होगा या दोनों में से कोई भी नहीं होगा. दोनों नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, रिबेट सरचार्ज नन ऑफ देम. दैट्स द कांस्टेंट ऑप्शन वी आर गिविंग ईच अदर. लास्ट कॉन्सेप्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस. आप लोग का IDT ऑलमोस्ट हो गया है ना, आप लोग का IDT, आप लोग का IDT नहीं हुआ, बोला छोड़ना, जब करना होगा तब कर लेंगे, क्या है लाइफ में, रिलैक्स करके काम करने का, आराम आराम से, नॉट अ प्रॉब्लम. तो क्योंकि क्या है कि IDT हो गया होता है तो ऐसा, यू नो, यू माइट हैव हैड अ फर्स्ट हैंड एनकाउंटर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड सेस. हमारी गवर्नमेंट देती है फ्री हेल्थ एंड मेडिकल फैसिलिटीज. देखो तुम फ्री हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज तुम अवेल करो नहीं करो अलग बात है. तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएगा 4 बीमारी लेके आएगा घर पे. तुम गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज में तुम, देर आर प्रोबेबिलिटी ये है कि आप शायद पढ़ाई नहीं होएगा, नहीं जाएगा. गवर्नमेंट बोलती है तुम लो के मत लो, हम देता है फ्री एजुकेशन टिल द एज ऑफ 14 फॉर एनीथिंग यू वांट टू डू इन लाइफ. पैशन बाद में, पैसा पहले चाहिए. पैसा कम्स बिफोर पैशन. कहां से आएगा? आप देगा. एवरी टैक्स पेयर हु इज लायबल टू पे टैक्स will pay an extra amount to the government called HEC. Rebate में condition है, 3 condition, resident individual income up to 5 lakh. Surcharge में condition है, भले एक ही है लेकिन income has to exceed 50 lakh. HEC सबको आएगा. HEC में कोई condition ही नहीं है. Every time I ask you when will HEC come, एक ही answer है always. अमीर को भी आएगा, गरीब को भी आएगा, rebate वाले को आएगा, surcharge वाले को आएगा, सबको आएगा. मतलब ये तो easy हो गया, कुछ याद ही नहीं रखना है, हमेशा आएगा. दूसरी इसी बात, हमेशा एक ही रेट है पूरे लॉ में स्टार्ट टू एंड. अनलाइक बेसिक रेट्स जो ओल्ड में न्यू में अलग है, नॉर्मल स्पेशल अलग है, कंपनी इंडिविजुअल अलग है. अनलाइक सरचार्ज जो इंडिविजुअल के 4 रेट है, दूसरे एसएससीज के और अलग 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 रेट है, कंपनी फॉर्म के 1 करोड़ के बाद आते अलग रेट है. HEC फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज टू द लास्ट स्टेज इन द एंटायर इनकम टैक्स लॉ HEC का एक ही रेट है 4%. Don't go and tell this to auntie. Otherwise, मैं जितना उनको अब तक समझाऊं, I'm least interested in understanding her, but जितना अभी तक I have understood her, she might bring this. अगर इनकम 4 लाख तक है तो 4%, 8 लाख तक है तो 5%, 12 लाख तक है तो 6%. उसमें इंडिविजुअल का कॉन्स्टेंट 5 रहेगा लेकिन कंपनी का 8-9% हो जाएगा. फर्म को थोड़ा सा कम कर देंगे, फर्म के न्यू रेजिम में ज्यादा कर देंगे. वो कुछ भी कर सकती है, वो आंटी है, वो कुछ भी कर सकती है. ओके, तो प्रोबेबली दिस इज द ओनली थिंग जहां पे अब तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है. आप समझा क्या? न्यू रेजिम में भी नहीं है और आंटी ने जो इस साल तो भारी वाले अमेंडमेंट्स किए. पहले तक तो क्या था, न्यू रेजिम के खाली बेसिक रेट्स अलग हुआ करते थे. फिर मैं बोल देता था रिबेट सरचार्ज सेस ऑल 3 आर सेम. तो जो रिबेट यहां है वही न्यू में भी था,
जो सरचार्ज गया है वो इन यू में भी था और जो सेस गया है वो, मतलब सेस वहां पे भी सेम था, रिबेट सरचार्ज भी सेम था। इस साल शी हैज अमेंडेड न्यू रेजिम का रिबेट एंड सरचार्ज, इधर 5 लाख है उधर 7 लाख कर दिया। सरचार्ज सेम था लेकिन उन्होंने बोला न्यू रेजिम वालों को 37% वाला सरचार्ज नहीं लगेगा। तो इन शॉर्ट रिबेट सेम सरचार्ज सेम तो नहीं लिख सकते, न्यू रेजिम में अलग से लिखना पड़ेगा। बट इवन नाउ HEC सेम है, हो सकता है आंटिकल को बोल दे के न्यू रेजिम में जाओगे तो 1% HEC। शी वॉन्ट्स टू एनकरेज दैट नो, गोइंग बाई हर इंटेंशन शी इज मेकिंग द न्यू रेजिम डे बाई डे मोर एंड मोर अट्रैक्टिव, खाली लोगों को पागल बनाने के लिए। क्योंकि आप नंबर्स के साथ खेलोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना भी वो कुछ भी बोल दे, जो भी बोल रही है ड्रामा है। न्यू रेजिम इज नॉट गोइंग टू हैव एनी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन योर टैक्स सेविंग्स, बस खाली इतना है कि लॉ में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस न्यू रेजिम में उठ जाएंगे, दैट्स द ओनली वैल्यू एडिशन। ओके, सो HEC कब आएगा? ऑलवेज। कितना आएगा? किस पे आएगा? किस पे आएगा? लेट अस बी क्लियर, वी स्टार्ट विथ, इसके बिना तो जिंदगी में कुछ नहीं। स्टेप वन इज ऑलवेज गोइंग टू बी, इस स्टेज पे हम अपने आप को पूछते हैं रिबेट सरचार्ज होना, पहला स्टेप तो हमेशा यही, माइनस बेसिक में से माइनस होता है, बट ऑफकोर्स वी डू मेंशन दैट इफ, क्योंकि सबको नहीं होता। देन कभी कभी ऐसा भी होगा बेसिक में सरचार्ज विथ मार्जिनल रिलीफ ऑफकोर्स, और उसमें भी मैंने ब्रैकेट में इफ लिखा है, क्योंकि सरचार्ज भी हमेशा नहीं होएगा, और इन दोनों के बीच में वापस मैं ये भी लिखूंगा, ये दोनों कभी साथ में नहीं आएगा। तो व्हाट आर योर पॉसिबिलिटीज? ओनली बेसिक जो 5 और 50 के बीच में है, बेसिक माइनस रिबेट जो अप टू 5 लाख है, बेसिक प्लस सरचार्ज विद मार्जिनल रिलीफ जो 50 लाख से ज्यादा है। फिनिश ऑल दोज स्टेप्स, इस स्टेप के पहले टैक्स कैलकुलेशन में जितने स्टेप है कंप्लीट ऑल ऑफ देम। द सेकेंड लास्ट अमाउंट ऑफ टैक्स, द पेनल्टीमेट अमाउंट, इस स्टेप में घुसने के पहले आपका टैक्स अमाउंट क्या आ रहा था? उसका 4%। अगर आपका टैक्स 100 आ रहा है तो 104, 200 आ रहा है, 208, 300 आ रहा है, 312। फॉर एवरी रुपी ऑफ टैक्स 4% एक्स्ट्रा, फॉर एवरी 100 रुपीज 4 रुपीज एक्स्ट्रा, बट ऑन वॉट अमाउंट? आफ्टर डूइंग एवरीथिंग बिफोर HEC। आप समझे? When we say everything, it means basic surcharge, rebate। कोई कोई इतने बड़े लेवल के इंटॉक्सिकेंट्स कंज्यूम करते हैं, वो बेसिक टैक्स में बताता हूं क्या, वो बेसिक टैक्स कैलकुलेट करता है। 5 लाख का बेसिक टैक्स है, नॉट इनकम, 5 लाख, बहुत बड़े लेवल का आदमी है, 5 लाख का बेसिक टैक्स है। उस आदमी का 6 लाख का TDS कटा था पूरे साल में, तो पहले वो लोग TDS माइनस करते हैं, फिर उनको 1 लाख का रिफंड मिलता है, फिर वो रिफंड पे सेस ऐड करते हैं। पागल जैसा बात नहीं करते। टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ TDS, TCS, एडवांस टैक्स आर प्रीपेड टैक्सेस, आपने गवर्नमेंट को पहले दे दिया, तो आपने एडवांस टैक्स भरा है या आपके सोर्स पे डिडक्ट हुआ, एंड यू आर गोइंग टू गेट क्रेडिट ऑफ ऑल ऑफ देम, आई डू नॉट डिनाई द फैक्ट, बट व्हेन? Against your final tax liability. How do you compute your liability? Basic tax, rebate, surcharge, वो सब करके उस amount पे सेस will give you your tax liability. Please mark my words. Supposingly, मेरा 10,000 रुपये का tax है, basic, rebate, surcharge सब कर लिया, उसमें मैंने सेस ऐड किया तो 400 रुपया और हो गया, तो what is my tax liability? 10,400. Now I will go and check my prepaid taxes. Advance tax कितना है, TDS कितना है, समझ लो 10,000 है, तो एडजस्ट किया तो 400 रुपया इज टैक्स पेएबल। तो मार्क द वर्ड्स, 10,400 इज टैक्स लायबिलिटी एंड 400 इज पेएबल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 10,000 एडवांस में भर दिया। समझ लीजिए कि टैक्स एडवांस टैक्स या TDS 11,000 होता, स्टिल 10,400 लायबिलिटी, 600 रुपया रिफंड। लायबिलिटी ऐसे होएगा और प्रीपेड टैक्सेस एडजस्ट करके जो बनता है That can be payable or refundable. But this is my tax liability. This is my obligation towards the government during this year. इसमें जो मैंने पहले से भर दिया है वो एडजस्ट करके final amount can be receivable or payable. You understand the difference between tax liability and tax payable? It's not as easy as you think it is.
सीए इंटर की आरटीपी अभी मई 23 अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन आया इंटर ने, फाइनल का ही आरटीपी था, एक क्वेश्चन आया और उसके अंदर टीडीएस का एक अमाउंट था, मतलब आप अगर किसी को वर्चुअल डिजिटल एसेट, भारी लगता है नाम, क्रिप्टो करेंसी सेल करते हो ना, तो बायर विल डिडक्ट टीडीएस ऑफ द सेलर, ठीक है। क्वेश्चन पूरा स्टोरी दिया, पूरा केस स्टडी बेस्ड, फिर उसके नीचे 5 MCQ पूछा। पहले वाले में पूछा व्हाट इज द टीडीएस, जो हमको सिंपली लिखना है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट में इतना टीडीएस इंट्रोड्यूस हुआ है, बहुत इजी था। फिर आगे कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी, क्योंकि अदर देन दैट दूसरा भी इनकम दिया, ओके। फिर कंप्यूट द टैक्स पेएबल, अब टोटल इनकम हमने प्रीवियस वाले में किया, टैक्स करना है, क्वेश्चन ने यह भी स्पेसिफाई कर दिया ओल्ड रेजिम के न्यू रेजिम, रेट्स आपने लगाया, रेट्स लगा के आपको आंसर मिला, 5 बार चेक किया आंसर मैच ही नहीं हो रहा है, 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 आपको लग रहा है कि मेरा क्या स्टेप रॉन्ग है। फिर कोई कोई बच्चा बोलता है सर लगता है कि प्रिंटेड आंसर में गलती है आरटीपी में, आप टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो, योर अमाउंट इज नॉट मैचिंग, लेकिन आपका जो टैक्स आया उसमें से पहले वाले आंसर में जो टीडीएस आया था ना वो माइनस करके जो अमाउंट है ना, दैट वॉज मैचिंग विद द राइट आंसर, क्योंकि द क्वेश्चन वॉज फाइंड आउट द टैक्स पेएबल नॉट द लायबिलिटी, पेएबल वर्ड यूज किया, समझ रहे हो। इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे और कहां से कौन सी बात कहां पे लेके चला जाता है। एक्सट्रीम लेवल ऑफ अलर्टनेस इज रिक्वायर्ड इन एग्जाम, ड्राइविंग से ज्यादा अलर्टनेस एग्जाम में चाहिए, यू आर ड्राइविंग योर लाइफ एट दैट टाइम बाय द वे। एंड हियर कम्स अनदर प्रॉब्लम ऑफ सीए स्टूडेंट्स, वो लोग जो आज नहीं पढ़ते, बोला छोड़ना यार सुबह क्लास, दिन भर ऑफिस, मैं शाम को बहुत थक के घर, मैं भी थक के जाता है, मैं आपका सुबह 7 बजे से लेक्चर चालू किया, 4 बजे तक इंटर का चलता है, घर पहुंचते पहुंचते 5:30 बजता है, आई हैव लेफ्ट माई होम एट 5:45 इन द मॉर्निंग एंड आई रीच अगेन होम एट 5:30 इन द इवनिंग एंड मोस्ट पार्ट ऑफ द डे आई एम स्टैंडिंग ओनली। इनफैक्ट आई हैव बीन एडवाइज्ड, क्योंकि मेरे को हील का जो एक बोन होता है उसका साइज बढ़ रहा है, तो हील में स्वेलिंग है एंड फॉर अभी तो वो एक हील पैड करके वो आता है शूज में डालने का, वो डाल दिया। डॉक्टर्स हैव सेड के इतना घंटा मत खड़े रहे, यू शुड अंडर गो सर्जरी, लेकिन इतना घंटा मत खड़े, तो थोड़ा रिलैक्सिंग, फुल डे यू डोंट स्टैंड, अदरवाइज योर पेन विल बी अनबेरेबल, जो होता है बाई द एंड ऑफ द डे। बट इवन देन इफ आई हैव टू कम्प्लीट माई बुक्स, आई हैव टू कम्प्लीट माई बुक्स, आई कैन नॉट वेट के कल से पक्का करेंगे, कल से पक्का करेंगे, ओके। तो आपका अगर ये हैबिट है ना कि आज आप कुछ नहीं कर रहे हो और बाद में जब एग्जाम आया, स्पेशली दैट गुज्जू ब्रेन हूँ खेची लईस, बाद में एग्जाम आएगा उस टाइम पे आप 16-16 घंटा पढ़ेगा, सर मैं लास्ट में तो बस मैंने सोच के रखा है लास्ट की 3 एग्जाम में तो मैं 3 ही घंटा सोएगा टोटल मिला के, दैट इज द डेंजर यू आर इनवाइटिंग। क्योंकि यही बच्चे एग्जाम हॉल के बाहर आके बोलते हैं यार ये तो मेरे को आता था, मैं तो एकदम ब्लैंक हो गया, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आया, उस टाइम पे पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, लेकिन बाहर आया तो पता चला सब आता है। Is because you have pushed your body beyond its limits. Human body requires a minimum number of hours of rest and sleep. आप उसको अगर लिमिट से ज्यादा पुश करोगे तो वो ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा। इसका एक ही सोल्यूशन है, आज से तैयारी करो। प्लानिंग हैज टू बी परफेक्ट एंड देन एग्जीक्यूट इट ऑल्सो। खाली रोज एक्सेल शीट में कल ये चैप्टर, कल ये चैप्टर, कल ये चैप्टर, फिर नेक्स्ट डे मॉडिफाई दी एक्सेल शीट, क्योंकि किया तो है ही नहीं। खाली वो बनाते रहने से काम नहीं होगा, जो एक्सेल में आप बना रहे हो उसको इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। प्लीज मेक श्योर यू स्टडी ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो ही आपका काम होगा। एवरी वन इज क्लियर? सो HEC अक्रॉस द लॉ इज कॉन्स्टेंट, बट यहां पे आपको आपकी लायबिलिटी मिलेगी, इसके बाद हम TDS TCS एडजस्ट करते हैं, अगर है तो एडवांस टैक्स, प्रीपेड टैक्सेस बोलते हैं, बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी पेड टू द गवर्नमेंट, ये भरना है वो भर दिया है, तो उसको एडजस्ट करके वी कैन गेट अवर पेएबल और रिफंडेबल। एवरी वन क्लियर? कॉन्ग्रेचुलेशंस, दैट वॉज द थर्ड एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। सो नाउ वी नो बेसिक टैक्स विच कैन बी नॉर्मल और स्पेशल, फिर वी ऑल्सो नो रिबेट, सरचार्ज, सेस, टैक्स कैलकुलेशन खत्म, इंट्रोडक्शन का चैप्टर खत्म, हाश नाश। क्यों? कि न्यू रेजिम तो स्टार्ट ही नहीं हुआ है, ओल्ड में अभी इंडिविजुअल हुआ है, अब मैं करूंगा 2। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है सर, यह कौन सी लिस्ट का 2, यह कौन सा 2 है? सबसे पहले वो था,
सेकेंड असेसी इन ओल्ड रेजिम. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ. ओल्ड रेजिम सेकेंड असेसी, समझा ना? चलिए, सेकेंड असेसी में वी विल टेक एच यू एफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. साथ ही साथ वी विल ऑल्सो मर्ज AOPBOI, Association of Person and Body of Individual. एंड साथ में AJP, Artificial Juridical Person. HUF, AOPBOI, Artificial Juridical Person. अभी देखो यार, खाली इंडिविजुअल इंडिविजुअल का ओल्ड रेजिम करते करते ऑलमोस्ट सेकेंड लेक्चर कंप्लीट हो गया. तो ओल्ड कब खत्म होएगा, फिर न्यू कब होएगा, और अब तो हम लोग कंपनी और फर्म के टैक्स रेट्स भी इधर ही करने वाले हैं, तो कितना टाइम जाएगा? तो फटाफट पोर्शन भगा भगा के कंप्लीट भी तो करना पड़ेगा ना, भगा भगा के आपको उल्लू बना के, ताकि फटाफट खत्म हो जाए, मैं फ्री हो जाऊं. इसलिए तीनों मर्ज कर रहा हूं. यस और नो? हाँ हाँ, नहीं नहीं, पोर्शन भगाने के लिए मर्ज नहीं कर रहा हूं. मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं. आई हैव गिवन यू एंड डेट ऑफ 23 सितंबर 23 का 26 होएगा ना, तो आप उतना गुस्सा होएगा थोड़ा सा, आपकी प्लानिंग अगर एक दो दिन ऊपर नीचे होती है तो, लेकिन उतना गुस्सा नहीं होएगा जितना आपको गुस्सा तब आएगा अगर मैं क्वालिटी बिगाड़ के करेगा. एंड आई एम नॉट आस्किंग फॉर योर अप्रूवल कि थोड़ा फास्ट करके, क्वालिटी कम करके थोड़ा फास्ट कर दे क्या, जल्दी फ्री हो जाएंगे. मैं परमिशन मांग नहीं रहा हूं. बोला सर नहीं नहीं क्वालिटी खराब होएगा, थोड़ा फास्ट कर दो. मैंने पूछा किसने, मैं खाली बता रहा हूं कि ये तीनों सेम है, एंड वी आर मर्जिंग देम बिकॉज दे आर सेम. तो यू टेक इट एज गुड न्यूज कि एक करने में इतना टाइम चला गया और तीन अब इतना फटाफट हो जाएगा. और अगर लाइफ में और गुड न्यूज चाहिए, एग्जैक्टली एंड एब्सोल्यूटली सेम एज वन ए. मतलब क्या? फर्स्ट 2,50,000 नो टैक्स, देन 250 to 5 lakh 5, 5 to 10 20, एंड मोर देन 10 30. एग्जैक्टली सेम एज वन, सेम स्लैब्स जो कैटेगरी ए के इंडिविजुअल को मिलता है. इनफैक्ट मैं अगर इधर आऊ एक बार रोमन वन में, और इधर ही आके मैं, जैसे मैंने नॉन रेसिडेंट एनी एज लिखा था ना, वैसे मैं HUF, AOPBOI और HAP लिख दो, इधर ही खत्म हो जाएगा. आप समझा क्या मित्रों? तो एग्जैक्टली सेम एज वन है, करेक्ट. लेकिन ऑफकोर्स अगर कोई भी चैप्टर 12 का रेट्स है तो वो इनको भी लगेगा, मतलब इनके लिए भी वी हैव टू डू द सेम थिंग्स. एग्रीगेट नॉर्मल इनकम नॉर्मल रेट, स्पेशल इनकम स्पेशल रेट, दैट विल गिव अस बेसिक टैक्स. मित्रों वो बेसिक टैक्स रहेगा. बेसिक टैक्स के बाद में स्टेप नंबर वन, मैं बोलू क्या आप बोलोगे? क्यों? बिकॉज रिबेट इज एप्लीकेबल ओनली टू इंडिविजुअल. वेरी गुड. स्टेप नंबर टू, सरचार्ज. सरचार्ज क्या था इंडिविजुअल? पहली बात तो सबको आता है सरचार्ज, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. सेम मतलब वही 10, 15, 25, 37 नॉट एप्लीकेबल, 5 स्पेशल इनकम वाला केस. सेम पूरा पूरा. लेकिन लास्ट ईयर एक अमेंडमेंट आया था आंटी ने, लास्ट ईयर, दिस इज वन ईयर ओल्ड. ओके, आंटी बोली अगर एक AOP में ओनली कॉर्पोरेट मेंबर्स है, If AOP has only corporate members, who are the members of this AOP? Only companies. तो फिर maximum surcharge 15% रहे. Means in other words, 25% and 37% surcharge will not apply to an AOP which has only companies as members of that AOP. Highest rate of surcharge will be 15. इट हैज बीन वेरी पॉपुलरली सेड फॉर दी मोदी गवर्नमेंट के ये कॉरपोरेट को फेवर करने वाली सरकार है, सूट बूट की सरकार है, कैपिटलिस्ट सरकार है, इंडस्ट्रियलिस्ट का फेवर लेने वाली सरकार है. बट यहां पे आप समझने की कोशिश कीजिए प्लीज, कंपनीज को पहले से एक फ्लैट रेट लगता है. कंपनीज डोंट गेट स्लैब्स, देयर टैक्स रेट्स आर फ्लैट. वी आर गोइंग टू डू दैट वेरी सून. क्योंकि कंपनीज को फ्लैट रेट लगता है तो उनका जो सरचार्ज है वो पहले से बहुत कम है. आज जब हम कंपनीज का सरचार्ज पे पहुंचेंगे ओल्ड रेजिम के अंदर, कंपनीज का सरचार्ज डोमेस्टिक कंपनी के लिए हाईएस्ट सरचार्ज 12% है,
और फॉरेन कंपनी के लिए तो हाईएस्ट सरचार्ज 5% ही है, हाईएस्ट बोल रहा हूं, उससे कम भी है. सो डू यू अंडरस्टैंड एज अ कंपनी असेसी व्हाट इज द हाईएस्ट सरचार्ज दैट इज एप्लीकेबल टू मी? 12 हाईएस्ट. उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि बेसिक पहले से ज्यादा है, बेसिक ज्यादा है इसलिए सरचार्ज कम रखा. लेकिन ये मल्टीपल कंपनियां मिला के अगर एक एओपी बना लेती है तो एओपी ये वाले रेट्स में आ जाएगा और ये वाले रेट्स में सरचार्ज गोज अप टू 25-37. कंपनी बोलती है यार अगर मैं इस एओपी के मेंबरशिप से बाहर निकल जाऊं तो एज एन असेसी मेरा हाईएस्ट सरचार्ज 12 है और अदर कंपनीज के साथ मिलकर एसोसिएशन बनाया तो उसमें आप 25-37 कैसे लगा रहे हो? आप समझे क्या? एंड दस फॉर ओनली कॉर्पोरेट मेंबर्स इट इज गोइंग टू बी 15. मतलब दैट वे एवरीथिंग एल्स इज सेम, 10, 15, 25, 37 मार्जिनल रिलीफ, एवरीथिंग इज सेम. बट खाली एक्स्ट्रा क्या है? कॉर्पोरेट मेंबर्स वाले एओपी में हाईएस्ट सरचार्ज विल बी 15%. एंड फाइनली एचईसी, अगेन कांग्रेचुलेशंस. दिस एज आई सेड ऑल थ्रू आउट द इनकम टैक्स लॉ अक्रॉस द लॉ इट इज सेम. हो गया, एक खत्म होते होते दो लेक्चर खत्म हो गया और तीन और हो गए. ओके, दैट वे टैक्स रेट्स वाला पार्ट खत्म हो गया. बट आई डोंट वॉन्ट यू टू बी ब्लैंक विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग. आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबके ऊपर होना चाहिए. मैंने इंडिविजुअल का भी मीनिंग लिख के बताया ना, नेचुरल पर्सन ह्यूमन बींग, तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए. आज एग्जाम में तो आ जाएगा, एचओएफ का आया तो टैक्स करके दिखा, आप ये वाले रेट्स लगा दोगे. यू ऑल अंडरस्टूड सेम एज फर्स्ट कैटेगरी, करेक्ट है? एंड रिबेट सरचार्ज एचईसी. बट यू शुड स्टिल हैव लिटिल आइडिया अबाउट व्हाट इज एचयूएफ, व्हाट इज एओपी बीवाई, व्हाट इज एजेपी. एकदम ब्लैंक हो गया एग्जाम में नहीं जाने का. व्हाट इज एचयूएफ? इन इंडिया देयर इज अ लॉ कॉल्ड हिंदू सक्सेशन एक्ट, समटाइम्स वी ऑल्सो रेफर टू इट एज द मिताक्षरा लॉ. वो 12th के ओसी में और एसपी, वो जो 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस में कॉमर्स में आता है, मिताक्षरा लॉ. और वो आई थिंक वेस्ट बंगाल और उधर एक दया भंगा लॉ करके, हाँ मिताक्षरा, हिंदू सक्सेशन एक्ट. 4 जनरेशन ऑफ अ हिंदू फैमिली हैव गॉट इक्वल राइट ओवर फैमिली एसेट्स. बिजनेस नहीं बोल रहा हूं, एसेट्स बोल रहा हूं, क्योंकि फैमिली कैन बी हैविंग इनकम इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस और कमीशन और रेंट और शेयर्स का डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन एफडी. इट कैन हैव एनीथिंग अदर देन सैलरी. खाली सैलरी नेचुरल पर्सन को होता है, अदरवाइज एचयूएफ की सब इनकम्स पॉसिबल है. मैं एचयूएफ के नाम से तो कोचिंग क्लास चला रहा हूं. किसी के घर में कोई इनकम टैक्स का ऑफिसर है? एनीवन हैविंग एसीआईटी डीसीआईटी जॉइंट कमिश्नर फैमिली में कोई है किसी के? पूछ रहा हूं, मतलब क्लैरिफिकेशन, क्या एग्जांपल देने के टाइम पे ध्यान रखोगे? हाँ, तो मैं एचयूएफ के नाम से कोचिंग क्लास चला रहा हूं. आप समझा क्या? 4 जनरेशन ऑफ अ हिंदू फैमिली हैव राइट ओवर ऑल द एसेट्स. इसलिए पुराने जमाने में आप देखोगे ना, अपने से एक दो जनरेशन पहले के, तो उनके 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 बच्चे होते थे. नेटफ्लिक्स नहीं था ना. What else was available? Okay? तो क्यों मालूम है? समझ लो दो भाई है, एक के दो बच्चे हैं, दूसरे के एक ही बच्चे हैं. Everyone will get equal share on the family assets. तो जिसके दो बच्चे उसको ज्यादा शेयर मिलेगा. तो जो दूसरा भाई है वो सोचता है यार मेरा शेयर तो कम हो गया, बढ़ाना पड़ेगा. Everyone has equal share. 4 जनरेशन. अगर मिस्टर एक्स की कोई वेल्थ है तो एक्स चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन यहां तक बॉर्न हुए हुए और इस फैमिली के पार्ट हर पर्सन को इक्वल राइट मिलेगा. On family assets, it can be property, it can be FD, it can be shares, और उनसे आने वाली सब incomes equally होती है. इसीलिए तो इन incomes को जब HUF कमाता है, whether business or commission or interest or dividend, HUF को assessee बना के tax लिया. And once HUF has paid tax, thereafter when the income is distributed to the members, that income is exempt. We are taxing it at the HUF stage, ताकि एक एक के पीछे भाग के tax collection का tension नहीं हो. That is why HUF was made as an assessee. Is that understood? However, you can only have Hindu undivided family. There is no concept called Parsi undivided family, Christian undivided family, Muslim undivided family, because जब तक uniform civil code हमारे country में नहीं आता है, Hindu succession act is being followed by people following Hinduism, Jainism, Sikhism, Buddhism. Hindu, Jain, Sikh, Buddhist. Hindu, Jain, they are different religions. अब मिला के उनको सनातन धर्म बोल दो वो अलग बात है, ये अलग रिलीजियन है. गो टू एनीबडी इन द जैन कम्युनिटी, बोलेगा जैन हिंदू, सेम गाली देगा आपको. हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, ये सब अलग अलग है, बट दे फॉलो द सेम सक्सेशन लॉ. वही जैन, मतलब यू डोंट गेट ऑफेंडेड, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी बात कर रहा हूं. उसको बोलेगा जैनिज्म, हिंदुइज्म सेम ऑफेंसिव है, नई काय का सेम, इट्स अ डिफरेंट रिलीजियन.
और बोलेगा HUF में टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो खोलेगा हाँ वो अलाउड है, वो अलाउड है, इट इज अ डिफरेंट रिलीजन, वो क्लियर है, बट सक्सेशन लॉ सेम है. तो देर कैन बी हिंदू जैन सिख और बुद्धिस्ट ओपनिंग HUF, बट देर इज नथिंग कॉल्ड मुस्लिम क्रिश्चियन और पारसी अनडिवाइडेड फैमिली. इज दैट क्लियर? HUF जब भी क्रिएट हुआ, इट वॉज क्रिएटेड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स अवॉइडेंस. द होल आइडिया बिहाइंड HUF इज टैक्स अवॉइडेंस. सर हाउ? नाउ दैट आई हैव, आई मीन जानबूझ के रेट्स पहले बोला उसके बाद एक्सप्लेनेशन चालू किया, तो आपको समझ में आएगा कैसे टैक्स अवॉइडेंस होता है. समझ लो मैंने 10 लाख रुपया कमा लिया, हाइपोथेटिकली, बिकॉज आई एम बिलो बेसिक एक्सेंप्शन एज वी डिस्कस टुडे. हाइपोथेटिकली मैंने 10 लाख कमा लिया, नाउ व्हाट इज द बेसिक टैक्स रेट एप्लीकेबल टू मी? 30 एवरी रुपी. समझ लो और 10 लाख कमा लिया, तो 10 to 20 वाला जो 10 है वो तो 30% में जाएगा. आइडिया, ओपन HUF एंड टेल ऑल अवर पेयर्स के नाउ पे मनी इन माई HUF का अकाउंट, तो HUF को स्लैब्स मिलेगा. मतलब पहले 10 लाख तक 1,12,500 जो अदरवाइज 3 लाख होता, क्योंकि मेरे हाथ में आता तो फिर 30% लगता ना. HUF कैन हेल्प यू टू सेव 187,500 पर एनम. 187,500 का नंबर समझा के करके दिखाऊं, HUF खुद स्लैब्स पे भरेगा तो 1,12,500 आएगा 10 लाख तक, और अगर मैं भरता तो 30% पे 3 लाख आता, तो 3 लाख माइनस 1,12,500 187,500 का सेविंग्स होगा. आप समझा? ओनली फॉर टैक्स अवॉइडेंस, नथिंग एल्स. लोग अपनी इनकम को HUF के नाम पे डाइवर्ट कर रहे हैं. एग्जांपल, सर अगर इसमें ऐसे टैक्स अवॉइडेंस होता है तो गवर्नमेंट इसको डिलीट ही क्यों नहीं कर देती है? पागल हो गए हो? तुम्हारा खाली टैक्स चलता है दिमाग में, तुमको कंट्री का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट समझ में नहीं आता. इमेजिन करो एक गवर्नमेंट जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्स बेनिफिट विड्रॉ कर दे, यू कैनॉट ऑफेंड द मेजॉरिटी टू प्लीज द माइनॉरिटी. और हम कितना भी बोल दे कि इंडिया इज नॉट अ कंट्री फॉर माइनॉरिटीज, इंडिया में माइनॉरिटीज का शोषण होता है, वो एक्सप्लॉयटेशन होता है. हम बचपन में जब कोई गेम्स खेलते थे ना, तो हम बोलते थे मेजॉरिटी विंस. हम 10 जन का ग्रुप है और डिसाइड करना है एग्जाम के लास्ट दिन को के आफ्टर एग्जाम कौन सी मूवी देखने जाना है. अगर 8 लोग बोला मूवी ए, 2 लोग बोला मूवी बी, तो अल्टीमेटली मूवी ए ही देखी जाती है. इंडिया क्या दुनिया में कहीं पर भी यू हैव टू सेटिस्फाई द मेजॉरिटी. अगर किसी गवर्नमेंट ने HUF डिलीट कर दिया, इस जन्म में तो वापस इलेक्शन नहीं जीतेगी वो. एंड बाय द वे मोदी जी नहीं लेके आए थे, फॉर दोज हु थिंक दैट मोदी जी इज अगेंस्ट माइनॉरिटीज. HUF is there since decades. It was not introduced by Modi ji, कि मोदी जी ने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंट्रोड्यूस किया. ये हमेशा से चला आ रहा है एंड nobody is bothered to remove it. HUF tax benefit ले रहा, सबको मालूम है ले रहा, लेने दो, let the majority be happy. अरे आप समझा क्या? HUF is only for tax avoidance purposes. And for this those thinking, अरे वाह सर इसमें पैसा बचता, चलो आज ही घर पे जाके HUF खोलेगा. पहले इनकम भी चाहिए उसके लिए. देखो सबसे मेन चीज, टैक्स तभी बचता है जब इनकम होती है, सबसे मेन कंडीशन. तो अज्यूम कर लो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू अर्न अ लॉट ऑफ इनकम, तो अब आप HUF खोल सकते हो? नहीं खोल सकते हो. देखो एक जमाने में रूल था यू नीड अ मेल चाइल्ड, हूएवर क्रिएटेड दैट उसको तो रूम में बंद करके, मैं अगर मिल गया तो मारेगा पकड़ के. वॉट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वॉज दैट आई डोंट अंडरस्टैंड, बट दिस वॉज वैलिडली रेक्टिफाइड इन 2005. बोलता है मेल फीमेल सेम, सन और डॉटर कोई भी HUF खोल सकते हैं. फिर अनदर चेंज एंड लेटेस्ट, अगर आज का डेवलपमेंट बोलू तो जिस दिन यू गेट मैरिड एंड यू बिलोंग टू हिंदू जैन सिख और बुद्धिस्ट फैमिली, द डे यू गेट मैरिड यू हैव टू जस्ट मेक वन एफिडेविट ऑन अ स्टैम्प पेपर. ऐसा तुम नोटबुक से डबल पेज फाड़ेगा तो नहीं चलेगा. स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट बनेगा क्या, दैट आई एम मैरिड, आई एम अ हिंदू मेल और अ जैन मेल, आई गॉट मैरिड ऑन दिस डेट एंड विथ हुमसोएवर, एंड I am going to start my family, which will be known by this name, Siddharth and Surana HUF. उस एविडेविट को आपको कोर्ट में सबमिट करना है, कोर्ट का स्टैंप मिलता है, नोटरी बोलते हैं हम उसको, फिर वो स्टैंप लगा हुआ स्टैंप, मतलब वो कोर्ट का स्टैंप लगा हुआ स्टैंप पेपर भी सबमिट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उससे HUF का नाम का पैन कार्ड अलॉट होता है. उस पैन कार्ड से हम लोग बैंक में जाके HUF के नाम का अकाउंट ओपन करते हैं विद द आधार कार्ड ऑफ करता है. HUF का आधार कार्ड नहीं होता है, बैंक का अकाउंट HUF के नाम से ओपन हो गया. अब लोगों को बोलने का इसमें पैसा दे, HUF के अकाउंट में पैसा. तो इस पूरी स्टोरी का सार ये है कि HUF में टैक्स बचाने के लिए पहले आपको शादी करना,
अब आप इतना बड़ा रिस्क लेना चाहते हो खाली टैक्स बचाने के लिए, जिसकी हो ही गई है अभी, जैसे जिस दिन मेरा शादी हो ही गई, शादी हुआ, आई सेंड पहले एचयूएफ ओपन करेगा, पहले टैक्स बचाएगा, बाकी सब तो ठीक है। हाँ मतलब हो ही गई है तो फिर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाली टैक्स बचाने के लिए शादी करना, यू वॉन्ट टू टेक दैट रिस्क, यू आर फ्री टू डू दैट। आप समझा वॉट इज दिस थिंग कॉल्ड एचयूएफ एंड हाउ वी आर अप्लाइंग द सेम रेट्स। यहां पे इंस्टीट्यूट मैक्सिमम आपके साथ इतनी सी गेम खेल सकता है, बताओ कितनी सी गेम। इंस्टीट्यूट आपको बोलेगा मिस्टर एक्स गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 20 एंड ओपन एचयूएफ। किस उम्र में शादी हुआ? 20 की उम्र में शादी हुआ, एचयूएफ खोल दिया, इसकी शादी को 60 इयर्स हो गए, आज मिस्टर एक्स 80 साल के हैं, तो एचयूएफ कितना साल पुराना हो गया? 60 इयर्स पुराना, तो उसका बेसिक एग्जेम्पशन इट विल ऑलवेज रिमेन 2,50,000, चाहे वो एचयूएफ 100 साल पुराना भी हो, दैट्स द मैक्सिमम गेम दैट दे कैन प्ले। Is that sorted? वैसे भी हमने वन ए लिखा, कोई एज वेज नहीं लिखा। चलिए एओपी बीओआई, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज और गोल। भारी भाषा यूज किया, ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर फॉर कॉमन पर्पज और गोल। सर कुछ नहीं समझा, कोई बात नहीं। यू हैव हर्ड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड लायंस क्लब, रोटरैक्ट क्लब, ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टूगेदर वेदर फॉर नेटवर्किंग, वेदर फॉर चैरिटी, फॉर एनी सच रीजन, दैट विल बी कॉल्ड एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। समथिंग एज सिंपल एज आपके जो क्लब्स होते हैं, चाहे वो बरली वाला एनएससीआई हो या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का क्लब जिसको हम गरवारे क्लब वानखेड़े स्टेडियम के नाम से जानते हैं, दैट्स द गरवारे क्लब, या क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ब्रेबोर्न स्टेडियम जो है वो भी मुंबई में सेम एरिया में ही है। दीज आर क्लब्स, इनके जो मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल कम टूगेदर फॉर अ कॉमन पर्पज ऑफ गोल, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, सम ऑफ देम देन टेक फर्दर रजिस्ट्रेशन एज चैरिटेबल ट्रस्ट। पहले एओपी बनता है, फिर उसको ट्रस्ट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कुछ टैक्स बेनिफिट्स का एक चैप्टर है अपने वॉल्यूम वन में, चैप्टर नंबर 12 ऑफ अवर टेक्स्ट बुक, फिर वो चैरिटेबल ट्रस्ट के टैक्स बेनिफिट्स मिलने लग जाते हैं, लेकिन पहले आपको एओपी बनना। ओके, सो टैक्स रेट्स एंड ऑल आर सेम, और इस एओपी में अगर सब कंपनीज मेंबर है तो हाईएस्ट सरचार्ज 15% एज वी ऑलरेडी रोट दैट। फाइनली आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, सर ये होता क्या है? Anybody who has earned income but does not fall in individual HUF, AOP, BOI company form, anybody who has earned income but does not fall in that category will be called AJP, artificial juridical person. Sir samjhani, sir HUF to aapne family ka bataya, samajh mein aa gaya, AOP BOI mein lions club ka example diya, samajh mein aa gaya, speed is not a problem, no aisa to nahi lag raha na, bahut fast ho raha hai ya aisa kuch nahi, agar kabhi aisa lage ki to you tell me, kyunki main apne flow mein hota hu, main mera होश खो देता हूं जब मैं टैक्स की बात करता हूं, तो अगर आपको ऐसा कुछ लगे ना, कुछ वापस रिपीट करना है, इमीडिएटली टेल मी, स्पीड इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओके, इनफैक्ट इससे स्लो होएगा ना। अगर मैं आपको ऐसे बताऊं कि एओपी का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टूगेदर फॉर कॉमन, बोलेगा ये वैसे तेरे 1.5x का कोई बटन है तो दबाता हूं मैं इधर आके, एक तो VRCA स्टूडेंट हमको 1.5x के नीचे जमता ही नहीं है, है ना, तो एकदम ज्यादा स्लो भी नहीं कर सकते। Right. तो एजेपी भी एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएंगे। ओके, आपको वो याद है वो रजनीकांत का चिट्ठी, हमने इंडिविजुअल में मना किया था, यस, बिकॉज वो नेचुरल पर्सन नहीं था, बट कैन चिट्टी हैव इनकम? मैं तो बोलता हूँ स्टाफ रखने से अच्छा चिट्टी रखने का, उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा, खाली चार्ज करना पड़ेगा, कैन चिट्टी हैव इनकम? बट वो इंडिविजुअल नहीं था, आपने मना किया, बट ऑफकोर्स वो एचयूएफ एओपी बीओआई कंपनी फर्म लोकल अथॉरिटी कुछ नहीं था, तो वो क्या बनेगा? आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन, अगर चिट्टी ने इनकम किया। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, एनी ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास हु इज मैरिड, एनीवन? क्लास में तो कोई नहीं है, ऑनलाइन में कोई नहीं, ठीक है, फॉरगेट इट। तो पॉइंट, आई विल नॉट बी एबल टू मेक दैट पॉइंट, चलो लेट्स गो टू अनरिलेटेड टॉपिक। क्लास के जितने भी बच्चे दिस टाइम मेल स्टूडेंट्स और फीमेल स्टूडेंट्स, ओके, एनीबडी हैज अ पेट एट होम, कैट या डॉग या ऐसा कुछ? कैट है और आपके डॉग है, क्या नाम है उसका? हैप्पी, ये बेस्ट है, एकदम हैप्पी, वेरी गुड। इमेजिन समवन नेमिंग पेट को ए सैड, कैसा लगेगा? नहीं, ऐसा सुनने में हैप्पी अच्छा लगता है, हैप्पी लगता है। सपोजिंगली आपने वो डॉग को रेस में पार्टिसिपेट करा हैप्पी को, और वो रेस जीत गया, तो उसको पैसा मिलेगा,
करेक्ट और नो? तो इनकम है तो टैक्स लगेगा, वो इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन है, ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग नहीं है। हम नहीं, अपन अपने बच्चे के जैसा ट्रीट करता है, दैट इज योर प्रॉब्लम। तुम सचिन तेंदुलकर को भगवान भी मानता है, उससे क्या मतलब है? इनकम टैक्स के आईज में तो वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो ऑफकोर्स वो HUF कंपनी फर्म लोकल अथॉरिटी कुछ नहीं है, लेकिन उसको टैक्स लगेगा। अब बोलना मत उससे कैसे लेगा, वो तो काट लेगा टैक्स मांगा तो नहीं, वो आर्टिफिशियल ज्यूडिकल पर्सन है एंड यू द केयर टेकर आर रिस्पॉन्सिबल। वैसे तो माइनर चाइल्ड के लिए भी हम लोग पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबल बनाते हैं ना। अरे अगर किसी का डेथ हो गया है ना तो उसकी इनकम पे भी टैक्स लगता है, मरने के पहले अगर कमा के गया है तो। बोलना मत उससे कैसे मांगेगा, जाके आएगा वापस ही नहीं आएगा। नहीं, द लीगल हेयर ऑन बिहाफ ऑफ द डिसीज हैज टू डू इट। ये सब आएगा हमारे सिलेबस में, वेयर देयर इज अ विल देयर आर रिलेटिव्स, तो कोई ना कोई होगा जिसको भरना पड़ेगा। आप समझा क्या? हाँ, तो उसको भी टैक्स लगेगा, वेदर डॉग और कैट। एक्चुअली मैं, मेरा पहला क्वेश्चन इसलिए था, एनी ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स हु इज मैरिड, क्योंकि अगर सेकंड क्वेश्चन में सब लोग, जैसे अपने क्लास में तो किसी का डॉग किसी का कैट निकल गया, अगर किसी का नहीं होता तो मैं वापस आपको रिमाइंड करवाता, इफ यू आर अ मैरिड फीमेल यू हैव अ पेट एट होम। वो बहुत डीप है, थोड़ा सोचोगे तो समझ में आएगा। तो नेक्स्ट फ्यू इयर्स यू विल गेट एन ऑफिशियल पेट, फिर आप उसको जो करना है वो आप उससे करवा सकते हो। इन योर आईज वो AJP है, लेकिन इनकम टैक्स उसको इंडिविजुअल बना के टैक्स करेगा। मतलब मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूं आपको, आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके, तो इसके साथ में ये तीनों असेसी भी यहां पे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट वी गो टू ये, अगर आप लास्ट ईयर के किसी भी स्टूडेंट की बुक ओपन करके चेक करोगे तो मैंने यहां पे लिखा होगा फर्म एंड लोकल अथॉरिटी विल बी टॉट इन अ चैप्टर नंबर 11 असेसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स, एंड फिर नेक्स्ट मैं लिखता था कंपनी विल बी टॉट इन अ चैप्टर नंबर 15 मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। अब प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके साथ में करने वाला हूं एक असेसी कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। वैसे वो रजिस्टर होता है तब AOP का ही पैन कार्ड मिलता है, लेकिन हमारे इनकम टैक्स लॉ में बोला है इफ यू आर ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटीज एक्ट एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो वी वॉन्ट टू रिमूव यू फ्रॉम दीज टैक्स रेट्स एंड वी वॉन्ट टू कीप सेपरेट टैक्स रेट्स फॉर यू। यू आर AOP, यू आर AOP, बट अंडर AOP फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी अलग से रेट है। वो मैं यहां पे खत्म करता था, फिर मैं न्यू टैक्सेशन रेजिम पे जाता था, उसमें खाली इंडिविजुअल का और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का BAC BAD में करता था, बिकॉज कंपनी का न्यू रेजिम इसके ओल्ड और न्यू साथ में मैट में करते थे। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक नया सेक्शन आया है 115BAE, विच इज अ न्यू सेक्शन अमेंडमेंट, विच इज ड्रास्टिकली सिमिलर टू कंपनी का 115BAB, पूरा सेम ही है, डिफरेंस खाली इतना, ये कंपनी है ये सोसाइटी है, कंपनी होगा तो इसमें, सोसाइटी होगा तो इसमें। अगर मैं ये यहां पे करूं तो मैं तुरंत ये करूंगा ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं तुरंत ये करूं तो फिर मेरे को 115BAA का भी न्यू रेजिम और फिर कंपनी का ओल्ड रेजिम भी इधर ही करना पड़ेगा, और फिर सबका ही ओल्ड रेजिम न्यू रेजिम कर रहे, तो ये बेचारा पार्टनरशिप फर्म ने इसने क्या पाप किया? एक बात बता दूं आपको, पार्टनरशिप फर्म में तो कोई न्यू रेजिम है नहीं, इन ऑल द असेसीज फर्म LLP इज द ओनली असेसी हु डज नॉट हैव एनी न्यू टैक्सेशन रेजिम। इस साल एक अमेंडमेंट आया है जिसमें इंडिविजुअल HUF के साथ साथ एसोसिएशन ऑफ पर्संस आल्सो आर एलिजिबल फॉर न्यू टैक्सेशन रेजिम। मतलब अब द ओनली असेसी हु डज नॉट हैव न्यू रेजिम इज पार्टनरशिप फर्म, तो उसका खाली ओल्ड है। तो अब जब सोच ही लिया है कि सब इधर ही करना है तो फिनिश करेंगे विद द अंडरस्टैंडिंग दैट वन डे व्हेन वी गो टू पार्टनरशिप फर्म चैप्टर और वी गो टू मैट का कंपनीज का चैप्टर, आई देन डू नॉट हैव टू डू टैक्स रेट्स विथ यू अगेन। खाली मैट का रेट्स बताना है, फर्म को तो मैट भी नहीं लगता है, AMT लगता है, अनदर लॉ कॉल्ड ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। आई जस्ट हैव टू टीच यू दोज रेट्स, आई डोंट हैव टू टीच यू दीज रेट्स अगेन। आपको ये वाला पार्ट यहां पे लर्न हो जाना चाहिए। तो लेट अस गो एंड टॉक अबाउट टैक्स रेट्स ऑफ फर्म्स LLP एंड ऑल्सो द सेम रेट इज एप्लीकेबल टू लोकल अथॉरिटी। इनफैक्ट LLP को तो अलग से पर्सन भी नहीं बना है, एवरी इनकम टैक्स प्रोविजन एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू LLP, एवरी प्रोविजन ऑफ फर्म इंक्लूड्स LLP समझ लो, और लोकल अथॉरिटी भी यहां। स्टेप नंबर वन इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेसिक टैक्स। देव्यो एंड सज्जनो, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज गर्ल्स एंड मित्रों, पार्टनरशिप फर्म विल बी लायबल टू अ फ्लैट रेट ऑफ 30%। इन अदर वर्ड्स, नो बेसिक एक्सेम्पशन,
नो स्लैब्स। अपन अगर 1 लाख कमाता है तो 0 टैक्स, 2.5 लाख से कम है तो हमको 30,000 टैक्स आएगा, 10,000 कमाया है तो 3,000 टैक्स, 100 रुपया कमाया तो 30 रुपया टैक्स, ब्लडी हेल 10 रुपया कमाया तो 3 रुपया टैक्स। ऑफकोर्स वो राउंडिंग ऑफ में 0 बन सकता है आगे जाके, लेकिन टू मेक माई पॉइंट क्लियर, 1 रुपया कमाया तो 30 पैसा टैक्स। एवरी रूपी विल बी टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30। देखो इंडिविजुअल में स्लैब्स क्यों दिया ना, मैं आपको लॉजिक याद दिलाता हूँ। बेचारा 20,000 कमाता है तो उसको घर चलाने के लिए, आज ही तो सुबह सुबह जब हमारा क्लास स्टार्ट हुआ था मस्त ना धोके आए थे, कोई कोई वैसे भी आया था, तब मैंने बोला ना 20,000 कमाता है तो उससे क्या टैक्स लेने का, उसको घर चलाना है ना। फर्म इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एग्जिस्टिंग ऑन पार्टनरशिप डीड। इंडिविजुअल को घर चलाना है, उसको रहने के लिए घर चाहिए, रेंट भरना पड़ेगा, उसको सुबह उठ के टूथब्रश चाहिए, पेस्ट चाहिए, नहाने के लिए पानी चाहिए। पार्टनरशिप डीड को बेडरूम नहीं लगता है, ना टॉयलेट लगता है, ना टूथब्रश लगता है। पार्टनरशिप डीड इज अ पीस ऑफ पेपर एंड थस फर्म कंपनीज डू नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन और स्लैब्स। एवरी रूपी विल बी टैक्स एट फ्लैट। यस आई नो दैट यू ऑल न्यू दैट इंडिविजुअल्स गेट स्लैब्स एंड फर्म कंपनीज गेट फ्लैट, बट वाई सर? एंड वन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अवर बैच फॉर द नेक्स्ट 2.5 मंथ्स, मोर देन दैट ऑलमोस्ट 3 मंथ्स, विल बी अदर पीपल इन द कंट्री विल नो वॉट इज द लॉ एंड वी विल नो वाई। नथिंग इज बिगर देन लॉजिक, लॉजिक से बड़ा कुछ नहीं। मैं एक प्रोविजन आपको 4 अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट करके सिखा दू ना, दैट वोंट डू एनी वैल्यू एडिशन इन योर लाइफ एज मच एज टेलिंग यू द रीजन इन वन लैंग्वेज। वाई? If I have to call myself better than anyone else, I have to first make you better than anyone else. और उसके लिए you should be able to, आप आज ऑफिस जाके लोगों को 2-4 चीज सिखा सको। You won't believe, मेरा एक student, his father is the owner of one of the biggest CA firms of the city. वो इंटर में भी मेरे से private tuition लिया था और one of the brightest students, इंटर में exemption भी आया था उसको tax में। फाइनल के अंदर वो क्लासरूम में कोचिंग में आया था, बिकॉज प्राइवेट ट्यूशन इन जनरल इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव एंड वन स्टूडेंट हैज टू पे द फीस ऑफ एंटायर बैच, बहुत महंगा है। तो इन एनी केस जो अफोर्ड भी कर सकता है वो लोग सोचते हैं कि ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्लास में इतना अच्छा है, प्राइवेट की जरूरत किधर है। तो उसने 1-2 बार दिया बट अनफॉर्चुनेटली क्लियर नहीं हो पाया। इन एनी केस पूरा बिजनेस सेट है, बोला मेरे को स्टाफ से ही काम करवाने का है, कहां सीओपी पप्पा का है ना, साइन करवा दूंगा पप्पा से, कोई टेंशन नहीं है। और वर्स केस में क्या होएगा कि सीए से शादी कर लूंगा, एक सीओपी तो चाहिए, हमको क्या चाहिए, काम तो हमारे पास अच्छा खासा है, क्लाइंटल बहुत अच्छा खासा है हमारा, कोई टेंशन नहीं है। वो आज अपनी ऑफिस में विदाउट क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसके सीनियर जो उसके डैडी के अंदर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम कर रहे हैं, उनके टैक्स के डाउट सॉल्व कर रहे हैं। एंड फॉर दोज हु डोंट ट्रस्ट मी, अभी लेक्चर के बाद रुकना, स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। स्क्रीनशॉट क्या, उसका मैसेज का चैट ही व्हाट्सएप खोल के दिखा दूंगा। सर आई एम सॉल्विंग डाउट्स ऑफ एवरीवन इन ऑफिस, छोड़ दो आज ही इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, आज ही स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। आई वॉन्ट यू टू बी ऑफ दैट कैटेगरी। एग्जाम इज अ बाई प्रोडक्ट, रिजल्ट इज अ बाई प्रोडक्ट, वी ऑल इंटेंड टू डू बेस्ट इन दैट, बट एट द एंड ऑफ द बैच नॉलेज वाइज हमको ऐसा होना चाहिए, मजा आया नॉलेज वाइज, आप समझे। और इसीलिए मित्रों हमको लॉजिक पता होना चाहिए। फर्म का बेसिक टैक्स फ्लैट 30, रिबेट मैं लिखूं के टाइम वेस्ट नहीं करूं, आप ही बोल दो नो रिबेट, आई विल डायरेक्टली से सरचार्ज। इफ द नेट टैक्सेबल टोटल इनकम ऑफ द फर्म इज अप टू ₹1 करोड़, नो सरचार्ज। तो क्या आप ऑलरेडी डिफरेंस समझ गए? आएगा सरचार्ज सबको, बट इंडिविजुअल HUF विल स्टार्ट पेइंग सरचार्ज आफ्टर क्रॉसिंग इनकम लेवल ऑफ 15। एंड फर्म्स कंपनीज को क्योंकि पहले से बेसिक टैक्स ज्यादा लगता है तो 1 करोड़ तक सरचार्ज नहीं आएगा। इधर इंस्टीट्यूट लेता है लोगों की, इंडिविजुअल का 80 लाख में आपको सरचार्ज 10% लगाना है, फर्म के 80 लाख में नहीं लगाना है। इंडिविजुअल 1 करोड़ हुआ तो 10% येस, फर्म का नो 1 करोड़ हुआ है, 1 करोड़ क्रॉस हुआ तो एक ही रेट अप टू इंफिनिटी, फिर 1 करोड़ क्रॉस हुआ 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, एक ही रेट है सरचार्ज का। पार्टनरशिप फर्म ओनली 1 रेट ऑफ सरचार्ज, दैट इज 12%। एंड जब भी हम लोग सरचार्ज करें इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। सरचार्ज विल ऑलवेज इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल, हमेशा आएगा मार्जिनल रिलीफ, हमेशा आएगा। इन अदर वर्ड्स यू अंडरस्टैंड कितना ईजी है ये, 1 करोड़ तक की इनकम, एग्जैक्ट 1 करोड़ तक की इनकम पे नो सरचार्ज, एंड वंस यू क्रॉस 1 करोड़ तो
12% up to infinity. And last concept being the easiest of all. HEC always 4%. Acha, I hope there is no confusion about this. Sir, matlab jiska bhi 1 crore cross hua, uska 30, 12, 4 tino aayega? Matlab 46% ho gaya na? Nahin, I know you won't do that. 12 of 30, to 3.6 aata. Aur wo 33.6 ke upar hum log 4%. 34.94. That is okay, but the point is that you all understood no kaunsa percentage kis pe lagega. Aur firm ka to koi new regime hai bhi nahi hai. To ab hamare introduction mein kya bacha hai? Suno. Companies ka old regime karenge, cooperative societies ka old regime karenge. And then all the new regime ka sections, which is 115BAA, BAB for companies, BAC for individual HUF with plenty of amendments, BAD and the new section BAE, which are both applicable to cooperative societies, and tax rates. Matlab definitely kal ke lecture mein to we may not be able to achieve that, but in the fourth lecture we will definitely complete our tax rates. So anybody having any doubt or difficulty?